It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गाइस वेलकम बैक टू यल अन अकेडमी गेट सीई सी एच तो आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एक बार जल्दी से यार कमेंट कर दो ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर आ रहा है कि नहीं फिर जल्दी से अपनी क्लास को आगे बढ़ा जाए फटाफट यार ओके जयंत ने सीधे लिखा है वेब क्रिपलिंग डिस्कस करिए सर बेटा आज ऐसा नहीं होने वाला है आज हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले इससे अपने क्वेश्चन गेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है और हम लोग को कवर करनी सारी चीजें ठीक है थीके? तो चलो भाई जल्दी जल्दी फटा फटाफट क्लास को शुरू करते हैं ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑडियो ऑडियो जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सब आ रहा अच्छे से ओके सो अ वेरी गुड इवनिंग टू सारे फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग और मैं चाहता हूँ भाई गेट का पेपर तुम लोग का बहुत बढ़िया हो तो देखो यार कोशिश करी जा रही है जितना हम लोग कंटेंट कवर कर सकेंगे कवर करेंगे ठीक है कल मैंने इगेशन क्लास ली थी और कल मैं मैथ्स की क्लास लूंगा पहले थोड़ा सा जरा तुम लोग को क्लास वगैरह बता देते हैं क्लास के बताते तो फिर हम लोग आज तीन घंटे बढ़िया से यार पढ़ने वाले हैं शानदार तरीके से एकदम स्टील जितना हो पाएगा यार कवर करेंगे सारी बेसिक बेसिक चीजें क्वेश्चन हम लोग गेट के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज भी और कल भी ठीक है तो चलो यार ये सब तुम लोग जानते हो यार पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है मेरे बारे में ठीक है आई होप तुमको मेरा ऑडियो डी अच्छे से आ रहा है एकदम ठीक है ऑडियो बढ़िया से आ रहा है एकदम है ना तो ओके okay. तो नोज में माय नेम इज चेतन सक्सेना बेस्ट गेट रैंक इज 55 एंड 301 इन गेट और मैं एक्सपर्ट हूँ गेट एसी में

सिलेबस तो देखो बी स्टील वैसे बहुत बढ़िया है इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन थ्री आवर्स बट बेसिक बेसिक चीजें जितना हम लोग कर सकते हैं कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन रिवेट है चाहे हमारा बोल्ट ले लो चाहे टेंशन नंबर ले लो कोशिश करेंगे देखो पूरी कोशिश रहेगी है, है ना जितना हो पाए और ये सब जानते हैं यार ये मेरे सब्जेक्ट्स है हैं जिनमें मैंने अपना जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ सबको पता है स्ट्रक्चर अपने हो गए डायनेमिक्स से अपना स्टील हो गया है ना आरसीसी वगैरह हो गया हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स और जियोटेक एनवायरमेंट सब पता है यार सारे बच्चों को पता है और कोड बेटा क्या यार मेरा

पर्सनल कोच मिलता है जो तुमको वन ऑन वन गाइड करेगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ठीक है बनाने में मदद करेगा ठीक है तुमको स्टडी मटेरियल मिलता है इसमें और तुम्हारा देखो तुम्हारी स्टडी अच्छे से प्लान कर सकते हो जो कोच होता है वो एक खुद एक रैंकर है तो उसको बहुत अच्छे से आइडिया है कि, कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा बहुत अच्छे से ठीक है और बाकी टेस्ट सीरीज की अच्छी से एनालिसिस होती है इन डेप्थ टाइमिंग वगैरह और बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो पता रहेंगी तो ऑब्वियसली तुमको एज मिल सकता है तो ऑब्वियसली तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो जो बच्चे यार अपना गेट के बाद गेट के अपना फिर से पूरा तैयारी करना चाहते हैं वन ईयर या टू ईयर लॉन्ग अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर साथ वो लोग सब्सक्रिप्शन प्लान आउट कर सकते हो ठीक है और इस कोड के साथ एक फायदा और यार तुमको अनअकेडमी ऐप पर जब भी तुम आ रहे हो तो अपना फ्री प्लान तुम अनलॉक कर सकते हो ठीक है फ्री प्लान तुम अनलॉक करोगे फ्री प्लान के अंदर तुम्हें पता है बहुत सारे फ्री टेस्ट लाइव टेस्ट अन अकेडमी सबको पता है ऐप में बहुत कुछ है बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है और जितने हमारे नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री में है, है ना तो वो लोग इस कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं ठीक है लाइव क्लासेस फ्री क्लासेस फ्री टेस्ट कॉम्बैट और भी बहुत सारी चीजें ठीक है तो अनलॉक कर सकते हो ना फ्री प्लान बाकी यार देखो फीस वगैरह देख लो यार प्लस की फीस सबको पता ही यार प्लस की फीस तुम्हारी कितनी है ये लिखी हुई है यहाँ पे सीएसएम कोड तुमको लगाना है जिसके साथ तुमको एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा और सीएसएम के साथ तुम लोग मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाओगे ठीक है यहाँ तुम देखो डेढ़ साल और यहां देखो दो साल ठीक है तो एक साल डेढ़ साल और दो साल यहाँ लिखा हुआ है यहां तुम्हारी देखो फीस लिखी हुई है ये सब लिखा है यहाँ पे ठीक है ख लो ना अकेडमिक सिंपल सी एप डाउनलोड करो और तुम अपनी फीस को पे आउट कर सकते हो आराम से और उसके बाद तुम्हारा तुरंत ही सब्सक्रिप्शन एकदम इंस्टेंटेनियसली कमेंट हो जाएगा तुमको पता है यह सब बातें और ऐसे देखो तुम आइकॉनिक भी देख सकते हो ये आइकॉनिक एक साल और दो साल में आता है ये तुम्हारी एक साल की फीस है और ऐसी यहाँ पे दो साल की फीस है तो तुमको देखो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपना घर बैठे बैठे बढ़िया तरीके से एकदम तैयारी तुम लोग कर सकते हो ठीक है तो आई होप तुम लोग ये सब बातें पता है ओके हाँ बिल्कुल यार एक भी बार नहीं पढ़ा है तब भी तुम अटेंड कर सकते हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सिंपल सी बात है ना और यार देखो सारे बच्चे मुझे ऐप पे फॉलो कर लेंगे सबको पता यार अकेमिक ऐप पे क्या मिलता है यार सारी फ्री क्लासेस जितनी मेरी हैं सब यहीं पे आती हैं ठीक है थीके? अच्छा सेशन जरा जान लो क्या क्या होने वाला है क्या क्या शेड्यूल वगैरह है थोड़ी बातें कर लेते हैं फटाफट -फड़ यार आज क्या क्या डिस्कस करने आगे? देखो पहले तो आज बात करते हैं कि चलो अभी याद वाली बात में क्लासेस देख लो कल जो है हमारा महाब्रह्मा सेशन टू होने वाला है आज देखो हमारा ब्रह्मा सेशन वन हो गया उसमें क्या था सुबह से लेके बारह बजे से लेके अभी तक देखो क्लास चल रही है प्रांजुल सरमा जियोटेक ले रहे होंगे समय और मैं यहाँ पे स्टी ले रहा हूँ तो जो बच्चे चाहे वो देख सकते हैं वो उनके ऊपर है उनका मन है वो कोई भी सब्जेक्ट अटेंड कर सकते हैं चाहे तो स्टील और चाहे तो जियोटेक हम लोग ने कोशिश करी कि भाई पूरे दिन भर क्लासेस चलें और जितना ज्यादा तुम लोग कंटेंट मिल सके तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो फॉर गेट ट्वेंटी और जो बच्चे यार देखो लंबी तैयारी कर रहे हैं ट्वेंटी के लिए वो अपना बाद में आना ठीक है जो 2022 के लिए बैठे हैं उनको इस वीडियो का अटेंड करने की जरूरत नहीं है और ना ही वो ये बाद में कभी देखे भी ये उनके लिए है जो एकदम आखिरी में जब एकदम टाइम बचा नहीं और एकदम जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तब के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगार सिप्त धोने वाली लेकिन हम हाँ, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे ऊपर ऊपर चलेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी उड़ाएं और सब कुछ कवर कर लें ठीक है तो ये स्टील में ऐसे लेना लगे ठीक है सर सेशन की बात करते हैं जल्दी से कल तुम्हारा फोर्थ है कल तुम्हारा फोर्थ है और सर देखो कल तीन क्लासेस प्लान कर रहे हैं ठीक है कल पहले सर की बात कर लेते हैं ये मुझे फॉलो करना है सारे बच्चों को अनकेडमिक ऐप पे लिंक तुमको दिया गया है अन अकेडमिक ऐप पे सारे बच्चे गेट ऐसी मुझे सर्च करके फॉलो कर लेंगे ताकि बढ़िया बढ़िया तुम लोग वीडियो मिलती रहे ठीक है सर कहानी बताइए आप जल्दी से तो कल यार देखो सुबह अपना ब्रह्मा सेशन बजे शुरू होगा ठीक है कल सुबह दस बजे दस से बारह भाई दस से बारह सबसे पहले मैं मैथ्स के तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना हो पाएगा भैया मैथ्स तुमको कल एक वीडियो के दो घंटे के अंदर घंटे के अंदर सुपरसोनिक रिवाइज कराएंगे सर ठीक है दो घंटे के अंदर सुपरसोनिक कराएंगे उसके बाद ठीक है वीडियो का टाइम डालो चिंता ना करो जल्दी सुनते रहो फिर उसके बाद तुम्हारा बारह से दो कोई सब्जेक्ट चलेगा फिर दो से चार सब्जेक्ट चलेगा फिर चार से छह चलेगा और रात में फिर छह से नौ हम लोग सर स्टील के और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और बीएमसी के क्वेश्चन भी देखेंगे और सीपीएम पार्टी के क्वेश्चन भी देखेंगे और उन सबको सुपरसोनिक तरीके से उड़ा डालेंगे ठीक है एकदम स्पीड में उड़ाएंगे सब कुछ ठीक है ये सारे क्वेश्चन अपने जितने हैं दस से बारह मैथ्स और छह से नौ स्टील ये ये मैं लूंगा कल और दस से बारह मैं लूंगा ठीक है तो सुबह दस से बारह और शाम को छह से नौ और एक स्पेशल क्लास में रख दूंगा अगर बच्चों को एनवायरमेंट क्वेश्चन करने होंगे एयर पोल्यूशन वगैरह के बच्चे बोल रहे थे तो एक स्पेशल क्लास भी बीच में कहीं पांच से छह इस तरह से आ जाएगी ठीक है तो आई होप तुम लोग सारी बातें समझ पा रहे पाओगे बढ़िया तरीके से तो कल भी यार हम लोग धमाका मचाने वाले है एकदम ठीक है कल भी पूरा तहलका मचने वाला है और हम लोग चार फरवरी का दिन भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे ठीक है और पांच तारीख को यार तुम लोग जो बोलोगे वो कर दिया जाएगा सर स्पेशल क्लासेस ले, ले लेंगे जैसे तुम लोग की डिमांड रहेगी वो कर दिया जाएगा और जो तुम लोग के डाउट्स वगैरह बच रहे हैं वो सर तुमको स्पेशल क्लास में लेके सॉल्व कर देंगे ठीक है तो आई होप सबको बातें समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से एकदम ठीक है सर अब जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग आगे अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टील की कि आज स्टील में क्या क्या होने वाला है एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं फटाफट सर तो देखो भाई स्टील की तो तो बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल जरा एक बार कमेंट बॉक्स में तहलका में तहलका तो मचा दो भाई जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में तहलका तो मचा दो मेरे भाई थोड़ा लगे तो भाई बच्चे अपने जग गए एकदम खुखार शेर की तरह आ गए और यहाँ पे तूफान मचाने वाले हैं आज और अलर्ट तुम्हें रहना जितना बोलूँगा तो मैं कमेंट कमें करना है ठीक है देखते चलो. हैं चलो प्लानिंग करते आज करने क्या वाले हैं थोड़ा बात करते हैं जल्दी से सर देखिए सबसे सिंपल बात समझते हैं सिंपल बात ये है सर देखिए हमारे स्टील के अंदर पहले तो बेसिक पूरा जो जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स है वो सब बात करेंगे हम लोग सबसे ज्यादा जनरल चीजें देखेंगे ठीक है सबसे अगले जनरल पूरा आइडिया लेंगे जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स उसके बाद मतलब स्टील के अंदर है क्या थोड़ा थोड़ा जल्दी देखते हैं और क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे जो अपने आते हैं उसके गेट के क्वेश्चन से देख लेंगे ठीक है जनरल उसके बाद देखिए सर हमारा कनेक्शन है सर देखिए कनेक्शन से थोड़ी बात कर लेते हैं कनेक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं देखो कनेक्शन के अंदर तुम्हारा क्या है यार सबको पता है बहुत सारी यहाँ चीजें हैं जैसे कि रिवेट्स है बोल्स है हम लोग सब डिस्कस करने वाले देखो यहाँ से तुम यार एक क्वेश्चन गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा बहुत ध्यान सुनना जो बता रहा हूँ बस वही पढ़ना और क्वेश्चन भी लगाएंगे ठीक है जो गेट के बता रहे हैं उसमें आने के चांसेस बहुत हाई है और उसका तुमको पूरा समझाएंगे भी क्वेश्चन कराएंगे तो बस बहुत ध्यान सुनो जो बता रहे दिमाग में सेट करते चलो ठीक है सर रिवेट से क्वेश्चन कुछ बनते हैं ठीक है बोल्ट बोल्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बाद मेरा वेल्ट देखो यही तीन चीजें हैं यही तीन चीजें जो बनती हैं तो हम लोग थोड़ा सा रिवेट्स बोल्ड और वेल्ट के क्वेश्चन देखेंगे अब इसके अंदर हमारा इन प्लेन कनेक्शन आउट प्लेन कनेक्शन यार कनेक्शन समझते ही हो स्टील के मेंबर को कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली तुमको बोल्ट का यूज करना ही पड़ेगा या तो रिवेट का यूज करना पड़ेगा या तो वेल्डिंग करनी पड़ेगी तो वेल्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकलती है या हमने जहां पे मान लो ज्वाइंट करा है हमने जहां पे एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ा है उस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ कैसे निकलती है ये हम लोग को बात करनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बनेंगे किस किस तरह क्वेश्चन होंगे सब बताया जाएगा ठीक है लेकिन हाँ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट दो स्टार क्वेश्चन है जहां से गेट में आने क्वेश्चन की संभावना है ठीक है तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे आज उसके बाद सर जनरल हो गया कनेक्शन हो गया फिर देखिए सर हमारा टेंशन नंबर आता है फिर हमारा आता है टेंशन नंबर इसके एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस है कम है चांसेस लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे ठीक है एक सर अपना से बन सकता है। फिर सर अपना क्वेश्चन से कम्प्रेशन से भी क्वेश्चन देखो देखो, तो बहुत सारा है लोगों ने ठीक है कंप्रेशन अच्छा में हो गया फिर तुम्हारा देखो बीम है और बीम कॉलम्स है बीम कॉलम कनेक्शन यार देखो इतना हम लोग पढ़ पढ़ पाएंगे नहीं आज बहुत मुश्किल है तीन चार घंटे का तो अकेले एक ही टॉपिक लगता है पता तुमको बीम कॉलम कनेक्शन है ठीक है लेकिन हाँ ये सब हम लोग कनेक्शन वगैरह ये सब हम लोग यहीं पर कवर कर लेंगे थोड़ा थोड़ा ठीक है उसके बाद देखो तुम्हारा यार स्लैब बेस जो सबको शायद पता हो कॉलम बेसिस और कैप्स होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी हमारे सिलेबस में भाई सिलेबस में बहुत ज्यादा है थोड़ा तुमको बता सकते हैं हम हर चीज का तुमको ओवरव्यू देने की आज कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर ठीक है सर पूरी एनर्जी हाई रखते चलेंगे बाकी सारे बच्चों को रिक्वेस्ट है, ये सारे बच्चे फोकस करेंगे पूरा कॉलम बेस और कैप्स के क्वेश्चन फॉर्मले थोड़ा बहुत देखेंगे किसके तरह क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं ना तो ये आज देखना है उसके बाद तुम्हारा देखो यार प्लेट गर्डर गैंट्री गर्डर इन सबसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं लेकिन हाँ इन सबसे क्वेश्चन की चांसेस कम है बहुत कम है तो हम लोग हो सकेगा तो हम लोग प्लेट व्लेट स्किप कर देंगे है ना क्या पता ना आए और उसके बाद तुम्हारा लास्ट में यार ये जो प्लास्टिक एनालिसिस है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है अब देखो मोस्ट प्रोबली जो क्वेश्चन हमारे आते हैं स्टील में यार वो ज्यादातर पता कहाँ से पूछे गए हैं देखो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे कंप्रेशन टेंशन से चलो क्वेश्चन आ सकता है कंप्रेशन से आ सकता है बीम कॉलम से क्वेश्चन कम आते हैं कम चांस है कॉलम बेस से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता बहुत रेयर तो हम लोग बस फॉर्मला देख लेंगे प्लेट कट रहे क्वेश्चन चांसेस बहुत कम एंट्री कट रहे क्वेश्चन एकदम लीज चांस है प्लास्टिक एनालिसिस क्वेश्चन क्वेश्चन की की चांस बहुत हाई है से आने की है है ठीक से आने संभावना लेकिन इन सबसे बहुत रेयर है कि इन सबसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे अगर समझ गया तो पहले हम लोग क्या करो करने वाले सर सारा जनरल चीज पहले बताइए सर स्टील है क्या पढ़ क्यों रहे हैं कैसे पढ़ेंगे क्या क्या होता है थोड़ा बेसिक जानना ही पड़ेगा नहीं बढ़ेंगे कैसे आगे और फिर हम लोग कनेक्शन कंप्रेशन प्लास्टिक कंप्रेशन में बहुत डेप्थ नहीं जाएंगे कंप्रेशन बहुत लंबी लंबी टेबल टेवलेबल होती है बहुत सारा हिसाब किताब होता है इसमें इतना डिटेल में हम लोग आज जा नहीं सकते तीन घंटे में टाइम बहुत कम है तो हम लोग चलो शुरू करते हैं समझ गए देखो सारे बच्चों को एग्जाम के लिए भी देखो जो मैं बोल रहा हूँ करेंगे कनेक्शन सब पढ़ के जाएंगे रिवाइज कर लेंगे अच्छे से प्लास्टिक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और टेंशन नंबर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और कंप्रेशन पढ़ लेंगे बस ये चार चैप्टर अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारे ये मान के चलो तुम्हारे दो चार नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वो होने की चांस बन जाएगी ठीक है और तुमको चिंता नहीं करनी देखो सर आज तुमको थ्योरी पढ़ाएंगे

चलो भाई शुरू करते हैं अब जब बात करते हैं जनरल चीजों की तो फटाफट बोर्ड पे देखना और कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर ने भैया पूरी स्लाइड बना के रखी है हो पाएगा तो भैया अप्रिशिएट करना इस बात को जल्दी जल्दी चीजों को याद करना ठीक है स्टील सर क्या होती है बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं ये तुम्हारा इलास्टिक मॉडल्स होता है लिखा हो यहाँ पे देखते चलना बहुत ध्यान से कमेंट करो जल्दी पॉइजन इश्यू कितना होता है स्टील का मॉडल्स और रिलेटेड जी कितना होता है डेंसिटी कितनी होती है सर सेवन बहुत पानी से सर सेवन गुना ज्यादा भारी होती है हमारी स्टील और ये इसका थर्मल एक्सपेंशन होता है इंपॉर्टेंट है बेटा थर्मल एक्सपेंशन स्टील का कॉन्क्रीट के बराबर होता है तभी कॉन्क्रीट और स्टील को साथ में लिया जाता है शायद बहुत बच्चों को ये बात पता हो ठीक है ये स्टील की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी तुमको याद रहनी चाहिए तो ये बात अपनी हो गई ठीक है स्टील का बेसिक अच्छा तुम सबको पता है थोड़ा सा मैं तुमको और ओवरव्यू दे देता हूँ स्टील जो हमारा होता है सर देखो यार तुमने बेसिकली जो स्ट्रक्चर देखे अभी दुनिया में तुम अगर कहीं जाते हो कोई स्ट्रक्चर देखते हो तो स्ट्रक्चर तुम्हारा या तो इनफोर्स कॉन्क्रीट का होगा अरे भाई तुम्हारा घर किसका बना है यार आरसीसी के तो बना है उसमें कॉन्क्रीट है जो कि इन्फोर्स है जिसके अंदर स्टील पड़ी है यही देखे हो और या तो देखो दूसरे स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है स्टील स्ट्रक्चर ठीक है जो तुम्हारे रेलवे के ब्रिज हो गए रेलवे ब्रिज होते हैं कुछ पुल्स भी होते हैं कुछ मतलब ब्रिजेस वगैरह भी आजकल स्टील के बने होते हैं या तुम कभी क्या नाम है रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो देखते हो कि वहाँ पे बहुत सारे स्टील के समझ रहे हो स्टील का मतलब कनेक्शन वगैरह लगा के काफी सारे मतलब शेड वेड बनी रहती है वहाँ पे रेलवे तुम देखा होगा प्लेटफॉर्म वगैरह पे ठीक है स्टील के काफी फ्रेम्स पे यूज किया जाते हैं तो ये सब स्टील स्ट्रक्चर होते हैं तो जनली तुम्हारे स्ट्रक्चर दो टाइप के हैं तो कौन सा आरसी दूसरा क्या स्टील अच्छा स्टील को क्यों यूज करते हैं सर देखिए स्टील का काम स्टील क्या है कॉन्क्रीट से काफी ज्यादा मजबूत है तो कम एरिया लेगी वही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टील मेरी कम एरिया लेती है और जल्दी इरेक्ट भी हो जाती है मतलब इसके जो कनेक्शन है जल्दी जल्दी कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम अगर मान लो घर बनाना है तो अगर आर सी घर बना लो तो कॉन्क्रीटिंग में क्योरिंग में बहुत सारा लफड़ा है सर बहुत टाइम लगता है लेकिन स्टील का घर तुम्हारा बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है ठीक तो है तो ये सब कुछ बातें जो तुमको पता नहीं चाहिए इससे हम लोग स्टील यूज करते हैं अब बात आती है सर स्टील के कनेक्शन तो ईजी है कनेक्शन करते कैसे हैं क्यों करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं ठीक है अब देखो सबसे पहले देखो कनेक्शन सेकेंड देखो यार जो भी मेरा कनेक्शन करना है मुझे अब जैसे मान लो यहाँ पे मान लो एक मेरा मेंबर है और इधर मेरा दूसरा मेंबर आके जुड़ रहा है ठीक है मुझे इसको जोड़ना है तो देखो यार यहाँ पे दो चीजें हैं बहुत ध्यान सुनना एक तो मेरा मेंबर एक मेरे मेंबर की भी स्ट्रेंथ है और दूसरा यहाँ पे मैं अब इसको कैसे जोड़ सकता हूँ सर या तो मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर दू या तो मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर दू या तो यहाँ पे बोर्ड्स लगा दूँ बोल्ट लगा सकता हूं या तो मैं यहाँ पे रिवेट लगा सकता हूं ठीक है तो हम लोग देखिए जो कनेक्शन कर रहे हैं तरीके कई सारे हैं लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो सर अपना तीन चीजें हैं एक तो क्या रिवेट रिवेट का थोड़ा सा आइडिया लेंगे सर हम लोग फिर सर आइडिया लेंगे हम लोग किसका बोल्ड का और फिर सर आइडिया लेंगे हम लोग किसका रिवेट का बोल्ट का और किसका सर वेल्ड का ठीक है वेल्ड से यार क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना वेल्ड से क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है बोल्ड से और रिवेट से चांसेस

विजिबिलिटी सही चल रही है बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई सुनते चलो सुनते चलो भाई हाँ तो क्या बता रहे थे भाई सर यहाँ पे जो अपना होल का डायमीटर वो अपना क्या है ग्रॉस डायमीटर ग्रॉस डायमीटर रिवेट का उसके बाद जो फाइव तुम देख रहे हो यहाँ विजिबिलिटी सही चल रही बार जल्दी बताओ विजिबिलिटी सही चल रही जल्दी बता दो आगे बढ़ते हुए चलेंगे फिर उड़ाते हुए चलना है सर एकदम फिर सर जो हमारा ये रिवेट आपने बनाया है शानदार सर रिवेट आपने बनाया है इसका जो डायमीटर है मेरे भाई इसका जो डायमीटर है इसको हम लोग फाइव बोल रहे हैं ठीक है को बोलते हैं क्या नॉमिनल डायमीटर बहुत ध्यान से देख लो तो फाइव जो होता है वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट होता है देखो लिखा है और ग्रॉस डायमीटर किसका डायमीटर होल का डायमीटर यार सीधी सी बात है होल का डायमीटर क्या होगा ज्यादा होगा सर जी होल का डायमीटर ज्यादा होगा अच्छा ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं अब देखो इसमें जरा लो इनको क्या कहते हैं ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं शैंक क्या बोलते हैं शैंक देखो यहां लिखा हुआ है शैंक पढ़ो बेटा शैंक शैंक ओके और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं हेड ठीक है इसको ठोक पीट के अंदर कर दिया जाता है और तुम देख सकते हो यहाँ थोड़ी सी जगह छूटी हुई है विजिबल हो रहा है कि नहीं यार हाँ देख रहा है सर एकदम शानदार यहाँ पीछे थोड़ी जगह छूटी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल क्लियरेंस ठीक है ताकि रिवेट आराम से चला जाए कोई दिक्कत नहीं आगे उठाए सर ये समझ सकते हो अब सर थोड़ा सा बातें कर लेते हैं देखो रिवेट्स यार मार्केट में कई टाइप के हैं अपने थोड़ा सा देखना यार तुम लोग अच्छे से देखो सर रिवेट्स मेरे कई टाइप के आते हैं तुमने जैसे सुन भी रखा होगा कि एक होता है मेरा हॉट रिवेट ठीक है एक हॉट ड्रिवेन होता है एक कोल्ड ड्रिवेन होता है एक हैंड ड्रिवेन होता है पावर ड्रिवेन होता है तो कई टाइप के रिवेट्स मेरे आते हैं सर ठीक है हम लोग को यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोविजन जानने जिससे अपने मार्क्स निकल के आए देखो हमको ज्यादा हॉट रिवेट क्या होता है कोल्ड रिवेट क्या होता है हैंड रिवेट क्या है पावर रिवेन क्या है हमको इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है हमको मतलब है कि जो प्रोविजन है जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसकी बात करते हैं तो तुम अगर यहाँ स्क्रीन पे देखो तो देखो कोल्ड रिवेन की जो अच्छा कोल्ड और हॉट में मेरा फर्क समझ लो यार कोल्ड में क्या करते हैं हम लोग उसको सीधे ठोक देते हैं बिना गर्म किए बिना गर्म किए हम उसको क्या करते हैं सीधे हम लोग उसको ठोक देते हैं और वो अपना अंदर चला जाता है भाई लेकिन हॉट में क्या करते हैं उसको पहले गर्म करते हैं ठीक है फिर उसको हम अंदर डालते हैं फिर अपना वो ठंडा हो जाता है फिर अपना क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है और जगह को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है तो हॉट वाले में गर्म करते हैं कोल्ड वाले में गर्म नहीं करते है। ठीक है कोल्ड की स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा होती है तुम देख सकते हो बहुत ध्यान से देखना कोल्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है सर अपनी ज्यादा होगी कोल्ड कोल्ड ये देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज मोर देन हॉट बहुत ध्यान सुनते चलो यार बस जो बोल रहे हैं कैसे हो रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं सिर्फ याद करो बस याद करते चलो अच्छा ठीक है सर अच्छा कैलकुलेशन की जो स्ट्रेंथ होती, होती है वो होती है ग्रॉस डायमीटर के बेसिस पे अच्छा इसका मतलब आप जो भी आज हमको शेयरिंग बियरिंग या जो भी फॉर्मले पढ़ाने वाले हैं उसमें आप हर जगह ग्रॉस डायमीटर रखेंगे बिल्कुल फॉर्मले देखने जा रहा हूं अभी फॉर्मले देखो पहले रिवेट पढ़ेंगे पूरा उड़ाएंगे फिर बोल्ट पढ़ेंगे पूरा उड़ाएंगे फिर बेल्ट पढ़ेंगे पूरा उड़ाएंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे ठीक है चलते चलो भाई ओके सर तो देखो अभी तुमको मैंने बताया आप एक ग्रॉस डायमीटर मेरा क्या है सर ग्रॉस डायमीटर क्या है सर पूरा होल का है और नॉर्मल डायमीटर मेरा क्या है सर नॉर्मल डायमीटर मेरा क्या है सर इसका जो शैंक है उसका डायमीटर है ओके

ठीक है है मेंबर टी थिकनेस का जैसे तुम जो प्लेट जोड़ रहे थे पीछे प्लेट थी दो याद करो बेटा सारे पी, सारे पीछे बच्चे याद करेंगे पीछे मेरी दो प्लेट थी हाँ सर टी है, है, क्या है, है तो इसमें छोटी प्लेट कौन सी सर छे एम दस एम सर छोटी प्लेट कौन सी है छे एम वाली तो जो छोटी प्लेट है उसका थिकनेस यहाँ पे रखना एमएम में और रूट करके इंटू सिक्स करना तो तुमको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा कि तुमको कितने डायमीटर का

दो प्लेटें ऐसे से हो रही हैं तो बताओ ये रिवेट बेंड करेगी हाँ बेंड कर सकती है हम, चलते हैं ये, ऐसे कट जाएगी बस। लेंगे, हम क्या करें सर ओनली शियर ले रहे हम हैं यहाँ पे ये ऐसे टूट जाएगी बस इस तरह से टूट सकती है शियर लेकिन ये मुड़ जाएगी हमको इससे मतलब नहीं है हम इसको मुड़ने नहीं देंगे बेंडिंग स्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं ठीक है और यहाँ क्या लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट्स बिटवीन द इज यूनिफॉर्म देखो

डिस्टेंस बिटवीन टू चलो पढ़ लोगे पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अभी को बता दिया है अब सर बात आती है हमारी नेट एरिया की ठीक है नेट एरिया की बात आ रही है यहाँ पे याद रहता हूँ कहानी समझ में आ रही कि सबको कहानी सबको समझ में आ रही है बेटा बिल्कुल पहुंचेंगे प्लास्टिक तक चिंता ना करो बिल्कुल बिल्कुल कोई चिंता नहीं करेगा पहुंचेंगे सब ठीक है चलो फालतू जी उड़ाओ यार और सुन लो एक और चीज ये देखो इधर से जो डिस्टेंस होती है एच डिस्टेंस होती है एच डिस्टेंस एच से डिस्टेंस कम होगी तो यहां से प्लेट अपनी शेयर कर सकती है टीयर कर सकती है चलिए सर अब आता है सर रिवेट का कैलकुलेशन रेवेट का कैलकुलेशन आता है पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं देखो दो चीज देखना बोल बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालूंगा सर जब मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालने वाला हूं ठीक है बहुत ध्यान सुनना तो मैं उसको निकालूंगा दो चीजों में एक तो शेयरिंग और एक तो बियरिंग तो आज से मुझे एक बात समझ में आ गया कि सर मैं यहाँ पे रिवेट की दो स्ट्रेंथ निकालूंगा शेयरिंग बियरिंग ठीक है शेयरिंग क्या होती है मेरा रिवेट जो होता है वो कट के अलग हो जाएगा और ऑब्वियसली उसका जो क्रॉस सेक्शन है जो तुम यहाँ पे उसका सर्कल देख रहे हो देख सकते हो

सर हम लोग शेयरिंग बेयरिंग समझ गए कोई दिक्कत नहीं और इसमें जो स्ट्रेंथ कम होगी वही डिसाइडिंग हो जाएगी यार खुद सोचो रिवेट की शेयरिंग बेयरिंग स्ट्रेंथ मान लो रि शेयरिंग वाली आ गई बेयरिंग वाली आ गई तीन सौ तो सौ और तीन सौ में कम कौन सी है सर सौ तीन सौ में कम कौन सी सौ तो इसका मतलब फेलियर पहले सौ में ही हो सकता है ना भाई सौ रोड लगाते फेल हो जाएगा कि नहीं यस सोनो बताओ तो बेयरिंग से कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा फिर जो इनमें कम होगी वही मेरे रिवेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी वही मेरे रिवेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी सर इतना तो मैं समझ सकता हूँ ये तो बहुत बेसिक बात है मुझे जल्दी सर ये बताइए कि शेयरिंग और बेयरिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं बहुत ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे सर यहां देखिए दो चीजें लिखी हैं एक तो मेरा शेयरिंग वाली का फॉर्मला यहाँ पे ये यह ये है यह सर मेरी बियरिंग स्टेन का फॉर्मला है सर फटाफट जल्दी से मुझे करवा दीजिए देखो मेरे भाई यहाँ पे लिखा है ये क्या लिखा है सिग्मा एस सिग्मा एस का मतलब होता है अलाउबल शेयर स्ट्रेस सर अलाउबल शेयर स्ट्रेस ठीक है अलाउबल शेयर स्ट्रेस कितना रहता है इन जनरल तुम यहां देखो यहाँ पे सारी टेबल बनी हुई है देखो यहाँ पे लिखा हो रिवेट्स का पूरा हिसाब किताब वैसे ये रिवेट्स और बोल्ड दोनों में ही चलता है ठीक है एल एम डब्बल्यू एस एम के हिसाब से डब्ल्यू एस एम ठीक है और एक बात जान लो अपने सिलेबस में दोनों हैं ठीक है कोई बड़ी चीज नहीं है थोड़ा भरोसा रखो चलते रहो सबको नहीं होता देखो डब्ल्यू एस लोगों ने पढ़ रखा है दो लाइन सुन लो तुमको एल एम क्लियर लेते हैं आज। देखो सुनना। सर देखिए डब्ल्यू के अंदर क्या होता है सर डब्ल्यू के अंदर क्या होता है बस एक लाइन सर जो मेरे स्ट्रेसिस लग रहे हैं जो स्ट्रेसिस लग रहे हैं मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे जो स्ट्रेसिस लग रहे हैं अपने नेक्शन में या मेंबर्स में वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होने चाहिए वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होने चाहिए ठीक है वो परमिशिबल स्ट्रेस से कम होने चाहिए चलिए मान लिया मैंने सर मान लिया कोई दिक्कत नहीं अच्छा एल का क्या सिस्टम है सर एल का सिस्टम यह है कि हम लोग यहाँ पे दोनों चीजों को देखते हैं एक तो सर मेरा होता है लोड और एक मेरा होती है स्ट्रेंथ भाई सीधी सी बात है इतने तो होशियार तुम लोग हो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो सबको ये बात पता है कि लोड और स्ट्रेंथ ज्यादा क्या होना चाहिए सर सीधी बात है लोड कम होना चाहिए सर लोड कम होना चाहिए और जो मेटीरियल मेरा उसकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए समझो बात को सर ऑब्वियसली बात है मेटीरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए लोड मेरा कम होना चाहिए सर मैं करता क्या हूं? सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिए मैं इस लोड को बढ़ा देता हूं जिसको मैं बोलता हूँ पार्शियल तुमने पढ़ रखा होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अभी आगे देखो आएगा चिंता ना करना बस तुम इतना जान लो इस लोड को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इस लोड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और उस इंक्रीज लोड को मैं बोलता हूं डिजाइन लोड क्या बोलता हूं सर मैं डिजाइन लोड

सर हम लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड की सहायता से हम निकालते हैं डिजाइन लोड और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की सहायता से हम निकालते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ और ये उम्मीद करते हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ मोस्ट ऑफ द केसेस में डिजाइन देंथ मेरी से डिजाइन लोड से ज्यादा रहेगी ठीक है ये सर हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं ठीक है इतना सबको समझ में आ रहा होगा तो देखो डब्ल्यू एस की चिंता ना करो डब्ल्यू एस की चिंता ना करो अब देखो तुम खुद पहचानोगे आज तुम खुद पहचानोगे देखो जब भी तुमको

ठीक है कैरेक्टरिस्टिक लोड या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करी नहीं करी बताओ भाई नहीं करी समझ गया सर अब बात समझ में आई हमको तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हम लोग रिवेट के फॉर्मुले देख रहे हैं कौन से डब्ल्यू एस एम वाले ठीक है, है बन सकते हैं क्योंकि देखो यार सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है सबसे पहले तुम देखना सिलेबस मैंने आज सब देख रखा अच्छे से सिलेबस में सबसे पहले लिखा है वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट के कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है, देखो ये तुम्हारा जो स्ट्रेंथ और लोड है ये पूरा सिस्टम तुम सर समझाएंगे अभी रिवेट पढ़ लो रिवेट क्या तुम सीधे एलएसएम पे चलेंगे तुमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे ठीक है चलिए सर तो यहां पे देखिए जल्दी से यहां पे लिखा हुआ है शेयर में देखा जाएगा इन जनरल शॉप रिबेट की बात कर लो हम लोग शॉप चलो लेके चलते हैं पे तो देखिए यहां पे इस कितनी सर, और यहाँ पे इसकी इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कितनी कितनी है सर और यहां ठीक है चलिए सर ये है सो मेरी और ये मेरी कितनी तीन सौ कोई दिक्कत नहीं सर बात समझ में आ गई हमको आगे बढ़ते जल्दी से देखिए सर तो यहां मेरा फॉर्मुला क्या है सिग्मा एस का इतना दिया गया है सिग्मा एस मुझे कितना दिया गया सर जी अलाउबल शेयर स्ट्रेस कितना दिया गया है अरे भाई जल्दी आ जाओ अलाउबल शेयर स्ट्रेस कितना दिया सो और अलाउबल बियरिंग कितना दिया तीन सौ ठीक है सौ और तीन सौ तो फॉर्मुला मेरा क्या हो जाएगा सर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी तो। से यहाँ पे लगे हाँ तो मान लीजिए सर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि आप निकालिए रिवेट वैल्यू क्या निकालिए सर रिवेट वैल्यू चलिए ओके सर फटाफट पड़ देखो जल्दी जल्दी देखते चलो भाई सर तो एक काम करते हैं पहले हम रिवेट कराया लेते हैं सर देखिए रिवेट का डायमीटर ले ले चलिए ले लेते ले 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 हैं सर कोई दिक्कत नहीं सर रिवेट का डायमीटर हम लोग ले लेते हैं काम करते हैं ट्वेंटी एट एम ठीक है जो मन कर ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं जनरल से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तो रिवेट कराईमीटर तुमने ट्वेंटी एट एम एम लिया या फाइव कह सकते हो फाइव भी कह सकते हो दिक्कत नहीं तो बताओ अपने होल का डायमीटर क्या होगा सर आपने मुझे पीछे सिखाया है कि अगर का डायमीटर कहाँ चला गया मेरे भाई? जल्दी आओ हाँ अगर मेरे रिवेट कर ने 25 तो ट्वेंटी तो मतलब तो हो, हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा सर थर्टी अब सुनना मेरे भाई बात बहुत ध्यान से सर आप जितनी कैलकुलेस आगे करेंगे वो सारी इस ग्रॉस डायमीटर से करेंगे ना कि नॉर्मल से करेंगे ठीक है क्लियर सर कहानी अब जल्दी देखो हमको सर यहाँ पे पहले निकालना है कि में इसकी कितनी है? और, तो और यह मेरा बीच में रिवेट है क्लियर है कहानी तो ये बताओ रिवेट तुम्हारा यहाँ पे एक ही जगह कट करेगा कि नहीं रिवेट यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही जगह कट करेगा या सुनो सर पे एक ही जगह कट करेगा तो उसका मतलब हमारा यहाँ पे रिवेट किस में सिंगल शेयर में है सिंगल शेयर में एक ही जगह से शेयर कर रहा है ठीक है लेकिन मान लो अगर ऐसा होता मान लो अगर ऐसा होता है ऐसे दो प्लेट आ रही होती मेरी ठीक है दो प्लेट आ रही होती है डबल कवर वगैरह होता और यहां पे मान लो कोई मेरा रिवेट होता मान लो मेरे भाई यहां पे लग नहीं रहा बेटा आज स्टील का हो पाएगा बहुत लंबा मामला है लेकिन कोशिश पूरी होगी भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती चलिए सर उड़ाते चलिए अब देखो अगर यहां पर मेरा रिवेट होगा तो अगर तुम आप यहां ध्यान दो तो यहाँ तुम देख सकते हो तुम्हारा शेयर दो जगह होगा जब ये प्लेट खिसकेगी तुम इसको खींचोगे तो तो इस में, में, इस दो, दो।, दो डबल केस। यार सीधी बात है, डबल शेयर केस होगा डबल शेयर केस होगा तो है इस रिवेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वही जो फोर्स है वो दो जगह बट जाएगा तो स्ट्रेंथ मेरी डबल आएगी सीधी सी बात है ना और सिंगल में सिंगल केस में सर यहां पे स्ट्रेंथ मेरी

अब देखो डायमीटर कौन सा रखा है ग्रॉस बेटा फिर से कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में बता दो डायमीटर मैंने कौन सा रखा है ग्रॉस तो ग्रॉस मैं यहाँ पे कितना रख दूंगा सर थर्ट का स्क्वायर थर्टी एम का स्क्वायर इन टू इन टू सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है सर यहाँ देखिए सिग्मा सिग्मा एस, एस कितना मेरा हंड्रेड है? है कितना मान है हंड्रेड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हंड्रेड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कहा पहुंच गया बेटा हाँ यहाँ रख देंगे सर कितना हंड्रेड न्यूटन एम पर स्क्वायर अपना आ जाएगा जो भी जल्दी बताओ कितना आ रहा है फटाफट भाई सारे बच्चे बताएंगे तब तक सर जो है बियरिंग निकालेंगे ठीक है जल्दी जल्दी उड़ाओ भाई जल्दी जल्दी उड़ाओ क्वेश्चंस बनेंगे यहां से ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो जल्दी जल्दी बढ़ो सर तो ये कितना आ रहा तुम लोग बताओ तब तक कमेंट करके तब तक सर निकालेंगे बियरिंग तब तक सर निकालेंगे बियरिंग सर देखिए बियरिंग का फॉर्मुला क्या है? देखो सिग्मा पहले जरा अलाउबल स्ट्रेस अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस देखो सर अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस मेरा कितना यहाँ पे दिया गया है थ्री हंड्रेड देखो बियरिंग में कितना है थ्री हंड्रेड एम पी का मतलब न्यूटन पर एम स्क्वायर तो सर यहां देखेंगे बहुत ध्यान से कहा चला जा रहा है बार बार तो सर देखिए आप करिए यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर देखो लिखा है ग्रॉस डायमीटर इन टी ग्रॉस इंटू टी याद कैसे करोगे बता रहे थर्टी इंटू into... अच्छा सुनो यहाँ पे जो हमारा मेंबर था जो मेरा कनेक्शन था जो आपने सिंगल शेयर ले रखा है यहाँ पे ठीक है यहाँ आपने बीच में जोड़ा बहुत ध्यान सुन लेना ठीक है तो ये दोनों प्लेट की जो थिकनेस दी गई है सर ये टेन एम दी गई है दोनों प्लेट की जो थिकनेस दी गई है वो टेन एम mm दी गई है तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे टेन टी का मतलब क्या भैया देख लो टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट ठीक है कवर प्लेट फिलहाल है नहीं अभी, तो अभी हमले की बात नहीं प्लेट की बात करें थ्री हंड्रेड सिंपल सात अच्छा इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एक दो तीन जीरो हटा दो तो थ्री जब मेरा कितना हो गया नाइन और एक दो तीन जीरो हटा दो हो गया नाइनटी किलोमीटर और ऐसे ये बताओ कितना आ रहा है यार वेरी गुड ये कितना आ रहा है पॉइंट सिक्स एट किलोमीटरिंग में होता कि है हो, तो सर्कल, सर्कल, हो, सर्कल जो दिख रहा है ये सर्कल बढ़ जाता है ये सर्कल बढ़ जाता है ऐसे इसके ऊपर क्योंकि पूरी बियरिंग आ जाती है पूरी पूरी बियरिंग आ जाती है और सर्कल का डायमीटर यहां तुम देखो अगर तुम इस रेक्टेंगल को देखो सामने से अगर तुम सामने से रेक्टेंगल को देखो तो थिकनेस कितनी टी बात समझ में आ रही है कि नहीं और जब तुम इधर देखोगे तो डायमीटर डी इंटू टी समझ पा रहे हो कि नहीं यहां देखो जल्दी से अगर तुम इस रेक्टेंगल को इधर से देखो इधर से थोड़ा सा अपनी आंखें लेके आओ अपनी आंखें यहां यहां लेके आओ और इधर देखो से तुम अगर देखना शुरू करो तो ये बताओ यहां थिकनेस है हाँ सर यहाँ थिकनेस है और जब तुम यहाँ इस रिवेट का डायमीटर लोगे तो क्या करोगे डी इंटू टी करोगे तुमको सामने का रेक्टेंगल मिलेगा जिससे पूरी बेयरिंग पड़ रही होगी जिससे पूरी बेयरिंग पड़ रही होगी ठीक है तो बेयरिंग मेरी किससे पड़ रही होगी सर टी टी

इधर जा रही दो प्लेट और इसमें जो लोड हम लोग लगा रहे हैं इन दोनों प्लेट को जो खींच रहे हैं वो लगा रहे फाइव हंड्रेड किलोमीटर का लोड ठीक है तो ये बताओ यहाँ पे हमको कितने रिवेट्स लगाने पड़ेंगे लाइन से एक दो कितने लगाएं हमको नंबर ऑफ कैसे मिलेंगे तो सर सिंपल से नंबर ऑफ तो आप क्या करिए टोटल फोर्स को टोटल फोर्स को एक रिवेट की स्टेंस कर दीजिए एक रिवेट की स्ट्रेंथ बेटा कितनी आई है यहाँ पे सेवेंटी पॉइंट सिक्स एट तो इस तरह से जो भी आंसर आना होगा अपना आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है लगभग लगभग इतना सेवन लगभग कुछ सात आठ रिवेट की जरूरत पड़ेगी लगभग लगभग तुम देखोगे तो आठ रिवेट निकल के आ जाएगा तुमको यहाँ पे आठ रिवेट ठीक है चलो चलो आगे बढ़ते हैं बिना कह रहे बियरिंग बेटा अभी समझा नहीं सकते बेटा बिल्कुल टाइम नहीं सब बच जाएंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं एफिशियंसी भी देखो यार यार लंबा पड़ जाएगा रुक जाओ चलो उड़ाए कि ना उड़ाए मुझे तो मन कर रहा है कि यार सब उड़ाते हुए आगे बढ़ जाए लेकिन यार एक चीज में पता टाइम लग जाएगा बहुत ऐसे तो अच्छा टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है प्लेट की थोड़ा बात कर लो ये देखो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है यार स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है देखो अभी हमने यहां पे रिवेट की बात करी थी रिवेट तुम सबको पता है देखो दो चीजें हैं कनेक्शन के अंदर एक प्लेट है और दूसरा क्या रिवेट तो मैंने रिवेट की बात तो सर कर ली रिवेट की टर्न की देख लिया प्लेट जो है उसकी भी तो स्ट्रेंथ देखोगे पता चला तुम्हारा तो रिवेट तो बहुत मजबूत है सर रिवेट नहीं टूटा पता चला प्लेट ही टूट गई पता चला जो प्लेट है वही खींच गई पूरी है ना तो प्लेट की स्ट्रेंथ में देखी जाती है प्लेट किस टन किसमें देखी जाती है शेयरिंग में और टीयरिंग में ठीक है तभी क्या होता है ना एज डिस्टेंस अच्छा दिया होता है अगर तुम सोचो अपने बोल्ड को एकदम कोने कोने दोगे

थिकनेस दी गई है वो मान लो यहाँ पे थर्टी सेंटीमीटर दे गई बहुत ध्यान सुनो जल्दी जल्दी ठीक है और सर देखिए आपने यहाँ पे दो होल कर दिए यहाँ पे आपने सर जी दो होल कर डाले हैं और होल का डायमीटर मैंने थर्टी एम mm लिया था याद आ रहा होगा सबको थर्टी एम एम कोई दिक्कत नहीं सर याद है होल का डायमीटर कितना है थर्टी एम एम थर्टी एम एम ठीक है अब ये बता दो ये बता दो जल्दी से दो बार थर्टी एम यहाँ से हट जाएगा अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन को देखूँ क्रिटिकल सेक्शन को अगर मैं यहाँ देखता हूँ सर जी तो ये अपना क्रिटिकल सेक्शन है ठीक है अब तुम बताओ मतलब यहाँ की जो इफेक्टिव वेट है वो क्या हो जाएगी देखो इस सेक्शन की अगर बात करो तो ये सेक्शन ज्यादा मौजूद है क्यों क्योंकि यहाँ का जो एरिया है सर जी यहां का जो एरिया है मेरा वो एरिया ज्यादा होने वाला है वो एरिया ज्यादा होने वाला है क्यों क्योंकि सर अगर आप ये एरिया निकाले तो निकालो थर्टी इंटू थिकनेस थर्टी इंटू प्लेट की थिकनेस अच्छा प्लेट की थिकनेस क्वेश्चन में कितनी मानी मैंने एम ठीक है ये माना हुआ है ठीक है ओके सर अब जल्दी से देखो अगर तुमसे मैं इस सेक्शन की स्टैंड निकलवाऊ बहुत ध्यान सुनो भाई इस सेक्शन की स्टैंड में निकलवाऊ सेक्शन वन मान लो तो सेक्शन वन की स्टैंड मेरी क्या होगी सर बहुत सिंपल है सर देखिए सेक्शन वन की अगर आप स्ट्रेट निकलवाएंगे तो कुछ नहीं करना है आपको बी इंटू टी करना है थर्टी इंटू टेन करना है अच्छा ये थर्टी सेंटीमीटर है ये एम एम अच्छा कोई दिक्कत नहीं एरिया निकालिए पहले आप सर इस सेक्शन पर आप एरिया निकालिए इस सेक्शन में सर आप एरिया निकालिए इस सेक्शन का एरिया तो सर पूरा है पूरा एरिया है एरिया इंटू स्ट्रेस कर देंगे एरिया मेरा कितना है सर थर्टी सेंटीमीटर मतलब तीन सौ एम एम तीन सौ एम एम इन टेन इंटू थिकनेस इंटू टेन इन टू जो भी सिग्मा अलाउबल है जो भी सिग्मा अलाउबल है मान लो प्लेट पे आ देखो सिग्मा अलाउबल ऑफ ठीक है किसका

तुमने बी को टी किया था अब को बी नहीं करेंगे, क्या करेंगे सर थर्टी सेंटीमीटर तो से, से को माइनस करेंगे बहुत ध्यान से देखना ऐसे ऐसे घूमेगा फिर ऐसे जाएंगे ऐसे 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 आएंगे। समझ पे। यहाँ, पे। यहाँ पे सर क्या हो गया हमारा यहाँ पे सर क्या हो गया यहाँ पे हमारा होल आ गए हैं तो होल में क्या हुआ उतना उस जगह पे रेक्टेंगल उड़ गया रेक्टेंगल नहीं है ना रेक्टेंगल यहाँ है तो हमको बी में से ये थर्टी और ये थर्टी माइनस करने का तो थ्री हंड्रेड एम ए से हम

मेरे भाई बहुत ध्यान सुनना मेरे जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ होने वाली है कनेक्शन की स्ट्रेंथ वो क्या होने वाली है वो मिनिमम ऑफ क्या होने वाली मिनिमम ऑफ रिवेट स्ट्रेंथ या रिवेट स्ट्रेंथ या क्या क्या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इसको याद रखना ठीक है तो कनेक्शन की स्ट्रेंथ इज मिनिमम ऑफ रिवेट स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इनमें जो कम होगा वो लेके चलेंगे ठीक है चलो भाई इतना जान लो बहुत है इतना जान लो तुमको समझा दिए इससे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे क्वेश्चंस करेंगे भी आगे थोड़ा बहुत याद रखना तुमको देखो शॉप रिवेट का तुमको शियर और बियर अलाउबल याद रखना है ठीक है ये परमिशिबल स्टेशन किस में

शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बियरिंग ये सब चीजें लग सकती हैं। ये सारी चीजें लग सकती हैं, सारी चीजें पॉसिबल है लेकिन हमको याद करना है ठीक है सबको पता है हम इन चलते हैं कि अपना एफ का मतलब क्या होता है एफ आई का मतलब क्या होता अपना? उसी को हम पूरा -पूरा है अपना पूरा स्ट्रेंथ मान के चलते हैं वहां से मेरा क्या होता है करना शुरू हो जाता है मतलब फेलियर होना शुरू हो जाता है ठीक है तो अब देखो बोल रहा है कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा

बेंडिंग और बेंडिंग कंप्रेसिव दोनों पॉइंट अब बेंडिंग तुमको सबको पता है जब हम बीम को मोड़ते हैं तो ऊपर आता है कंप्रेशन नीचे आता है टेंशन सबको पता है ठीक है जब बीम को मोड़ते हैं तो बेंडिंग जो होता है उसमें कितना होता है .66 ये इसको क्या बोलते हैं बी टी मतलब अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस ठीक है एक अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग बेंडिंग इसको हम क्या बोलते हैं अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यूरिंग बेंडिंग ठीक है यहाँ पे बी का मतलब क्या है बेंडिंग यहाँ देख पा रहे हो कि नहीं हाँ सर विजिबल चल रहा है ट्रेस टाउ वी एम क्या है इससे आया हुआ है इससे क्वेश्चन आया हुआ है इससे क्वेश्चन आया हुआ है तीनों से यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है सर थोड़ा क्वेश्चन दिखा दे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और एक बात और सुन लो तुमको फैक्टर ऑफ फिफ्टी निकाली है सबको पता फैक्टर ऑफ फिफ्टी क्या होती है मेरी सर सर जी बहुत सिंपल बात है फैक्ट्रफ सेफ्टी क्या होती है जल्दी बता दो मुझे फटाफट देखो होती कितना लोड, कितना अपना मैक्सिमम झेल सकते हैं कितना ही होगी वो अपॉन अपॉन मैक्सिमम परमिशिबल अपने मैक्सिमम परमिशिबल स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं ओके सर थोड़ा बता दी जल्दी जल्दी ताकि क्वेश्चन उड़ा सके तो देखो भैया इ स्ट्रेंथ मेरी कितनी होती दिखाई दे रहा होगा ई स्ट्रेंथ मेरी कितनी एफ आई और मैक्सिमम परमिशन स्ट्रेंथ जैसे यहां देखो स्ट्रेन कि किया तो कितना आगे? मतलब मतलब तुम यहां पे, अगर एफ आई मेरी स्ट्रेंथ है तुम लगा कितना लग? सिर्फ पॉइंट मैक्सिमम से मैक्सिमम तो ऑबियस यहाँ ऑफ सेफ्टी कितना है ठीक है आप जल्दी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं ठीक है जल्दी से फटाफट कुछ क्वेश्चन देखे जाए ताकि हम लोग गेट के क्वेश्चन उड़ा सके थोड़े थोड़े देखते चलो भाई क्वेश्चन भी देखेंगे सर मेहनत भैया देखो पूरी करनी है जितनी हो पाएगी देखो करेंगे यार बाकी तो भगवान के ऊपर सब कुछ है थोड़े क्वेश्चन अच्छा, बेटा देखो अपनी जो टीएमटी बार होती है उसके अंदर होता क्या है उसके अंदर क्या होता है सेंटर में सेंटर में क्या होता है सॉफ्ट कोर होता है जो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है सेंटर में क्या होता है सॉफ्ट कोर होता है शायद कुछ बच्चों को पता भी हो और वो किस चीज का बना होता है यहां लिखा हुआ है फेराइट और पेयरलाइट का ठीक है फेराइट पेयरलाइट अब देखो ये सब क्या है ना ये सब तुम्हारा प्रोडक्शन का पार्ट है तुमको इतना नहीं जानना है सब मैकेनिकल काम है लेकिन सिविल में पूछा गया तो एक बार देख लो जल्दी से बस ठीक है तो अपनी जो टीएमटी बार होती है उसके सेंटर में सर क्या होता है मेरा फेराइट और कोर होता है और जो बाहर होती है बाहर ये जो बाहर देख रहे हो ये एक हार्ड होता है ये हार्ड होता है हार्ड आउटर रिम इसको क्या बोलते हैं हार्ड आउटर रिम सर ये जो आउटर रिम होती है किसकी बनी होती है सर ये जो आउटर में किसकी बनी है मार्टिन साइड की मार्टिन साइड की ठीक है वो हार्ड है तो होता है क्या सर इसमें देखिए बाहर क्या हार्ड करने का फायदा क्या रहा बाहर हार्ड इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपना स्क्रैच वगैरह है वो सब पड़ेंगे नहीं बाहर क्या होता है स्क्रैच वगैरह आएगा तो वो सब पड़ेगा नहीं ठीक है समझाओ बात को और सेंटर में क्या कर रहा हूं मैं सॉफ्ट कर दे रहा हूं ताकि डक्टिलिटी मिल पाए क्योंकि स्टील का तुमको काम पता ही है यार जब फेल होती है तो हमको बहुत सारी डक्टिलिटी चाहिए होती ताकि इंपेंडिंग फेलियर का आइडिया लग जाए और हमको बहुत सारा टाइम मिल जाए बचने के लिए ठीक है सबको पता है ऐसे बात में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर जी इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन टीएमटी बार में ऐसा होता है कि भैया सॉफ्ट कोर होता है, वो फेलाएट, फेलाएट का होता है और जो रिम होती है वो का और जो होती वो मार्टिन साइड की होती है अगला क्वेश्चन देखते हैं सर ये तुम लोग बताओ ये सारे बच्चे देंगे क्योंकि अभी हमने पूरी पूरी टेबल देखी है जल्दी उड़ाओ उसको भाई हाँ देखो एक डाउट आया है कि 500 हंड्रेड किलोमीटर फैक्टर्ड है क्या हाँ बेटा फैक्टर्ड लोड है जल्दी आंसर दो जल्दी वेरी गुड क्या लिखा है यहां पे एक्सेल टेंशन तो एक्सेल टेंशन का आंसर क्या हो जाएगा सर सीधे सीधे पॉइंट सिक्स जीरो एफ फाइव अगला क्वेश्चन लेते हैं सर

कितना आ जाएगा सर आंसर मेरा वन पॉइंट सिक्स सेवन यहाँ पे सी ऑप्शन सर अपना सही हो जाएगा ठीक है सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बेंडिंग अरे यार ये तो उसका चला गया बेंडिंग टेंसल स्ट्रेंथ अपना एच वाई एस डी ये तो यार देखो तुम्हारा क्या नाम है आई एस फोर फाइव सिक्स में लिखा हुआ है आई एस फोर फाइव सिक्स में लिखा हुआ है कि अपना जो चार सौ पंद्रह वाली बार होती है अपनी ठीक है, थी, है, थी, है, थी, है? उसका जो परमिशिबल कितना है वो कितना यार? कोई है, मुझे से? करके, उसका जो है कौन बता रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करो जल्दी जल्दी वन नाइनटी बता रहा है कोई कोई है हमारे भी जो वन नाइनटी बता रहा है जल्दी से बताओ हो? बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक है अच्छा नहीं वन नाइन कमरे कमरे होता है टू थर्टी

ये सब क्वेश्चन गेट में रिपीट हुआ है मेरे भाई अब देखो ये तो याद हो गया सर कितना ठीक है समझ सकते हो एकदम अच्छा ओके okay. पढ़ रखा होगा तुमने यार एल बाई डी रेशियो मैक्सिमम कितना होता है अपना स्टील में वन बाय थ्री ट्वेंटी फाइव वन बाय थ्री ट्वेंटी फाइव हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बाय स्पैन रेशियो होता है ठीक है याद रखना इसको स्टील का ये होता है आरसीसी का तुमने पढ़ रखा होगा यार देखो आरसीसी का तुमने अगर पढ़ रखा है तो एक होता है फाइनल फाइनल का का और और एक होता है एम जो भी कम हो ये शायद तुमने आरसीसी में पढ़ रखा होगा सर्विस का क्राइटेरिया होता है यहाँ पे सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है स्टील में वन बाय थ्री ट्वेंटी फाइव इसको याद रखना ठीक है और क्वेश्चन सर देखते हैं अब देखो ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है यार ये क्वेश्चन गेट में जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट करो जल्दी से ठीक है हाँ बेटा विनायक वहां भी आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आई एस पढ़ लो पहले क्योंकि डब्ल्यू एस पे था पहले सब डब्ल्यू एस ही था दो में जो कोड अपना है नया वाला उसमें देखेंगे अभी चिंता मत करो आगे चलेंगे जल्दी होता तो पहले कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है देखो तो यहां से बड़ा नॉट करेक्ट पूछा है ठीक है क्या करना है सर यहां क्या करना है हमको नॉट करेक्ट बताना है सोनू कह रहे हैं दिख नहीं रहा अरे ऐसा मत कहो बेटा इतना तो क्लियरली दिख रहा है यहां पे अच्छा नंद किशोर कह रहे नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा लो बेटा आप देख लो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट कितना है ये देख लो जल्दी से ठीक है क्लियर 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 सर अब क्लियर एकदम तो देखो भैया जल्दी से मैक्सिमम अगर तुम यहां से पूछे तुमसे कोई तुमसे यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन इन एक्सट्रीम फाइबर भाई सिंपल सा बिल्कुल सही लिखा है तो ये तो बिल्कुल सही है सर बेंडिंग का आप बता ही चुके हैं ये होता है पॉइंट सिक्स सिक्स फिर पूछा है बियरिंग स्ट्रेस हाँ बियरिंग स्ट्रेस पॉइंट सेवन फाइव बिल्कुल सही हमारा जो स्ट्रेस है सर जो जो स्ट्रेस 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 है 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 ठीक है, जो भी आपका वो गलती से भी गलती से भी स्ट्रेस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ठीक है इसका एक और क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं अच्छा डायरेक्ट स्ट्रेस इन कंप्रेशन ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एक्सली लोडेड कंप्रेसिव मेंबर शैल नॉट एक्ट पॉइंट सर ये भी सही है तीनों ही सही हो गए तो कौन सा गलत है कोई गलत नहीं है डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा भाई ठीक है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी कमेंट कर दो सब बता दिए तुम लोग बी ए बी सी सब बता दिए हो ठीक है याद नहीं हो पाया अभी तक तुमको देखो बियरिंग लिखा है बेटा यहां पे बियरिंग ये किस में लिखा है डायरेक्ट कंप्रेशन डायरेक्ट कंप्रेशन में पॉइंट फाइव होता है यस और नो डायरेक्ट कंप्रेशन है भैया पॉइंट फाइव होता है और बियरिंग बेंडिंग कंप्रेशन में कितना पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है अभी देखो तुम लोगों को टेबल याद नहीं हो पा रही है टेबल तुमको याद नहीं हो पा रही है पहले टेबल याद करो पहले टेबल याद करो व्हाइट में देखना कि ब्लैक में देखना जल्दी तो आप पूरी बीटी व्हाइट में भी है पूरी बीटी ब्लैक में भी है जल्दी बता दो जिसमें देखना चाहोगे दिखाया जाएगा सर ने आज काफी स्क्रीन शॉट लिए दिमाग लगा के ताकि कंटेंट पूरा हो जाए यहाँ देखो जल्दी से एक बार फिर देख लो फिर देख लो यहाँ पे याद तुम को हो नहीं पा रहा पता नहीं क्यों टेंसाइल एक्सल टेंट सिक्स बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन में पॉइंट फाइव सुन लो पहले जल्दी से एक बार फिर एवरेज शेयर पॉइंट फोर मैक्सिम शेयर पॉइंट फोर फाइव और बियरिंग स्ट्रेस

तो मैं ऐसे समझ लो जल्दी देखो यहां पे यहां देखते चलो इस तरह से हो गया फिर मेरे दो लग गए फिर यहाँ पे मेरे तीन लग गए ये जो पैटर्न होता है इसको क्या बोलते हैं सर जी डायमंड पैटर्न बोलते हैं फिर क्या होता है स्टैगर्ड 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 में में क्या होता में क्या होता होता है है यार सर चेन में तो सारे लाइन लगते हैं चेन में सारे लाइन्स लगते हैं ठीक है ये हमारा चेन पैटर्न हो गया इसको बोला हमने चेन पैटर्न इसको हमने बोला डायमंड पैटर्न सर इसको हमने डायमंड अरे भाई डायमंड है कि नहीं बताओ ये बताओ ये डायमंड है कि नहीं कैसे याद करेंगे देखिए सर बन गया डायमंड यहाँ पे डायमंड बन रहा है कि नहीं बिल्कुल सर आप बात समझ में आ रही है एकदम अच्छा चेन समझ गए स्टैगर्ड 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 अब देखो क्या क्या होता है है में सर क्या है? ये लाइन तो चलो अपनी चलती रही नीचे लाइन में इधर उधर हो जाएगा ये देखो फिर क्या होगा ऐसे हो जाएगा अब बताओ ये क्या है स्टैगर्ड है कि नहीं एक लाइन अलग जा रही है दूसरी लाइन उसके जस्ट नीचे नहीं है थोड़ा तो इधर चल रही है फिर अपना यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो ये डिपेंड करता है और हम लोग क्या करना पड़ता है ना जब भी हम इस तरह के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें हर एक सेक्शन पे हमको हर एक सेक्शन पे स्ट्रेंथ निकाल के देखनी पड़ती है ठीक है और सबसे मिनिमम वाले को स्ट्रेंथ हम मान के चलते हैं ठीक है ऑब्वियसली तो ये अपना हो गया अब थोड़ा बात करते हैं जरा इस कर कनेक्शन की ध्यान से देखना हाँ सुरेश ने बिल्कुल सही कहा है है हाईएस्ट एफिशिएंसी जो मेरी होती ध्रुव कह रहे हैं सर वाले टेबल दिखा दीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पीछे बेटा वीडियो पीछे कर लिया करो वीडियो को पीछे कर दिया करो तुरंत ठीक है उसको रेड रेड पे क्लिक करो पीछे करो तुरंत स्क्रीन ले लो आगे बढ़ो जल्दी से देखो सर कनेक्शन समझना है बेटा गेट में क्वेश्चन आया हुआ का क्वेश्चन करेंगे अभी पहले ही समझेंगे फिर करेंगे सर गेट के क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे सारे बालक अपने आंख और काल मुंह जितना है सब खोल लेंगे जल्दी से और सारे बच्चे इस का आंसर बहुत से निकालेंगे। गेट का क्वेश्चन भी करना है, सुनो। सर, होता क्या है? का मतलब देखो दो टाइप मेरे एक होता है इन प्लेन एक होता आउट ऑफ प्लेन एक होता है आउट ऑफ प्लेन तो बहुत ध्यान सुनना सर देखिए यहाँ पे मेरा लोड लग रहा है और यहाँ देखिए जैसे मान लो यहाँ पे मेरा कॉलम था कुछ भी और यहां, पे सर आपने यहां पे एक मेंबर लिया ऐसे। अब क्या है सर आपने यहां पे इनको जोड़ दिया एक बोल्ट दो तीन बोल्ट से जोड़ दिया ठीक है तुमने इनको जोड़ दिया घूम तो सकता है तो यहाँ पेयर स्ट्रेस आएगा इसमें हर एक रिवेट में जितने भी रिवेट तुम यहाँ देख रहे हो जल्दी सर जितने भी रिवेट हम यहां देख रहे हैं यहाँ पे कितने सर एक दो तीन चार पांच एक तो सर देखिए एक तो ये जो पी फोर्स है ये इसमें सीधे लगाएगा ये इसमें सीधे सीधे शेयर लगाया कहा नीचे की तरफ सीधे शेयर लगाया कहा नीचे की तरफ एक तो ये हो गया शेयर है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं डायरेक्ट शेयर फोर्स ठीक है, है लिखा है क्या बोलते हैं पहला डायरेक्ट फोर्स देखो दो लगते हैं एक होता है मेरा डायरेक्ट फोर्स और दूसरा मेरा होता है शेयर फोर्स कौन सा टॉर्जल अच्छा टॉर्जन कैसे लग रहा है सर देखिये एक मोमेंट लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोमेंट यहाँ पे लग रहा है एक मोमेंट लग रहा है उससे क्या होगा सेंटर से ये मेरा जो रिवेट है वो कितनी दूर है ऐसे एक शेयर शेष लगेगा सेंटर से रिवेट को जोड़ो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ सेंटर से रिवेट को जोड़ो और उसके डायरेक्शन लेके जाओ समझना बहुत ध्यान से ठीक है एक बार फिर से साफ से उसके 90 डिग्री में लाइन खींच दो ये क्या है ये मेरा टॉजनल शेयर स्ट्रेस क्या है जल्दी बोलो टॉजनल शेयर स्ट्रेस सर कहानी समझ में आ गई या टॉजनल शेयर फोर्स एरिया सेंटू कर दो फोर्स आ जाएगा ठीक है शेयर स्ट्रेस निकालो फोर्स एरिया निकालो बहुत इम्पोर्टें देखो जैसे ये रिवेट है तो क्या करो जो भी इन सारे ऑफ ग्री सीजी है ले जाओ इस तरह बनता है यह क्या होता है मेरा टॉजनल शेयर स्ट्रेस तो टॉजनल शेयर स्ट्रेस देखिए कैसे निकलेगा सर अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम यहां देखे चार रिवेट है अपने एक दो तीन चार इनका सीजी ये है तो यहां हम इसको जोड़ेंगे ये इसका टॉजन शेयर स्ट्रेस

वो तो भाई सब में नीचे लगना है वो तो सब में नीचे लगना है क्यों क्योंकि वो 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 इस पी 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 फोर्स 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 के इन इन में में डिवाइड डिवाइड हो हो जाएगा हो जाएगा इक्वली इक्वली जो होगा चारों और यहाँ पे नीचे की ओर लगेगा ठीक है अब देखो तुम यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना यहाँ पे तुमसे एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं क्या कि ये इस ये जो रिवेट है इसमें दो फोर्स लग रहे हैं एक तो डायरेक्ट एक टॉर्जन इसमें भी डायरेक्ट टॉर्जन डायरेक्ट टॉर्जन डायरेक्ट टॉर्जन सब में लग रहा है तुमसे पूछेगा कौन सा रिवेट क्रिटिकल है सबसे ज्यादा हालत किसी खराब चल रही सर सबसे ज्यादा हालत सकी खराब चल रही तुमसे आप पूछेगा तो तुम यहां देख सकते हो बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना सर क्या देखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का एंगल कम है और इन दोनों के बीच का एंगल भी कम है भाई देखो सीधी सी बात समझो यार एक बात समझ लो सीधी सी कि भाई दो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच का एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट जो आएगा रिजल्टेंट ज्यादा आएगा और अगर उनके बीच का एंगल ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कम आएगा जैसे कि यहाँ पे तुम देखो ये वाला और ये वाला इनके बीच का एंगल बहुत ज्यादा है तो ये दोनों रिवेट्स इतने दबाव में नहीं है जितने दबाव में ये दोनों है ठीक है यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है देखो लिखा हुआ है क्या लिखा है कि लिखा थीटा में तुमको बताया कम होना चाहिए थीटा कम होना चाहिए ओके तो okay. लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ठीक है देखो, देखो यार फॉर्मले देखो अच्छा तुम यार सीधी बात बताओ अगर तुम हंड्रेड फोर्स को तुमने मान लो हंड्रेड के फोर्स को चार में डिवाइड किया तो एक लिमिट में कितना फोर्स आ जाएगा डायरेक्ट वाला पच्चीस सर तो सीधे से निकल जाएंगे फॉर्मला क्या है अपॉन टोटल एरिया एक रिवेट का एरिया अपॉन टोटल एरिया जैसे लो ये रिवेट्स हैं, एक, दो, तीन, चार, ओके सर बिल्कुल समझ में आ रहा है छह रिवेट्स हैं सर पे अपने तो सारे जितने भी सबका क्रॉसिंग सबका सम कर देंगे नीचे और ऊपर एक एरिया को रख देंगे तो ऑब्वियसली जब आप ऊपर एक एरिया को रखेंगे तो एक एरिया नीचे रखेंगे सिक्स ए तो सिक्स तो टोटल फोर्स मेरा ऑब्वियसली पी वाई सिक्स हो जाएगा टोटल फोर्स ऑब्वियसली कितना जाएगा पीवाई सिक्स चार रखेंगे तो एक का एरिया तो एक का एरिया अपॉन

ठीक है रिजल्टेंट कैसे निकलेगा देखो, दो फोर्स है मेरे उनके बीच का एंगल मान लो थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे जल्दी से बिल्कुल चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ तो एक क्वेश्चन देखते हैं सिस्टम समझ जाओगे ठीक है एक क्वेश्चन देखते हैं सिस्टम समझ जाओगे

तुम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे सर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे निकालना है फोर्स इन बोल्ट पी देखो चार बोल्ट दिए हैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे सर यहां पे हमको चार बोल्ट दे रहा है पी क्यू आर एस सबका डायमीटर इक्वल है एरिया कौन सा देखो अभी समझ जाओगे सारा का सारा ठीक है तो हम लोग देखते हैं जरा फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं सब लोग ध्यान देंगे भाई सब लोग यहाँ पूरा फोकस करने वाले हैं और देखेंगे हमारा पी में कितना आ रहा है भाई फोर्स तुम लोग जरा निकालना शुरू करो इसको फटाफट तो सबको पी दिखाई दे रहा है हाँ सर बिल्कुल हमको पी दिखाई दे रहा है सारे डिस्टेंस दिख रहे हैं सब सारे डिस्टेंस दिख रहे हैं अब जरा फोर्स हमको है तो देखो सर यहाँ पे दो फोर्स होंगे मेरे दो फोर्स होंगे सर कौन कौन से दो फोर्स होंगे कौन कौन से दो दो फोर्स फोर्स होंगे सर पे हैं एक तो हमारा डायरेक्ट वाला और एक हमारा कौन सा टॉर्जन वाला ठीक है जल्दी करो जल्दी जल्दी करो फटाफट तो यहां पे सर हमको देखिए क्या करना है फटाफट निकालना शुरू करते हैं बहुत ध्यान से देखना सर देखो अब सर ये हमारा पी है क्लियर है कहानी इतनी एकदम सही है सर एकदम सिंपल पी अपना यहाँ पे है अब अगर तुम यहाँ पे बीच में आ जाओ पहले तुम क्या करो इन सबका सीजी निकालो इन सबका सीजी सर यहाँ पे होगा कहीं है ना एक चल क्यों नहीं रहा हाँ ये इनका सीजी हो गया ठीक है देखो पी ये हमको पी फोर्स दिया गया है पी फोर्स को चलो जो भी यह दिया है कोई दिक्कत नहीं है सेंट्रिसिटी ई दी गई है ओके यहाँ पे हमारा जो बोल्ट है पी है अब देखो मुझे इस पे दो फोर्स निकालने है सर मुझे अभी पी पे फोकस करना है मुझे क्यू आर एस दिखी नहीं रहा है मर गए सर हमारे लिए सारे हमको सिर्फ पी देखना है

पोर कर देंगे तो क्या करेंगे भैया जल्दी बता दो इस कितना आ जाएगा थर्टी टू पॉइंट फाइव आ जाएगा है ना अच्छा देखते चलना सर सब कुछ थर्टी टू पॉइंट टू फाइव आ जाएगा क्यों भाई पैंसठ का आता थार्टी हाँ, टू पॉइंट फाइव सही है अच्छा अब जरा बात करते हैं ये तो सर पहला हो गया दूसरी अगर हम बात करें दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें सर हमको निकालना है टॉर्जन लाफ फोर्स कह रहा है यहां पे मोमेंट लग रहा है सर देखिए पे एक मोमेंट लग रहा है अपना बहुत ध्यान से देखना है क्या है मोमेंट सर पी इंटू पी इंटू ठीक है इतना क्लियर है ओके सर मोमेंट निकाल लेंगे अब देखो भाई

ये तुमने टॉर्जन का फॉर्मला पढ़ रखा है अब तुमको टाउ क्या है जो शेयर स्ट्रेस है, है? है, है, है ये तुम्हारा आर है अच्छा जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है पी इन टू आ रहा है, वो कह रहा है, पी आ रहा है ना? तो ये तुम यहाँ पे रखोगे पी इन टू पी इन और जो तुम्हारा जे होता है वो जे क्या होगा ए इंटू आर वन स्क्वायर ए इंटू आर टू स्क्वायर ए इंटू आर थ्री स्क्वायर ए इंटू आर फोर स्क्वायर एरिया कौन सा इस बोर्ड का एरिया एरिया किसका सर, मत करो। तुम सीधे हुए, दिमाग सर लगाने नहीं है, दिमाग है ना लगाएंगे अभी सर क्या करेंगे हम यहाँ पे अब टॉर्जन निकालेंगे हम तो सोच रहे हैं अब जितना समझ में आ रहा है उतना ही पढ़ते हैं है ना हमको लग नहीं रहा पूरा हो पाएगा आज ठीक है सर सुनते चलिए आप टॉर्जन का फॉर्मला सर हमने पीछे पढ़ा है पी इन ई इंटू जिस बोल्ट की आप बात कर रहे हैं उसका सीजी से डिस्टेंस क्या है उसका सीजी से डिस्टेंस क्या है मान लीजिए ना एरिया, एरिया यहां पे लेके चलेंगे तो यहां पे क्या लिख देंगे क्या लिख देंगे P into e into area, A, पीछे देखो जरा फॉर्मुला इंटू एक का यहां पे समेशन ए आई स्क्वायर और यहां पे देखो ए इंटू आर होगा इसका इसका ए इंटू आर होगा एक बार देखो जल्दी से अरे भैया कहा चला गया है यहां देखो पहले फॉर्मले देखो अपने मेन बोल्ट का ए इंटू आर यहां पर आएगा अपॉन समेशन ए आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है क्लियर पी इन टू मेन बोल्ट का आर एरिया अपॉन समेशन ए आर स्क्वायर ठीक है ये अपना हो गया सिंपल सी बात चलिए सर जल्दी से वापस आइए क्वेश्चन में जल्दी सर क्वेश्चन वापस आ जाइए सर उड़ाते हुए चलिए एकदम जल्दी से कहा चल रहे थे आप यहाँ पे थे ठीक है तो एक चीज यहाँ पे जो मिस हो रही है उसको लिख देंगे यहाँ पे फटाक से ए इंटू आर लिख देंगे सर यहाँ पे ठीक है सर यहाँ लिखा हमने ए इंटू आर कोई दिक्कत नहीं ठीक है रखो फॉर्मला पुट करना शुरू करो पी भैया कितना है यहाँ पे एक सौ तीस सर पी मेरा कितना है एक सौ तीस किलोमीटर नो प्रॉब्लम ठीक है अच्छा ई बेटा कितना है दो सौ एम सर ई मेरा कितना है दो सौ एम ने रख दिया यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक है अच्छा ये बताओ यार एक बात बताओ ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया यार देखो हर बोल्ट का एरिया तो सेम है कि नहीं बताओ हर बोल्ट का एरिया सेम है नीचे यार चार बार लिखो ऊपर एक बार लिखो नीचे चार बार लिखा है कॉमन लेके ए कैंसिल हो जाएगा नहीं बताओ ठीक है अगर तुम देखो तो यहाँ क्योंकि नीचे सर आप जब ए आर वन स्क्वायर लिखेंगे फिर ए आर टू स्क्वायर लिखेंगे फिर ए आर थ्री स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे आप ए इंटू सिर्फ आर वन क्योंकि आप पी बोल्ट की बात कर रहे हैं पी बोल्ट की बात कर रहे हैं मतलब पी लिख दो है ना कर कर दो दो इसको है ना तो देखो एरिया कैंसिल हो जाएगा हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बोला आपने एरिया सर कैंसिल कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो पर रखा वो general, वो general है वो जनरल वो जनरल होगा जनरल वही मैंने तभी आर लिख दिया था क्योंकि मुझे वही आ रहा था एकदम से अपॉन आर आई का स्क्वायर हो जाएगा बस इतनी सी बात ठीक है क्योंकि एरिया अपना क्या हो जाएगा सर जी कैंसिल अच्छा ये बताओ मेरे भाई यहां पे इसका ये आर कितना है सर मुझे यहां से यहां तक आर डिस्टेंस निकालना है तो देखिए सर एक बहुत ध्यान तो डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस कितना है बेटा हंड्रेड बाई टू यह कितना 100... सबको दिख रहा है कितना? कितना है फिफ्टी हंड्रेड बाई टू अच्छा सर ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस बेटा टू फोर्टी का आधा है ये डिस्टेंस टू फोर्टी का आधा है कितना तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना सर ऑब्वियस बात है अगर हम यहाँ पे आर निकालें डिस्टेंस ऑफ रिवेट फ्रॉम द सी जी ऑफ ऑल द रिवेट निकालें तो आ जाएगा कितना अंडर उन्न ट्वेंटी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना वन थर्टी यहां पे उठा के रखेंगे हम लोग वन थर्टी सर रखिए रखते चलिए वन थर्टी मैम ओके अपॉन अच्छा जरा अच्छा एक बात समझो यार इसका वन थर्टी आए तो इसका वन थर्टी आएगा इसका वन थर्टी आएगा थर्टी आएगा ठीक है क्लियर वन थर्टी कितनी बार आएगा सर यहाँ पे कितनी बार आएगा सर जी चार बार आएगा बात समझ में आ रही कि नहीं तुम यहाँ पे क्या करोगे

भैया इसका मतलब ये हो गया है मेरे भाई कि डायरेक्ट लग रहा था कितना साढ़े बत्तीस साढ़े बत्तीस और इधर कितना लग रहा है एफ्टी कितना फिफ्टी तो अब देखिए सर बहुत अब आसान हो चुका है अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़े रिजल्टेंट निकालू मैं देखो अच्छा रिजल्टेंट निकालने के साथ मुझे एक काम और करना है मुझे यहाँ पे बिन के बीच का थीटा निकालना है मेरे भाई क्या निकालना है थीटा अच्छा थीटा देखो तुम सारे बच्चे देखो होशियार हो इतना मैं समझ पा रहा हूं सारे बच्चे होशियार है सर ये देखिए एंगल देखिए थीटा है बहुत ध्यान से देखना ये जो एंगल है और ये जो एंगल है सेम है कि नहीं बताओ

तो थीटा मेरे भाई कितना आ रहा है लगभग लगभग सर थीटा अपना आ रहा है सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री एट चलते चलो भैया थीटा सर मेरा आ रहा है सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री एट डिग्री क्लियर है सर कहा नहीं आगे बढ़ते जल्दी से अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट सर अब हम यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं रिजल्टेंट निकालेंगे सर रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा देखिए डायरेक्ट का स्क्वायर पीछे फॉर्मला एक बार तुमको फॉर्म में आ गया होगा दो फोर्स का रिजल्टेंट जब निकालते हो तो क्या करते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा

तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा भैया बी ऑप्शन ये देखो बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्लियर है कहा कनेक्शन जरा क्वेश्चन देखना, देखना शुरू करो यार क्वेश्चन देखो थोड़े बहुत चलिए सर और क्वेश्चन देखते हैं पे वेल्ड अभी नहीं करेंगे और देखो पे एक क्वेश्चन और देखो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो भाई प्रैक्टिस करते हो चलो उड़ाते हो चलो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अगला देखो क्वेश्चन देखो एकदम साफ साफ क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा है ठीक है एक कॉलम है अब देखो ये फिर से इन प्लेन कनेक्शन है इन प्लेन का मतलब क्या होता है जरा समझ लो पहले यहाँ पे इन प्लेन और आउट प्लेन बोलेगा समझ लेना इसका मतलब क्या है देखो

जैसे मान लो यहां पे मेरा एक दीवार है और हम लोग यहां पे एक कनेक्शन कर रहे हैं और यहां से आगे आगे गए यहाँ से माँगे गए यहां से से बहुत ध्यान देखना जरा ठीक है और तुमने इस मेंबर को जोड़ दिया बोल्टोल्ड लगा के अब तुमने भाई तुम्हारा रिवेट्स इस प्लेन में है तुम्हारे रिवेट्स इस प्लेन में है और तुम लोड लगा रहे हो यहां पे लोड का प्लेन सर कहीं और है और रिवेट्स मेरे किसी और प्लेन में है तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन कनेक्शन लेकिन सर यहां पे जो रिवेट्स का प्लेन है उसी उसी में हमारा लोड लग रहा है चाहे तो सेंटर लग जाए चाहे तो कुछ के साथ लग तो ये इन है और ये मेरा आउट चारों में इक्वली बढ़ जाएगा कितना पी बाय फोर, फोर, फोर लेकिन यहाँ पे टॉर्जन नहीं आएगा यहाँ पे क्या है कि बेंडिंग आएगी ये जो रिवेट्स होंगे क्या करेंगे ऐसे मुड़ने लगेंगे इसमें ऊपर वाले में तो अगर देखो सबको पता है टेंशन होगा यहाँ पे ऐसे जाएगा ऊपर वालों में टेंशन आएगा ऊपर वाले खींचने लगेंगे और नीचे वाले दबने लगेंगे नीचे में कंप्रेशन आएगा समझ रहे हो समझ पा रहे सोम पढ़नी पड़ेगी बेटा सोम ठीक है बहुत स्टील और तभी समझ में आती है जब बेटा सोम पढ़नी पड़ती है अभी तो पता नहीं क्या ही चल रहा है <laughs> चलने तो बेटा जो चल रहा है चलने देंगे क्वेश्चन करेंगे सर जल्दी से इसको क्वेश्चन करेंगे जल्दी से सर देखो यहाँ पे यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया एग्जाम का क्वेश्चन है गेट का क्वेश्चन है इसको उड़ाएंगे जल्दी से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पी जो मेरा फोर्स है वो कितना टेन किलोमीटर है और डिस्टेंस सारे यहाँ पे मेजर करके दिए हुए हैं और इन्होंने बोला है रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बोल्ट वन में और बोल्ट वन को इन्होंने मार्क करके भी रखा हुआ है ठीक है बोल्ट को बोल्टन मार्क करके रख दिया है थोड़ा ध्यान दो जल्दी से आंसर आंसर निकालो देखो आ रहा है कि नहीं अपना तो सर देखते हैं जरा थोड़ा तो दिमाग लगाते हैं ये बोल्ट वन है मैंने मान लिया सर ओके ये मेरा बोल्ट वन है ये मेरा सी है सर ये मेरा सी है मुझे पहले यहाँ तक यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली इसी डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ आर अब देखिए सर सीधी बात समझिए यहां पे आपके दो फोर्स लगेंगे कौन कौन से एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट सर क्या लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट लगे नीचे डायरेक्ट और दूसरा क्या लगेगा टॉर्जन सर टॉर्जन कहाँ लगेगा सर आप यहां से यहां जाइए और यहां से जाइए उसके परपेंडिकुलर जाइए ठीक है दोनों के नाम लिख दीजिए सर ये हमारा क्या है टॉर्जन वाला फोर्स है और ये हमारा डायरेक्ट शेयर फोर्स है अच्छा दोनों ही कैलकुलेट करते हैं फटाफट सर दोनों कैलकुलेट करते हैं उनके बीच का एंगल भी निकाल लेते हैं ठीक है इनके बीच का एंगल भी निकाल लेते हैं आर भी निकाल लेते हैं ठीक है ओके अच्छा देखो आर निकालने का बड़ा काम नहीं देखो अगर तुमको आर निकालना है तो देखो इस टेन का क्या कर दो आधा कर दो टेन का आधा कर दो फाइव

तो यहां लिखेंगे पंद्रह सेंटीमीटर इसटी ओके सर और डिस्टेंस मेरा कितना है मेरे भाई फाइव डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है 5 है 5 है बिल्कुल सर फाइव है हर एक बोल्ट का डिस्टेंस सीजी से कितना है सर फाइव सेंटीमीटर है कोई दिक्कत नहीं अपॉन यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर 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 कितनी बार चार बार फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर चार बोल्ट है तो चारों का यहाँ पे डिस्टेंस लिखा जाएगा लिख देंगे सर यहाँ पे क्या लिख देंगे सर यहाँ पे फोर इंटू फोर इंटू फाइव स्क्वायर है ना चार बार फाइव स्क्वायर सोल्व करो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है सर ये आ, ये आ रहा है बेटा तुम्हारा साढ़े सात है ना ठीक है ये कितना आ रहा है साढ़े सात हाँ एक, एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर सेंटर में बोल्ट हुआ तो क्या होगा बेटा का सेंटर में बोल्ट हुआ तो सुनना बहुत ध्यान से उस सेंटर का जो बोल्ट है उसका आर जीरो हो जाएगा ठीक है किसने पूछा है ये प्रशांत ने ठीक है वो हो जाएगा मेरा कितना उसका आर जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं समेशन स्क्वायर कर रहे हो तो उसका सेंटर जीरो होगा ना और क्या करना है बस ठीक है अब रिजल्टेंट निकालो जल्दी से बस रिजल्टेंट निकाल दो अच्छा लेकिन नहीं एंगल निकालना है यार एंगल तो निकालना है बेटा एंगल तुम निकालो जल्दी से बताओ एंगल कितना आ रहा है जल्दी बताओ कमेंट करके फटाफट अब सब सर नहीं बताएंगे जल्दी बताओ तो कितना एंगल आ रहा है अच्छा तुम देख सकते हो यार यहाँ पे पूरा सिमेट्रिकल बन रहा है तुम देख सकते हो यहां नाइनटी नाइनटी चल रहा है ना ये ये देख रहा हो कैसा स्क्वायर बन रहा है तुम देख सकते हो एंगल कितना हो जाएगा सीधे सीधे से फोर्टी फाइव बनेगा भाई फोर्टी फाइव एक बात देखो जरा बहुत ध्यान से ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ देखो भाई जल्दी कौन सा एंगल कहां से आ रहा है ये एंगल अपना वन थर्टी फाइव यहाँ पे है ना तो यहाँ पे रिजल्टेंट लगाएंगे रिजल्टें लगाएंगे ठीक वंतिर, है क्यों वन थर्टी रहा समझ रहे हो कि नहीं क्यों वन थर्टी फाइव हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या बना के दिया है ये ये क्या बना के दिया इधर भी बिटेन इधर भी बिटेन इधर भी टैन इधर भी बिटैन इधर जा रहा है इधर जा रहा है

हाँ, दोनों क्वेश्चन कितना एंगल है वन थर्टी फाइव है ना? हाँ जिनको एंगल समझने में बहुत दिक्कत हो रही है ये देख लो ये देख रहे हो इनके बीच का नाइन्टी डिग्री है ये ये नाइन्टी डिग्री देखो बना के दे रहा है खुद ही यहां बना के दे रहा है देखो ये है ये है ये नाइन्टी और ये कितना है फोर्टी फाइव बस हो गया वन थर्टी फाइव रख दो आंसर निकाल दो टू प्लस कितना आ रहा है सर ये कितना आ रहा है ये मेरे भाई सर जी आ रहा है आपको बता दें हम कितना चलो अब समझ गए हो यार तुम लोग है ना कहानी समझोगे आगे बढ़ते हैं भैया आगे बढ़ते हैं कितना आ रहा है सर ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा है ये फाइव पॉइंट नाइन नाइन ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है फाइव पॉइंट नाइन नाइन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अब उम्मीद कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि तो भैया तुम यहाँ पे दो क्वेश्चन इस तरह के अगर आ गए तो संभाल लोगे बहुत कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है रिवाइज कर लेते जल्दी से सर फिर आगे बढ़ते हैं है ना ब्लैक में सही है और यहाँ पे आ जाते हैं कहां पहुंच गए सर हम लोग पता ही नहीं चल रहा है कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा है इतना बड़ा है सच सब्जेक्ट अपना कोई बात नहीं भाई हार नहीं माननी कोशिश पूरी चलेगी कोशिश पूरी रहने वाली है सर यहां देखो भाई जल्दी से तो सर हम समझ चुके हैं हाँ एरिया तुम देख सकते हो पाइव फोर इन डायमीटर का स्क्वायर है ना लेकिन हाँ तुमको यार जो अपना डिबेट का होल्ड ग्रॉस डायमीटर वो तुमको निकालने की जरूरत नहीं है वो ग्रॉस एरिया तुमको निकालने की जरूरत नहीं है वो तुम सेम ही रहता है सबका तो कैंसिल आउट हो जाता है ना अभी देखो क्वेश्चन तो देख लिया ना हमने सारी कहानियां लिखी हुई है पूरा तुमको समझा देगा बढ़िया तरीके से चाहे ये हो यहाँ पे लोड लग रहा हो यहाँ पे लोड लग रहा हो तो अभी देखो वैसे ही होगा दोनों एग्जाम्पल एक ही है और हाँ ये जो फोर्स आ रहा है ऑब्बियसली जो फोर्स आप लगा रहे हैं लोड वो रिवेट वैल्यू से क्या होना चाहिए कम और रिवेट वैल्यू कैसे निकलती है वो भी तुमको सिखा दिया गया है जैसे अपने क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैल्यू रेलूस नाइन को चाहिए शायद तो सेवेंटी नाइन से कम ये फोर्स आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ये फेलियर नहीं होगा ठीक है चलो अब एक बात और सुनो यार एक बात और सुनो तुम्हारा जो क्या नाम है फोर्स है एग्जाम पूछा गया है बहुत ध्यान सुनेंगे सर बच्चे थीटा जितना कम होगा या आर जितना ज्यादा होगा देखो आर जितना ज्यादा होगा थीटा जितना कम होगा उतना ही तुम्हारा ये ज्यादा होगा देखो थीटा ज्यादा थीटा कम होगा तो ये ज्यादा आएगा सबको बचा जब अपना एंगल कम होता है दो फोर्स रिजल्ट ज्यादा आता है और दूसरा आर ज्यादा होगा तो एफटी ज्यादा आएगा ठीक है तो यह लिखा हुआ है कि वो रिवेट क्रिटिकल होगा जहां पे जहां पे दोनों फोर्स के बीच का एंगल कम हो और टॉर्जनल स्ट्रेस या टॉर्जनल फोर्स क्या हो ज्यादा हो तो यहां लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा अगर है मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर है तो वो रिवेट सबसे क्रिटिकल होगा तुमको एग्जाम पता है बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में खुद ही खुद ही निकालो क्रिटिकल तुमको बोल सकते हैं तुमको जैसे मान लो यहाँ पे छह बना के दे दिया एक दो तीन जल्दी बताओ यहाँ पे क्रिटिकल कौन है अब देखो सीधी बात है और मान लो यहाँ पे कहीं लोड लग रहा है ठीक है और सेंटर लाइन से यहाँ पे लग रही है सेंट्रिसिटी अब जल्दी बताओ क्रिटिकल कौन है तो सीधी बात है देखो इसका अगर तुम देखोगे तो इसका यहाँ पे आएगा इसको तुम देखोगे यहां पे आएगा सर यही है क्यों क्योंकि जो मेरा डायरेक्ट है वो भी इधर है और जो है, वो भी इधर है दोनों इधर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा जीरो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जीरो डिग्री जो कि मिनिमम है कोई दिक्कत नहीं बात समझ में आ रही ठीक है तो इससे देखना पड़ेगा लेकिन अब हाँ, क्योंकि इसका आर और इसका आर भी अलग है तो हमको आर की आर रख के यहाँ पे एफ टी भी निकालना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि आर पर भी डिपेंड करता है काफी चीजें आर पर डिपेंड करता है तो दोनों ही चीजें थीटा और आर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है तब हमको पता चलता है कि हमारा कौन सा रिवेट क्रिटिकल जहां फोर्स हमारा मैक्सिम आएगा अब तुमसे तो पूछे क्रिटिकल रिवेट क्या है तो भैया क्रिटिकल रिवेट वो रिवेट होता है जहां पर फोर्स मेरा मैक्सिमम आता है मैक्सिमम ठीक है अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं सर रिवेट की कहानी हमको समझ में आ गई है एलएसएम के कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं फटाफट ठीक है बहुत ध्यान से देखना ठीक है बेटा सावन समझ गए सुरेश समझ गए कॉपी पेस्ट मार दिया कमेंट <laughs> ये होती है बात कमेंट कॉपी पेस्ट कर दोगे तुम है बेटा कमेंट कॉपी पेस्ट कर दोगे अब क्या करें यार अभी देखो टाइम बहुत कम है यार तो जितना हो पा पार अभी करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी सर पढ़ा सक सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सुनो अब जल्दी यहाँ पे ध्यान से यार एल में देखो दो चीजें हैं तुमको आज बताएंगे दो चीजें कमेंट करो मेरे साथ जल्दी से जोर पढ़ा दो बेटा दो चीजें सर एक होता है लोड और दूसरा क्या होता है मेरा स्ट्रेंथ सर दो चीजें हैं एक तो होता है मेरा लोड दूसरा क्या होता है स्ट्रेंथ यहाँ देखिए पहला क्या लिखा है लोड अच्छा सुनो ये सब कहानी की जरूरत नहीं है इसको मत पढ़ो अभी टाइम नहीं है इतना ठीक है सर लोड देखिए कैसे निकालते हैं देखिए जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक लोड मुझे क्वेश्चन दिया होता है उसको मैं इंटू करता हूँ बेटा किससे ये क्या है बेटा ये है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड जब मैं इसको लोड से बेन लोड जो मैं क्वेश्चन दिया जाता है उससे इंटू करता हूँ तो मेरा लोड बढ़ जाता है उसे बोलते हैं फैक्टर लोड क्या बोलते हैं फैक्टर लोड अब सुनो ये गामा की वैल्यू क्या क्या लेते हैं ये देखो यहाँ टेबल बनी हुई है दिखाई दे रही होगी उम्मीद कर रहे हैं उम्मीद कर रही सबको दिखाई दे रही होगी तो यहाँ देखो यार कॉम्बिनेशन है

लाइव में 1.2 लेकिन जो अपने लोड हैं जैसे क्रेन लोड या मान लो तुम्हारा अर्थ को मान लो विंड लोड ये सब अकंपनिंग लोड होता है तो उसमें क्या इंटू करते हैं 1.05 तो ये सब तुम पढ़ सकते हो ये सब तुम पढ़ सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है देखो हमको जो याद रखना है वो हम बताएंगे बस हमको सर देखिए अभी ज्यादा कहानी जानने का टाइम नहीं है सर देखिए सिंपल सी बात हमको याद रखना है कि डेड लोड और लाइव लोड में क्या इंटू करते हैं सुनो क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि भैया क्वेश्चन में बोलेगा तुमको क्या सर कि हमारा जो लोड है मान लो फिफ्टी किलोमीटर है तो देखो हमारा ये फिफ्टी किलोमीटर है सर अब मैं क्या करूंगा इस लोड को बढ़ा दूंगा कितना से इंटू कर दूंगा सर, ये और मिला के था लेकिन था तो मैंने से इंटू कर था, से, तो मेरा क्या हो गया सेवन अब ये 75 सर क्या है सर ये सेवेंटी है ये मेरा क्या है डिजाइन लोड है डिजाइन लोड या फैक्टर लोड है इसी को मैं यूज करूंगा अपने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब इस समझ में गया आप बोलना चाह रहे हैं कि लोड को बढ़ा दो हिंदी में आप बोला चाहते हैं लोड को बढ़ा दो सर समझ गए लोड को बढ़ा देंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं अच्छा अब बात करते हैं जरा स्ट्रेंथ की दूसरा कौन है सर मेटेर की स्ट्रेंथ देखो स्ट्रेंथ को कम कर देखो अब जैसे मान लो तुमको पता है स्टील है यार तो स्टील की कुछ स्ट्रेंथ होती है यार है ना स्टील तुमको पता है यार एक तुम्हारा एफ आई होती है है ना चार सौ पंद्रह है पांच सौ है जो भी तुम मान लो ढाई सौ है यार है ना उन स्टील की कुछ ईल्ड स्ट्रेंथ है अपनी उन सबकी कोई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है ठीक है रेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मार्जिंग पढ़ लेना पहले जल्दी सुन लो तो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देते हैं सर क्या करते हैं थोड़ा सा कम कर देते हैं एम से एम को क्या बोलते हैं बेटा पार्शियल स्ट्रेंथ बेटा डब्ल्यू एस एन समझ गए कि नहीं बेटा डब्ल्यू एस एन समझे नहीं समझे सर समझ गए सर आप डरा रहे हैं को। सर, समझ देखो बेटा ये डब्ल्यू एस एम था डब्लू एस एम था बेटा तुमसे कोई पूछे कि जो मेरे स्ट्रेसेस हैं

कभी भी अगर तुम्हारा गवर्निंग हो रही है से अब तुम मुझे सर किया मतलब समझते हो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाना फैल जाना स्टील का ठीक है तो, तो हम क्या करेंगे कहीं भी अगर बकलिंग हो रही है बकलिंग से फेलियर हो रहा है तो हम लेंगे कितना चल रहे हैं तो हम लेंगे

सर देखिए आपने रिवेट हमको आज पढ़ाया था आपने हमको रिवेट पढ़ाया था और आपने फॉर्मुला सिखाया था क्या कि भैया अगर सिंगल शेयर है तो पाई बाय ग्रॉस का स्क्वायर करो और इंटू कर दो इंटू कर दो सिग्मा एस सिग्मा एस का मतलब क्या है यहाँ पे परमिशिबल शेयर स्ट्रेस परमिशिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ रिवेट ठीक है क्लियर अब मान लो इसी फॉर्मले को अगर डब्ल्यू एस एम की जगह एल एस एम से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा सर बताइए देखो भैया अगर तुम इसी को एल एसन से लिखना चाहते हो तो क्या करोगे तुमको अगर परमिशबल फोर्स निकालना है तो क्या करोगे यहाँ पे देखो पाइव फो एरिया तो भाई रखने वाले हो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा नो प्रॉब्लम सर पाई डी स्क्वायर तो रहने ही रहना है लेकिन अब जब तुम यहां पे अलाउबल स्ट्रेस सीखते थे पहले पहले तुम अलाउबल स्टेट सीखते पे पर क्या लिखोगे यहां पे तुम लिखोगे क्या भाई सर हम लिखेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ठीक है रिवेट मेरा एक काम कर दो शेयर वाला किसमें फेल होगा शेयर वाला सर ऑब्वियसली हाँ ठीक है रल किस में फेल होगा सर अल्टीमेट में होगा तो यहाँ पे लिखेंगे एफ यू मतलब उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेस है और यहाँ पे दोस्तों किसी वन पॉइंट टू फाइव से किससे डिवाइड कर दोगे से अगर शॉप है और फील्ड है तो कितना तो हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेन को गामा से डिवाइड कर देंगे ठीक है बस मतलब तुम्हें स्ट्रेन निकालें तो क्या करो अल्टीमेट स्ट्रेस जो भी है उस मटेरियल उस रिवेट का उसको तुम उसके से डिवाइड कर दो जो भी उसका पार्सल होगा बस ये फर्क आ जाता है अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक तरह से परमिसल स्ट्रेस क्यों क्योंकि तुमने अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करके माना तुमने अपनी जो स्ट्रेंथ है जो रिवेट की स्ट्रेंथ उसको थोड़ा सा कम करके माना तो हमें एक बात समझ में सर कि हमारी जो रेजिस्टेंस है जो स्ट्रेंथ है उसको हम थोड़ा कम कर देंगे और लोड को थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर हम बात करेंगे कि हमारी जो फैक्टर रेजिस्टेंस निकल के आ रही है या मान लो तुम्हारा जो डिजाइन रेजिस्टेंस निकल के आ रही है जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो डिजाइन स्ट्रेंथ मेरी वो डिजाइन स्ट्रेंथ मेरी पीछे और जल्दी हाँ फैक्टर लोड से ज्यादा होना चाहिए ठीक है यहाँ लिख रहे हैं एक बात कि डिजाइन स्ट्रेंथ डिजाइन शुड ऑलवेज ग्रेटर देन डिजाइन स्ट्रेंथ शुड ऑलवेज ग्रेटर देन

तो मैं सीधे से बात इतना याद कर लो और फिर उसी को यूज करो पूरे क्वेश्चन में हाँ, की कितनी होती है? पूछ रहा है चार सौ बारह होती है जो माइल्ड स्टील होती है उसका एफआई ढाई सौ रहता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ चार सौ बारह होती है ना ये ग्राफ हाँ सर तो ये ढाई सौ है और ये चार सौ बारह है ठीक है किसने पूछा है आदेश जी ने चलो भैया आगे ठीक है सुनते चलो अब जरा सुनो तो एक बात और सर लिमिट स्टेट में लिमिट स्टेट दो होते हैं हमारे सबको ये तो पता ही यार इसका क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा कि लिमिट स्टेट में तो दो है अल्टीमेट और दूसरा क्या बेटा सर्विसिबिलिटी सर्विसिबिलिटी कोरोजन को फायर वाइब्रेशन डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन रिपेयर डैमेज ये सब देखता हूँ लिमिट स्टेट के अंदर सब क्या देखते हैं ओवर टर्निंग ना हो फ्रैक्चर ड्यू टू फेटिंग ना हो स्ट्रेंथ देखो मेनली क्या है देखो इतनी कहानी नहीं जाननी है अल्टीमेट लिमिट स्ट्रेंथ हम किसे लेते हैं स्ट्रेंथ हमारा कहीं से भी टूटना टाटना नहीं चाहिए सर ना कहीं टेयरिंग हो ना कहीं शेयरिंग हो ना कहीं बेयरिंग फेलियर हो ना कहीं ओवर टर्निंग हो जाए ना कहीं फ्रैक्चर हो जाए फटीक के से ना सोए के से कुछ हो जाए ना डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाए ना ब्रेड फेलियर हो जाए ये हमारा क्या अल्टीमेट लिमिट स्टेट है ठीक है थीके? और इधर तुमने लिखा है सर्विसिबिलिटी सर्विसबिलिटी का मतलब क्या होता है यार स्टील में कोरोजन स्टील में सबको पता है यार कोरोजन लगने की चांसेस रहती है आग लग सकती है आग में अच्छे से नहीं झेल पाती है जल जाएंगे जल्दी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है डिफॉर्मेशन अच्छा स्टील में एक बात और है लोड ज्यादा लगाओगे पता है डिफ्लेक्ट हो जाती है मुड़ जाती है

ठीक है तो इसको हम बोलते हैं सर्विसिबल नहीं है और अगर सर्विसिबल है तो डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन ये सब क्या होगा परमिसिबल रहेगा ठीक है एग्जाम पूछ सकता है में में क्या पता बन जाए? कि सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टील में स्टील की बात हो रही है, की बात नहीं हो रही है। उसमें डिफॉर्मेशन और फेटी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्रैकिंग याद रखो ये याद नहीं होते हैं ठीक है आ सकता है क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बारी करते हैं बोल्ट की ठीक है रिवेट हो चुका है ठीक है ओके आगे बढ़ो जल्दी साहब आती है बोल्ट बोल्ट सर पचास तरह के होते हैं मार्केट में बहुत सारे बोल्ट आते हैं भाई आजकल तो भाई जमाना बहुत आगे जा चुका है हर चीज इतनी एडवांस हो चुकी है क्या बताया जाए तो सर देखिए हमको इतने सारे बोल्ड चला जानने नहीं है यहाँ देख सकते हो तुम्हारे टर्न होते हैं ब्लैक बोल्ट होते हैं हेक्सागन हेक्सागन शेप शेप के के होते हैं ठीक है और सर अपने हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं इसको तो यार फ्रिक्शन ग्रिप में पता क्या करते हैं इतना टाइट बंद करते हैं इतना टाइट बंद करते हैं कि तुम जब खींचना शुरू करते हो तो वो क्योंकि इतना टाइट है तो उसका फ्रिक्शन से ही फोर्स बैलेंस हो जाता है वियर तो बहुत बात की बात है तुम्हारा जो बोल्ट है उसका शेयर होता ही नहीं है बोल्ट खींचता ही नहीं है तुमने उसको इतना टाइट बंद किया इतना टाइट बंद किया है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रेड बोल्ट है जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उस फ्रिक्शन से ही फोर्स बैलेंस हो जाता है समझो बहुत हाई स्ट्रेंथ होते हैं उसके बाद शेयरिंग आता है उसके बाद बियरिंग होता है ठीक है काफी स्ट्रेंथ होती है इसमें है ना तो जो भी लोड जब बहुत ज्यादा लग रहा है लोड जब बहुत ज्यादा लग रहा है तब तुम क्या करो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज करो और यहाँ पे जो रजिस्टेंस आती है वो ड्यू टू फ्रिक्शन आती है ठीक है चलो फिलहाल यार ये सब याद नहीं करना है हटाओ जरूरत नहीं है नेक्स्ट हाँ ये सब समस्या कहानी बोल्ड का क्वेश्चन देखते हैं सर देखिए रिवेट आपने बस रूल थोड़े से अलग हैं बोल्ड के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो देखो सर ये बोल्ट, समझ जाओगे। बोल्ट है मेरा बोल्ड तो सबने देखा होगा यार बोल्ड घुमाते हैं देखा होगा उसमें क्या होता है थ्रेड्स बने होते हैं सबने थ्रेड्स देखे होंगे बोल्ड थ्रेड्स बनाने की कोशिश की गई यहाँ पे है ना

क्या नाम है ये बोल्ट है बोल्ट में जहां पे थ्रेड आते हैं वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा yes or no? हाँ. कितना हो जाएगा सर पॉइंट ए सेवन टाइम हो जाएगा देखो अगर यहाँ का एस बी है शैंक एरिया ASB है तो भैया अपना थ्रेडेड थ्रेडेड पोर्शन पोर्शन में में एरिया कितना हो जाएगा पॉइंट सेवन एट हो जाएगा ठीक है समझ लो याद कर लो इसको अच्छा एक बात और सर नॉर्मल डायमीटर अगर बारह है तो हम डायमीटर ऑफ होल कितना लेंगे तेरह लेंगे यहाँ देखो जल्दी बना देते फटाफट बारह तो तेरह

ग्रॉस कितना हो जाएगा अठारह समझ रहे हो ये बात है यहाँ पे ये बात है ऐसा तुमको याद करना है ये बोल्ट होल का डायमीटर के बारे में बात हो गई अब फॉर्मला देखते हैं सर जल्दी से ठीक है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अच्छा यहाँ विनायक ने पूछा फेटिक क्रैकिंग क्या है बेटा सुनो विनायक फेटिक क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि समझ लो ध्यान से जल्दी फेटिक का मतलब क्या होता है जैसे मान लो अपनी रोड है या कोई भी एक चीज जो बार बार यूज हो रही है जो बार बार यूजर जैसे क्या होता है तुम अपने घर की कोई फ्लोर ले लो उस पर तुम इधर चले फिर चले फिर चले फिर चले तो बार 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 जब रिपीटेड लोडिंग हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं फैटीक ठीक है तो फैटीक जब रिपीटेड लोडिंग होती है साइकिल में बार बार तो उससे क्रैकिंग होती है ठीक है उससे क्रैकिंग होती है उसी को बोलते हैं हम लोग फेटिक क्रैकिंग ठीक है ज्यादा मत जानो अभी टाइम है नहीं यार इतना ठीक है सर सुनिए अब देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मेरे क्या होते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे सुनो जल्दी से देखो भैया दो तरह के ज्वाइंट होते हैं मेरे एक होता है मेरा लैब ज्वाइंट दूसरा सर मेरा होता है बट ज्वाइंट एक लैब दूसरा क्या हो गया बट कोई दिक्कत नहीं सर सर देखिए यहां पे दो प्लेट आप देख रहे हैं लैब का मतलब क्या हुआ यार लैब का मतलब क्या हुआ मैंने ओवरलैप कर दिया सर यहाँ पे एक प्लेट है दूसरी प्लेट मैंने इसको ओवरलैप कर दिया बस हो गया लैब ज्वाइंट बताओ कोई बड़ी चीज है कोई बड़ी चीज है सर कुछ नहीं है यहाँ पे सिंपल एकदम बात समझ में आ गई ठीक है अच्छा देखो तुम जब लैब कर दोगे तो उसको तुम जोड़ सकते हो दो तरीके से एक तो तुम यहाँ पे क्या नाम है रिवेट या बोल्ट लगाओगे या तो वेल्डिंग भी देखेंगे अभी आगे वेल्डिंग भी देखेंगे अच्छा बट ज्वाइंट में क्या होता सर बट जॉइंट में क्या होता है सर देखिए बट में क्या होता है दो प्लेट ऐसे आके जुड़ती हैं दो प्लेट ऐसे आके जुड़ती हैं जहां पे दो चीजें आके ऐसे है उसको हम लोग बोलते हैं पे बट बट ठीक अब देखिए सर दो चीजें हो सकती हैं बट सर दो चीजें हो सकती हैं देखना बहुत ध्यान से या तो कवर दोनों तरफ होगा या तो कवर ऊपर और नीचे दोनों होगा देखो दो प्लेट आके जुड़ी ठीक है ऊपर कवर प्लेट नीचे कवर प्लेट तो क्या बोलोगे डबल कवर्ड ठीक है डबल कवर सिंगल वोल्टेड सिंगल वोल्टेड क्यों मेरे भाई ए एक सेकंड रुक जाओ सिंगल बोल्टे क्यों सुनना सर देखिए इधर से एक प्लेट आई ओके इधर से एक प्लेट आई ओके एक प्लेट ये रही एक प्लेट ये रही दोनों को मैंने ऊपर कवर लगाया कवर लगाया और एक एक बोर्ड लगा दिया एक बोल्ट इधर लगाया एक बोल्ट इधर लगा दिया कोई दिक्कत इन तीनों को बांधने के लिए यहाँ पे एक रिवेट और इन तीनों को बांधने के लिए यहाँ पे एक रिवेट ये मेरी एक प्लेट हो गई ये मेरी दूसरी प्लेट हो गई तो यहाँ बोला मैं सिंगल बोल्ट ठीक है हर एक प्लेट है सिंगल बोल्ट लेकिन हो सकता है क्या कि देखो यहाँ पे मेरी जो एक प्लेट है यहाँ पे मेरी जो एक प्लेट इधर तो देखो यहाँ पे एक ही प्लेट के अंदर दो प्लोर्ट लग गए यहां भी इसी प्लेट में यहाँ पे दो बोर्ड लग गया तो क्या बोलेंगे डबल कवर डब, डबल 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 ठीक है वोटेड या डबल रिवेटेड सिंगल कवर क्या होता है देखो यहाँ पे देखो ऊपर भी कवर नीचे भी कवर यहाँ क्या रखा है ऊपर सिर्फ सिंगल कवर रखा है यहाँ पे ऊपर क्या रखा है सिर्फ सिंगल कवर ऊपर सिर्फ सिंगल कवर अच्छा सर यहाँ पे देखिए इस प्लेट के अंदर एक ही रिवेट है दोनों तरफ तो इसको हम बोलते हैं सिंगल वोल्टेड सिंगल कवर सिंगल वोल्टेड यहाँ क्या बोलते हैं देखिए ऊपर एक ही कवर है लेकिन यहाँ पे दो दो बोर्ड लगे हैं इधर भी दो बोल्ट एक प्लेट में इधर भी दो बोल्ट दूसरी प्लेट में तो सिंगल करो लेकिन डबल वोल्टेड ठीक है अच्छा यहाँ पे तो डबल वोल्टेड क्यों क्योंकि लैब में दो बोल्ट दिए बोल्ट आई एक बोल बात सुनो जल्दी से बहुत ध्यान से टी की बात हो रही थी हमने सर आज बियरिंग का फॉर्मुला पढ़ा था हमने सर आज बियरिंग का फॉर्मला पढ़ा था सर क्या पता नहीं इतनी डिटेल तुमको पढ़ाना चाहिए कि नहीं लेकिन कोई बात नहीं जान लो क्वेश्चन बन सकता है यहां देखो देखो यहां पे हमने टी की बात की थी सब लोग देख सकते हैं टी टी क्या लिखा था मिनिमम थिकनेस ऑफ सम ऑफ टू कवर प्लेट्स बहुत ध्यान सुन लो अगर कवर प्लेट्स लगी हुई है तो टी क्या होता है सम ऑफ टू कवर प्लेट्स या तो मेन प्लेट की थिकनेस जो भी कम हो जो भी कम हो की बात रही है ठीक है सर समझ नहीं आया नहीं समझ पाया सर पहले तुम देख लो लिखा क्या है सम ऑफ टू कवर प्लेट्स एक कवर प्लेट दूसरी कवर प्लेट्स दोनों की थिकनेस को प्लस कर डालो दोनों की थिकनेस को प्लस कर डालो और जो मेन प्लेट है

तो मुझे पता सर यहाँ पे टी क्या होगा टी सर क्या होगा देखिए दो चीज जो कवर प्लेट का है उसका सम करिए कवर प्लेट की थिकनेस और सेम हो गया और जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है सर सिक्सटीन है अब इनमें कम क्या है मेरे भाई कम क्या है फोर्टीन ठीक है जल्दी बच्चे सिक्सटीन रख देंगे लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको जो कवर प्लेट्स होती है उन दोनों का सम करके हम वहां पर टी रखेंगे ठीक है ऐसा क्यों करते हैं बताने मूड बिल्कुल नहीं है टाइम बिल्कुल है नहीं बढ़ते हुए चलो बेटा जल्दी जल्दी ठीक है चलिए ओके okay, सर हमको इतने सारे टाइप समझ में आ आगे ये सब टाइप समझ में आ आगे ठीक है अच्छा तुम जल्दी से मुझे बताओ जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जल्दी बताओ देखो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं लैब दिया हाँ। ये बताओ लैब ज्वाइंट में यहाँ पे कितना शीयर है कितना शेयर जल्दी बताओ बेटा सिंगल के डबल कितना शेयर जल्दी बताओ सिंगल के डबल अच्छा डबल के और बड़ ज्वाइंट में सर यहाँ पे देखिए कितना बार शीयर हो रहा है सिंगल के डबल जल्दी बताओ यार सिंगल डबल सर यहाँ पे देखिए सिंगल है यहाँ पे देखिए एक बार रिवेट कट रहा है यहाँ पे देखिए रिवेट एक बार कट कट हो रहा है यहां देखिए सर दो बार कट हो रहा है ये डबल शेयर है डबल शेयर यहां भी देखिए सर सर डबल है ना यहां सिंगल यहां भी सर कैसा शीयर सिंगल शियर ठीक है तो यहां पे सिंगल 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 डबल डबल देखो डबल कवर में सिर्फ क्या होता है हमारा डबल कवर में क्या होता है सर हमारा सिर्फ डबल शेयर होता है बाकी सिंगल कवर में और लैप में चाहे लैप हो चाहे हमारा सिंगल कवर हो दोनों में सिंगल शियर है दोनों में सिंगल शेयर ठीक है

और सिंगल कवर इन दोनों में भाई होती है इन दोनों में होती है। लेकिन डबल नहीं होती है पी समझ, समझ अब तुमको पता P उधर लग रहा है, P उधर लग रहा है दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं ई बोल रहे हैं ठीक है, है ओके सर यहां देखो पी फोर्स पी फोर्स देखो दोनों पी फोर्स एक ही लाइन में बीच में तो दोनों लाइन में उनके बीच में कुछ शिफ्टिंग नहीं है ऐसा नहीं है एक पी लगर, एक पी पी लग लग उनके बीच में कुछ गैप नहीं है दोनों लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है नहीं इसलिए पे इस नहीं होती है याद रखना इससे क्वेश्चन बन सकता है सीधे 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 यही पूछ लेगा चार ऑप्शन देगा तुम बता देना डबल और ज्वाइंट में कहीं भी कुछ नहीं होता है ठीक है उसके बाद तुमसे देखो पूछे जाएंगे रिवेट्स और बोल्ट में कि मिनिमम पिच कितनी होती है याद रखना कम से कम पिच हमको कितनी नहीं होती ढाई डायमीटर सीधे सीधे क्वेश्चन गेट में आए सीधे सीधे मेरे भाई ठीक है और एक बात और सुनो ये जो डी है ये डी है बताना क्या है ये बताओ मेरा नॉर्मल डायमीटर है कि ग्रॉस डायमीटर जल्दी कमेंट कर दो एक बार सर ये जो डी है मेरा नॉमनल है कि ग्रॉस है कमेंट करो कमेंट 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 वेरी गुड जल्दी बताओ भाई पानी पी लिया जाए तब तक सर ये कौन सा हमारा क्वेश्चन देखते हैं सर आगे <coughs> सर ये कौन सा हमारा नॉमिनल ये कौन सा हमारा नॉमिनल ठीक है, है? जैसे मान लो यहां देखो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से मेरा सुनना सर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दीजिए जल्दी से हमको सर जैसे मान लीजिए मेरी दो प्लेट्स हैं है ना ये मेरी दो प्लेट्स हैं यहां मैंने अपना क्या क्या लगाया रिबेट लगाया ठीक है रिबेट लगाया ओके लगा कोई दिक्कत नहीं सर इसका जो डायमीटर था रिबेट का देखिए दो चीज़ें दी गई हैं आप रिबेट बोल्ट मान लीजिए बोल्ट ठीक है बोल्ट का जो डायमीटर हमको दिया गया सर सिक्सटीन दिया गया है और जो होल का डायमीटर दिया गया है ग्रॉस ग्रॉस डायमीटर ये nominal, ये gross. कितना दिया गया सर बोल्ट है तो ऐसा ही होगा है ना और सर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है इन दोनों जॉइंट को मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ टेंशन फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे मैं टेंशन फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रही बात ठीक है टेंशन फोर्स लग रहा है जल्दी बताओ मैं यहाँ पे मिनिमम पिच कितनी दूंगा मैक्सिमम पिच कितनी दूंगा कमेंट करो क्वेश्चन बन गया गेट का एक क्वेश्चन बन गया सर गेट का यहाँ पे मैं मिनिमम और मैक्सिमम पिच निकालूंगा तो देखिए सर आपने मुझे सिखा दिया है आज भी यहां पे लिखा हुआ है सर मिनिमम पिच मेरी क्या होगी यहाँ पे सर मिनिमम पिच मेरी यहाँ पे कितनी होगी 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट डी होगा ठीक है कौन सा डी नॉमनल डी यहाँ पे लिखा 16 तो कम से कम मुझे दो कम से कम देखिए आप सर होगा क्या थोड़ा ऊपर से दिखाइए आप सर देखिए ऊपर से अगर हम देखेंगे तो एक बोल्ड लगा एक बोल्डी लगा एक बोल डी लगा, लगा, लगा इस तरह से लगा हुआ मान लो ठीक है तो ये जो पिच है फोर इधर लग रहा है ऐसे है ना दिख रहा है फोर इधर ऐसे लग रहा है हाँ सर बिल्कुल ठीक है

इन दोनों में कम क्या है इन दोनों में कम किया दो सो तो मैक्सिमम पिच कितनी हो जाएगी यहाँ पे दो सो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम डिजाइन करोगे ज्वाइंट को तुमको यहां देनी होगी तो ये डिस्टेंस तुम कम से कम चालीस दोगे और ज्यादा से ज्यादा दो सौ दोगे बताओ. Yes no? बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही सही जवाब है ना वेरी गुड ठीक है सिक्सटीन सिक्सटीन टू फिफ्टी सिक्स बेटा वन नाइनटी टू कहां से आ गया वन नाइन्टी टू नहीं है ठीक है बाकी भूल जाओ अच्छा कंप्रेशन की अगर बात करें अगर मान लो यही लोड यहाँ पे मैं क्या लगा रहा होता सर मान लीजिए आपने यहीं पर ये यह लोड कंप्रेसिव कर दी होती यही लोड हमारे अंदर की तरफ लग रहे होते अगर यही लोड अंदर लग रहे होते तो तुरंत हम यहाँ पे सिक्स टी और दो ना करके ट्वेल्व टी और दो करते हैं ठीक है एक बात और याद रख लो कंप्रेशन में पिच कम दी जाती है पूछो क्यों कंप्रेशन में ये दोनों और पास पास दिए जाते हैं क्यों क्योंकि जो बीच की जगह है उसमें बकलिंग हो जाती है वो जब कंप्रेशन लगता है तो ऐसे मुड़ जाती है मुड़ जाती है कंप्रेशन जब फोर्स लगता है ठीक है बकलिंग होने के चांसेस होती है इसलिए हम लोग क्या करते हैं पिच को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ठीक है इतना याद रखो इंपॉर्टेंट है भाई आगे बात करते हैं फिर से हम अपना किसमें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की तो सर देखिए फिर से वही चीज हो जाएगी हमारी पीछे भी आपने बात करी है रिवेट के अंदर भी सर आपने बात करी थी तीन ही चीजें मुझे कैलकुलेट कराई थी एक तो क्या था सर शेयरिंग था एक तो शेयरिंग था याद ही होगा यार अरे याद आ रहा है कि नहीं मेरे भाई हमने सर रिवेट की दो चीजें निकाली थी सर क्या एक शेयरिंग दूसरा बेयरिंग और फिर हमने प्लेट की स्ट्रेंथ निकाली थी प्लेट की टेंसाइल के बच्चे निकाली थी याद आ रहा है कि नहीं जल्दी बताओ ठीक है सेम

बेयरिंग ठीक है चलो तीनों समझ लो फटाफट यार बेटा इसमें आधा घंटा ना निकल जाए कहीं चलो सुनो सिर्फ सुनेंगे, बाकी कुछ नहीं सुन लेना है सिर्फला सुनना है सर हम लोग को बाकी कुछ नहीं अच्छा विजिबल हो रहा है कि नहीं जल्दी बताओ तो पहले विजिबल हो रहा है विजिबल हो रहा है सर हाँ विजिबल हो रहा है विजिबल हो रहा है सर नो no प्रॉब्लम जल्दी सुनो भाई जल्दी सुनो फटाफट आते हैं सर देखिए सर देखिए यहां पे लिखा है क्या लिखा है नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ

क्या है अपना नेट टेंसाइल एरिया और दूसरा शेंक एरिया देखो, सीधी बोल्ट है यार, यार इतना पढ़ाना चाहिए नहीं यहां नहीं में कुछ एरिया हमारा कुछ एरिया मेरा क्या सर देखिए जहां पे थ्रेड हो रही है जहां पे थ्रेडिंग हो रही है ठीक है वहां पे हम कौन सा एरिया लेंगे नेट लेंगे और जहां पे थ्रेडिंग नहीं हो रही है जहां थ्रेडिंग हो रही है वहां पे हम शेंग एरिया लेंगे क्योंकि इसको हम शेंख बोलते हैं क्योंकि इसको हम शैंक बोलते हैं बात समझ में आ रही है हाँ सर तो हमने क्या करा एक जगह हमने शैंक का एरिया लिया और एक जगह हमने नेट एरिया लिया ठीक है अब मालो अब मान लो जितने ये तो तुम्हारा प्लेन शेयर शेयर अगर रहा तो सिंगल सिंगल है तो है भाई तो तो यहाँ पे के लिए वन हो जाएगी और अगर डबल शेयर होगा तो क्या होगा यहाँ पे के लिए टू हो जाएगी ठीक है अब बहुत ध्यान सुनना जरा बहुत ध्यान सुनो यहाँ पे मान लो मान लो ये मेरा जैसे मान लो ये प्लेट है ये प्लेट है और तुम्हारा जो बोल्ट लगा यहाँ तुमने बोल्ट लगाया एक बढ़िया बोल्ट लगाया ठीक है बोर्ड लगा दिया ओके सर बोर्ड लग गया बढ़िया अब देखो बोर्ड की थ्रेडिंग अभी शुरू नहीं हुई बोर्ड के थ्रेड मान लो यहां पे है मान लो बोर्ड के थ्रेड यहां पे है तो तुम देखो एक्चुअली जहां शेयर हो रहा है एक्चुअली जहां शेयर वो तो ये जगह है ना वो तो ये यह जगह यहां शेयर होगा यहां शेयर वाली जगह पे शेयर वाली जगह पे थ्रेड जा ही नहीं रहे तो हम लोग बताओ नेट एरिया लेंगे कि शैंक एरिया लेंगे सर जहां पे शेयर हो रहा है जहां पे सिंगल शेयर हो रहा है वहां पे तो थ्रेड है ही नहीं सर वहां पे थ्रेड है ही नहीं तो वहां पे तो पूरा पूरा शैंक है तो वहां मैं पर एरिया ले लूंगा तो मैं क्या करूंगा ये जो एरिया इसको ले लेंगे एन क्या क्योंकि एक जगह कट हो रहा है तो यहां पे एन के लिए लोग रख देंगे नेट एरिया लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो थ्रेड है वो नीचे चले गए हैं वो कटिंग जोन पे नहीं है वहां पर वहां पर नहीं है तो अपना एरिया निकल के आ जाएगा ठीक है और बाकी ये तीन तरह के अपने फैक्टर बेटा इसको भूल जाओ लंबा हो जाएगा ये नहीं समझा पाएंगे ठीक है छोड़ दो इसको बस अपना ये फॉर्मला देख लो ठीक है ये बेसिक फॉर्मला देखो बात समझ आ गई एक क्वेश्चन पे देख लेते हैं अगर हमको शीर्ष से निकालनी होगी तो मान लो मेरे बोल्ड का मान लो तुमको बोल्ड का एरिया दिया होगा ठीक है मान लो तुमको बोल्ड का एरिया दिया होगा अच्छा एक बात और समझ लो ये जो नेट एरिया होता है ना बोल्ड का ये जो बोल्ड का नेट एरिया होता है पीछे मैंने तुमको बताया था ये होता है पॉइंट सेवन एट शेंक भूल गए हो तुम अब एक तो कमाल का चीज है ना जल्दी चला तो याद भी नहीं होता है देखो आ जाओ बेटा जल्दी ये देखो तुमको बताया था जहाँ पे थ्रेड नहीं है वो हमारा शैंक एरिया और जहां पे थ्रेड है थ्रेड यार तुम सबको पता है कि नहीं यार देखो थ्रेड से क्या होता है ना यार थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है यार

एरिया निकालेंगे कौन से लोगे भैया ग्रॉस कौन सा, कौन सा लेंगे? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें ओके सर चलिए आगे जल्दी से तो सर यहाँ क्वेश्चन करेंगे हम ये छोड़ें लगाई में जल्दी दिया जाता है बोल्ट की अल्टीमेटेशन चार सौ दस रहती है ठीक है चार सौ दस न्यूट्रन एम आसपास रहती है

हमारी पैकिंग प्लेट्स आ रही हैं तो इस को थोड़ा कम कर देंगे और अगर यहाँ पे ग्रिप लेंथ दिक्कत दे रही है ग्रिप लेंथ ज्यादा नहीं हो रही है तो भी हम कर देंगे ठीक है ग्रिप लेंथ क्या होती है मत जानो सर टेंसल एक्शन क्या होती है सर बोल्ट की टेंसल एक्शन क्या होती है देखिए सर मान लीजिए आपने यहाँ पे मान लो देखो अभी मैं तुमको तो समझा चुका हूँ आज आज तुमको मैंने समझाया था यहाँ पे कि सर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक प्लेट लगाया बोर्ड लगाया बोर्ड लगाया अब सर हुआ क्या यहाँ पे आप यहाँ पे आगे कुछ बना के यहाँ पे बोर्ड लगा रहे हैं होगा क्या जब तुम यहाँ लोड लगाओगे तो यहाँ पर yes no टेंशन लगेगा यस और नो बताओ टेंशन लगेगा ठीक है और एक लगेगा इसमें डायरेक्ट शेयर फोर्स जब हम तो लगेगा नीचे और क्योंकि बेंड करेगा तो यहां पर टेंशन लगेगा yes no? तो यह यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, निकालेंगे? यहाँ फॉर्मुला लिखा हुआ है ठीक है फॉर्मोला सिंपल नेट एरिया ठीक है इंटू नेट एरिया ऑफ बोल्ट समझ में आ गई बात वो वैल्यू इससे कम होनी चाहिए लेकिन ये तुमको जल्दी निकालनी नहीं पड़ती है ये तुमको जल्दी निकालनी नहीं पड़ती है तुम्हारा क्या होता है नॉमिनल टेंसलेशन होता है ठीक है अच्छा तुमको मैंने आज एक चीज सिखाई दी यार आज एक क्या चीज़ सिखाई सर आपने कि जो भी आपने टेंसिलेशन बताई है टेंसल स्ट्रेंथ हो गई या शेयर स्ट्रेंथ हो गई इन सबको हम अल्टीमेटली डिवाइड किससे करेंगे इन सबको अल्टीमेटली हम किससे डिवाइड करेंगे गामा से गामा से ठीक है भूलना नहीं भाई भूलना नहीं ठीक है अब एक बात कहो तुमने यहाँ पे बोल्ड का अल्टीमेट लिया कि नहीं हाँ सर आपने बात तो सही करी यहां मैंने बोल्ट का अल्टीमेट लिया है ठीक है तो देखिए ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ की बात करें डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बोले तो हम क्या करेंगे जो भी मैंने नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाला उसको मैं 1.25 से डिवाइड कर दूंगा जो कि मेरा गामा एम है मेटीरियल की मेटीरियल की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ठीक है देखो तो अभी मैंने यहाँ पे गामा एम वन यान पॉइंट टू फाइव डिवाइड कर दिया अब ये गामा एम क्या है एक बार जल्दी से याद कर लो पीछे देख लो तुमको बताया गया था आज बहुत अच्छी तरीके से ये देखो कहां ये आ गया सर मेरा गामा दिख रहा है

डी टी है बाकी तुमने आगे क्या लगाया एफ यू अब देखो फिर से देखो एफ यू आया तो नीचे क्या लगाओगे पहले ही आया, तो नीचे क्या है? चल है, है? भी चार चलो चलो ठीक है बढ़िया चल रहा है सब कुछ एकदम सर टू पॉइंट फाइव के बी इंटू डी टी इंटू एफ यू यहाँ पे लिखेंगे रख देंगे. KB देखो, इन चारों में से कम होता है इन चारों वायू से सबसे कम चार ये देखो वैसे देखो केवी जनली तुमको मैं वन मान लेना सिंपल से वन मान लेना पॉइंट फाइव रख देना बस ई क्या है भैया देखो लिखा हुआ है ई हमारा क्या सर एंड डिस्टेंस है ई हमारा एंड डिस्टेंस है डी नॉट सर हमारा क्या है यहाँ पे होल डायमीटर बेटा सुनो ये सब याद नहीं हो पाता है प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा ठीक है हमको खुद भी याद है सब चीजें लेकिन हाँ जनली देखो हमको जब केवी मिलता है तो हम क्वेश्चन में कितना मान लेते हैं लगभग वन या पॉइंट फाइव की वैल्यू ले लेते हैं ठीक है लेकिन हाँ ये एंड डिस्टेंस से मतलब रखता है ये हमारा पिच से मतलब रखता है ये एफ यू भी अपॉन एफ यू है और ये मेरा वन है ठीक है

अपनी बेयरिंग लगी ठीक उन तीनों में जो से कम होगी वो हम निकाल लेंगे स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी बोल्ट की प्लेट की अगर हम बात करें देखिए प्लेट में क्या है सर अगर आप कोने में कम जगह छोड़ देंगे सर ये मेरी प्लेट है मान लीजिए ये प्लेट है कोने में सर अगर आपने कम जगह छोड़ दी मान लो यहां बहुत कम जगह है तुमने एकदम तुमने दिमाग खराब हो गया तुमने यहां पर बोल्ट दे दिया तो बताओ जल्दी से टूट जाएगी नहीं ये प्लेट तुरंत टूट जाएगी टीयर हो जाएगी है ना टीयर हो जाएगी ठीक है टीयर हो जाएगी और शेयर कर जाएगी तो सफिशियंट एज अगर डिस्टेंस नहीं दोगे एज डिस्टेंस ज्यादा नहीं दोगे तो भैया यहां पे जल्दी से टूट जाएगा इसलिए बोला जाता है कि प्रॉपर एंड डिस्टेंस दो और कम से कम वन पॉइंट दिया जाता है एज डिस्टेंस ठीक है मशीन कट के केस में चलो वो समी जानना अभी और टीयरिंग सर क्या होता है रपच्चर हो जाता है प्लेट का देखो होता क्या जब तुम फोर्स लगा रहे हो तुमने फोर्स लगाया बोर्ड तो ना मजबूत निकल गए बोर्ड बहुत मजबूत निकल गए लेकिन जो प्लेट थी जो प्लेट जिसको खींच रहे वो कमजोर पड़ गई तो होता क्या है जहां पे मैं प्लेट में छेद करता हूं जहां मैं प्लेट में छेद करके बोर्ड लगाता हूं उसी पे, उसी जगह जगह पे पे क्या होता है प्लेट हमारी टीयर कर जाती है टीयर रप्चर हो जाती है ठीक है ओके और फिर हमारा एक होता है ब्लॉक शेयर फेलियर बोर्ड में होता है ठीक है चलो ब्लॉक शेयर फेलियर मत जानो यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार टेंशन में आएगा अभी चलो टेंशन बताते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले इससे बहुत ही लंबा हो गया सर मामला यहाँ पे अब थोड़ा बेल्ट की बात करते हैं इससे देखो अभी चलो बोर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बोर्ड क्वेश्चन लेते हैं गेट में किस तरह के आए हुए हैं फिर जल्दी से बेल्ट उड़ाते हैं ठीक है सर देखिए बेल्ट हमारे बहुत टाइप के होते हैं एक होते हमारा फ्लैट एक होता है वर्टिकल एक होता है ओवर हेड ठीक है फ्लैट सीधी बात है यार तुम देखो वेल्डिंग जानते हो कि नहीं बताओ फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने वेल्डिंग कर रखी है कि नहीं कर रखी है सर वेल्ड में क्या करते हैं लिए और यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग करना शुरू कर दी फ्लैट हो गई अगर तुम अगर मेंबर में वर्टिकल ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकल वेल्डिंग ऐसे करोगे वेल्डिंग तो हॉर्नेटल वेल्डिंग ओवरहेड मतलब तुम यहाँ नीचे खड़े हो और ऊपर देख के वेल्डिंग कर रहे हो ऊपर देख के वेल्डिंग कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओवरहेड वेल्डिंग बोलेंगे फिर टाइप ऑफ वेल्ड कितने है? इनको तो 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 दागराम्स देखो डायग्राम देखो डायग्राम देखो तुमको सब समझ में आएगा क्वेश्चन करने हैं देखो ये मेरा फिलेट वेल्ड है सर देखिए मैंने ज्वाइंट कौन सा है भैया ज्वाइंट कौन सा है लैब ज्वाइंट जोड़ेंगे कैसे सर यहाँ पे देखिए फिलेट यहाँ फिलेट इसको हमने ऐसे लेंथ में लगा दिया है ना ये प्लेट है अपनी और यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा अपना प्लेट वेल्ट लगा हुआ है पे ठीक है इस तरीके से लगाते हैं इसको और ऐसे नीचे लगाया जाता है भाई बेल्ट जितना मजबूती से तुम यहाँ पे लगाओगे आराम से यहाँ पे जुड़ जाएंगी दोनों प्लेटें ठीक है प्लेट वेल्ड हो जाएगा अच्छा एक बात और सुन लो यार वेल्डिंग में सर कमाल की चीज क्या है वेल्ड जो हमारा होता है उसकी फैटिक रेजिस्टेंस कम होती है एज टू बोल्ट ठीक है और जहां भी कहीं वाइब्रेशन वगैरह है जहां भी कहीं साइकिल है वाइब्रेशन वगैरह वहां हम बोल्ट नहीं यूज करते हैं क्यों क्योंकि अगर वाइब्रेशन या साइकिल लोडिंग होगी तो बोल्ट अपना खुल जाते हैं ठीक और वेल्ड हमारा फेटिक Fatigue क्या नाम है फेटिक कर जाते हैं जल्दी वेल्ट जल्दी फेटिक कर जाता मतलब तुमने पहले इधर मोड़ा फिर तुमने इधर मोड़ा फिर तुमने इधर मोड़ा फिर तुमने इधर मोड़ा जब तुम इस तरीके से पे लोड लगता है है साइकिल लोडिंग लगती तो क्या होता है हम लोग वेल्ट को यूज नहीं करते हैं ठीक है बेल्ट को यूज नहीं करते हैं फैटिक हो जाते जल्दी सबको पता रहना चाहिए कि बेल्ट की फैटिक स्ट्रेंथ कम होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा ये मेरा फ्लेट वेल्ट हो गया ठीक है सर फिल कर दिया मैंने यहाँ पे प्लग में क्या है सर प्लग में क्या होता है देखिए हमने यहाँ पे देखिए फ्लेट वेल्ट लगाया बगल में इस प्लेट को मैंने गसेट प्लेट लाके जोड़ा गसेट प्लेट लाके जोड़ा और इसमें बगल में पे वेल्ड लगाया बगल में पे वेल्ड लगाया ठीक है बीच में मैंने यहां पे होल करके उसके अंदर पूरा वेल्ड भर दिया वेल्ड मटेरियल भर दिया इसको हमने बोला प्लग वेल्डिंग ठीक है देखिए ग्रुप वेल्डिंग क्या होती है ग्रुप वेल्डिंग क्या है दो मेंबर को लेके आए दो मेंबर को लेके आए और यहाँ पूरा पूरा मसाला भर दिया भाई पूरा पूरा वेल्ड पे भर डाला ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं वेल्ड ग्रुप देखो तुम्हारा स्लॉट वेल्ड क्या होता है तुमने यहाँ पे एक होल करा तुमने यहाँ पे होल किया और उसकी लाइन में यहाँ पे

इसको छोड़ो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं सर वेल्डिंग की स्ट्रेन हमको निकालना सिखाइए क्वेश्चन कर क्योंकि वेल्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आए बहुत ध्यान सुनना बेटा जल्दी सर स्ट्रेंट अच्छा ये पहले बट वेल्ट आ गया बेटा पहले क्या बेटा बट वेल्ट पढ़ेंगे फिर हम करेंगे देखो एग्जाम में हमारा अच्छा बट तुम समझ पाया नहीं भाई देखो बट में क्या है मेरे भाई देखो टाइप ऑफ ज्वाइंट अगर तुम देखो यहाँ पे देखो अपने बेट वेल्ड है कॉर्नर वेल्ड है टी वेल्ड वेड और लैप है ना टी वेल्ड क्या होता है सर ये मेरी प्लेट एक है और यहाँ मेरी एक प्लेट है ना इन दोनों को मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या करूंगा प्लेट वेट लगा दूंगा ये हो गया टी ये हो गया बेटा टी लैब में सर क्या है देखो लैप तुमने नया देख लिया लैप जोड़ना प्लेट लगाओ इधर प्लेट लगाओ लगा। सर बात तो समझ में आ गई ये मेरे कनेक्शन टाइप है तो मैं क्या कर रहा हूँ सर दो प्लेट को ऐसे जोड़ रहा हूँ कभी ऐसे जोड़ रहा हूं कभी ऐसे कभी ऐसे बात समझ में आ गई बट मैं क्या है सर दो प्लेट को मैं ऐसे ला के जोड़ दूंगा एक इधर से लाए इधर से लाए इनको जोड़ना है ठीक है तो क्या करेंगे ऊपर से यू नीचे से यू जुड़ गई है ना अपना बट हो गया लैप हो गया टी कॉर्नर हा कॉर्नर में क्या करना है यार कॉर्नर देखो ऐसा होगा कि जगह लाओ भैया जगह हां सर यहां देखिए ये एक प्लेट आई इधर से एक प्लेट आई कॉर्नर में तुमने यहां पे क्या कर दी वेल्डिंग कर दी अंदर तक पूरा और दोनों प्लेट आके क्या हो गई जुड़ गए इस तरह से बॉक्स बना रहे हो बॉक्स बना रहे हो तो यहां पे कॉर्नर वेल्डिंग कर दोगे ठीक है चलिए तो ये सारी वेल्डिंग अब हम क्या करेंगे सर जब वेल्डिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ निकालेंगे जब सर हम वेल्डिंग करेंगे तो निकालेंगे स्ट्रेंथ ठीक है देखो इस टाइम देखो अभी बिल्कुल दिमाग लगाना अगर देखो पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं हुआ है देखो सर अगर मान लो मेरा यहाँ पे दो प्लेट्स हैं अगर मान लो यहाँ पे मेरी दो प्लेट्स हैं सर और हम यहाँ पे वेल्ड लगा रहे हैं ठीक है वेल्ड लगा रहे हैं और ये वेल्ड हमारा पूरा अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर रहा नीचे तक तो हम लोग क्या करने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे डेप्थ कितनी लेंगे फाइव बाई एट टाइम्स द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट देखो यहाँ पे दो प्लेट है मान लो बहुत ध्यान सुनो जल्दी से सर ये मान लीजिए मेरी एक प्लेट है ये मान लीजिए मेरी पतली वाली प्लेट है इसकी इसकी थिकनेस मान लीजिए टेन है इसकी थिकनेस मान लीजिए एट है

लेते हैं किसमें बेल्ट में है ना कहा चला गया यार नीचे जो अपना गामा डिवाइड करते हैं हमेशा वही रहेगा रहे कोई दिक्कत नहीं है सर वो आते चलिए एकदम आज भैया बहुत लंबा हो गया है मामला चलिए सर कोशिश करते रहते हैं हम लोग एग्जाम्पल और अगर हमारा कंप्लीट प्रेन्टेशन हो गया तो हम कौन सा थिकनेस ले लेंगे कंप्लीट प्रेंटेशन हो गया तो हम थिकनेस कौन सी लेंगे

अब देख पा रहे हो भाई सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सर यहाँ पे क्या है सर ये फिलेट रोड बना हुआ मेरा यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया मेरा ये सर ये सर जा रहा है अपना फिलेट वेल्ट ठीक है ये फिलेट रोल जा रहा है थोड़ा ट्राइंगल को ज़रा जूम करते हैं देखो ये मेरा भाई ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अच्छा मान लो देखो यहाँ तो चलो यार बहुत साफ साफ ट्राइंगल बनाए लेकिन मान लो अगर कभी कभी ट्राइंगल बहुत साफ ना बने कभी कभी क्या होता है यार कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके से सीजन रहती हैं अपनी कभी कभी क्या होता है कि यार जो वेल्ड होता है वो कभी कभी इधर अंदर चला जाता है कभी इधर अंदर चला जाता है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर का जो इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी साइड को लेते हैं उसकी साइड को लेते हैं ठीक है और इसकी साइड को क्या बोलते हैं एस बोलते हैं एस का मतलब होता है साइज ऑफ वेल्ड एस का मतलब पे क्या होता है साइज ऑफ वेल्ड बात समझना ठीक है कोई दिक्कत नहीं और जितना एक्स्ट्रा इसको इग्नोर मारो और इस ट्राइंगल के साइज को लेना शुरू करो ठीक है चलो तो ये हमारा क्या वेल्ड का फेस है बाकी अब थ्रोट क्या है सर थ्रोट क्या होता है देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो डिस्टेंस सबसे छोटी वाली

जो ट्राइंगल बनेगा इसके अंदर जो इंस्क्राइब ट्राइंगल बनेगा वो ठीक है उसकी जो यहाँ पे साइज हो वो हमारी जो क्या नाम है नीचे का बेस है वो हमारा साइज हो जाएगा वो साइज सर थ्री बाय फोर टी से कम रहना चाहिए अगर राउंड राउंड हो रहा है तो राउंड राउंड लेकिन सर अगर स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर हो तो ये जो जो साइज साइज हमारा होगा होगा बहुत ध्यान से क्या होगा ये जो साइज रखना चाहिए ये जो साइज रखना कितना रखना चाहिए सर ये जो हमारा साइज है ये जो साइज है ठीक है लिखा है ये जो साइज है जनरली एटलीस्ट वन पॉइंट फाइव एम एम लेस ठीक है

बीस से बत्तीस कितना छह बत्तीस से पचास सौ कितना है आठ ठीक है ओके सर बात समझ में आ गई साइज मतलब क्या होता है इट इज द मिनिमम मिनिमम वेल्ड लेग साइज ठीक है इन द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द वेल्ड तुमको मैंने बता दिया है ठीक है यहाँ देखते चलो पीछे ध्यान से गया सर ये देखिए सर आपने बिल्कुल सही बताया था कि यहाँ पे हमारा जो लार्जेस्ट इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल उसी का हम जो लेग होता है उसकी साइज को बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड ठीक है क्लियर है कहानी उसी को हम बोलते हैं क्या साइज ऑफ बेल्ट और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है हमारा थ्रोट होता है ये जो हमारा ये क्या है सर थ्रोट है आप जल्दी से बात करते हैं कि थ्रोट की जो थिकनेस है वो निकलती कैसे है उसी से सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व होंगे किसके वेल्ड के तो थ्रोट की थिकनेस सुनर पढ़ रखी होगी डिपेंड करता है एंगल के ऊपर आप तुम यहां देख सकते हो जो तुम्हारा दोनों साइड्स हैं एक लेग दूसरा लेग तुमको यहाँ पे दो लेग दिखाई दे रहे हैं एक लेग मेरा सर यहाँ पे है एक लेग यहाँ पे है दोनों बीच का एंगल कितना जरा कमेंट करना सर दोनों के बीच का एंगल मैं यहां देख पा रहा हूं वो कितना है नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो इस नाइन्टी डिग्री से फर्क पड़ता है कि हम लोग यहाँ पे थ्रोट का साइज क्या लेंगे तुम सीधी बात समझो अगर तुम यहां पे थ्रोट का साइज चेंज करोगे थ्रोट का साइज यहां पे चेंज करोगे तो क्या होगा कैसे चेंज होगा देखो एंगल देखो यहां पे अब देखो दो के बीच का एंगल यहां पे कितना है सर दो के बीच का एंगल यहाँ पे कितना नाइन्टी तो ऑब्वियसली बात है जो मेरी थ्रोट थिकनेस होगी वो अलग होगी अगर मान लो तुमने एंगल इनके बीच का बढ़ा दिया अब की मान लो हंड्रेड कर दिया तो देखो मेरे भाई थ्रोट की थिकनेस क्या होगी जरा बताना

मान लीजिए यहां पे हमारा जो साइज ऑफ वर्ल्ड है वो कितना दिया गया है कितना दिया गया मान लो टेन एम mm. कितना दिया गया भाई टेन एम mm दिया गया है ओके okay. अब इस टेन को हम किससे इंटू करने के से इंटू करने वाले किससे इंटू के किस से इंटू करने है? अब जरा बात सुनो बहुत ध्यान से सर के क्या होने वाला है के क्या होने वाला है सर अगर मेरा एंगल सिक्सटी पॉइंट सेवन अब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है के की वैल्यू क्या और ही कम हो रही है क्यों सर आप सीधे सीधे समझा चुके हैं मान लो ये ट्राइंगल बना तो ये मेरी थ्रोट है बेटा थ्रोट मतलब सबसे कम थिकनेस थ्रोट मतलब कब से कम थिकनेस ठीक है बहुत ध्यान सुनो पहले सर एंगल अगर और बढ़ेगा एंगल अगर और बढ़ा तो थ्रोट थिकनेस और कम हुई तो जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है देखो यहाँ नाइनटी ठीक है तो ये 65, और कम जैसे एंगल और बढ़ता जाएगा जैसे एंगल और बढ़ता जाएगा थ्रोट थिकनेस अपनी कम होती चली जाएगी ठीक है एक बात समझो थ्रोट थिकनेस पढ़ा क्यों ने आप सर सर थ्रोट थिकनेस क्यों पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेटा थ्रोट थिकनेस से ही हमारा स्ट्रेंथ निकल के आती है अब तुम एक बात समझो अब तुम जब ये टूटेगा मान लो तुमने दिमाग लगा दिया तुमने ताकत दिखा दी इस वेल्ड को और तुमने इस प्लेट को ऐसे मोड़ दिया तो होगा क्या अब ये वेल्ड टूट जाएगा ये वेल्ड टूट जाएगा क्यों क्योंकि ये जो दोनों प्लेट हैं यहां इस वेल्ड के थ्रू जुड़ी हैं और जब तुम इस प्लेट को ऐसे मोड़ोगे तो यहां से आ जाएगा क्रैक लेकिन वो क्रैक सबसे पहले कहां से आएगा कमेंट करना सर वो क्रैक कहां थ्रोट पे आएगा ठीक है ये पूरी लेंथ के लॉन्ग पीछे जाओ पीछे जाओ पूरी लेंथ के लॉन्ग यहाँ बीच में क्रैक आ जाएगा सर एकदम बीच से अलग होगा ठीक है तुमसे पूछे फेलियर कहां से होगा क्या बताओगे जरा कमेंट करना सर फेलियर मेरा कहां से होगा सर ऑब्वियसली थ्रोट से होगा ओके okay, कहां से होगा मेरा थ्रोट से होगा ठीक है चलिए बात समझ में आ गई अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं लेंथ का का इसका वर्ल्ड सारे क्वेश्चन किया जाए ताकि सिस्टम समझ में आए ठीक है के वैल्यू तुमको यहां पे लेनी है और हाँ फिलेटवेल्ड देखो यार मेन अपना यहाँ फिलेट वेल्ड है क्योंकि बट बटवेल्ड से क्वेश्चन आते हैं नहीं फिलेट देखते हैं हम लोग पीछे बट बटवेल्ड का फॉर्मल था। फिलेट वेल्ड देखो देखो क्या करना है तुमको सुनो तुमको क्वेश्चन में ट बेल्ट का ये तुम्हारा जो फॉर्मला एल एस एम का है भाई ये फॉर्मला सर हमारा किसका एल एस एम का डब्ल्यू एम एल एम दोनों यही बता रहे हैं ठीक है सुनो सबसे पहले क्या करो साइज ऑफ बेल्ट सुनो बहुत ध्यान से जल्दी से मुझे बता दो पहले जल्दी से मुझे पहले बताओ ये एरिया क्या होगा जहां से सर मेरा फेलियर हो रहा है अगर यहाँ यहाँ से पीछे तक देखू पीछे तक अगर मैं देखू तो जो एरिया होगा वो क्या होगा एरिया सर क्या होगा थ्रोट थिकनेस क्या होगा बेटा बहुत ध्यान से देखना यहीं से फ्रैक्चर हो रहा है

स्टील तीन घंटे में खत्म नहीं हो सकती कोशिश हमने कर ली है लेकिन चलो हम समझ गए आज ठीक है क्योंकि जल्दी जल्दी तो होता क्या ना समझ नहीं पाओगे हम लोग क्या करते हैं दो तीन चीज अच्छी समझ रहे हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको खत्म करते हैं अच्छे से ठीक है तो ये फेल्ड का फॉर्मला हो गया ठीक है चलिए सर ये वेल्ड का फॉर्मला का कोई दिक्कत नहीं है जरा फटाफट फटा क्वेश्चन सोल्व करते हैं से ठीक है अच्छा ये एलएसएम का है अच्छा मानिए डब्ल्यू एम होता तो क्या करते हैं डब्ल्यू एस एम होता सर क्या करते हैं हम लोग अच्छा वन पॉइंट टू फाइव क्यों रखा क्योंकि तुमको बता चुके हैं

ताकि एक क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम हो पाए है ना थोड़ा देखा जल्दी जल्दी कहा पहुंचे भाई प्राइंग फोर्सेस अभी नहीं जानना है रुको बेटा जल्दी जल्दी देखें क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं अपने अच्छा हाँ लगे हाँ तो जरा ये भी फॉर्मुला पहले देख लो ये फॉर्मुला देख लो इसको भी फटाफट फ़ड़ यार है ना इसको भी देख लो यार वेल्ड में यहाँ तक पहुंच ही गए हम लोग वेल्ड में सर आप ये पहुंच गए आपने ये बता दिया ठीक है बीटा से मतलब नहीं है अभी हाँ भाई ये देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस अच्छा वेल्ड में क्या है यार दो चीजें अगर लग गई मान लो वेल्ड में हमारा मान लो दो स्ट्रेस लग गए एक तुम्हारा जैसे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या सब लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रेस बोलते हैं क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रेस मान लो मेरे में दो स्ट्रेस लग गए एक तो जो अपना शेयर स्ट्रेस लग रहा है ठीक है वो हाई है और उसके अलावा मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेशन या टेंशन लग गया तो तुम इक्विवेलेंट स्ट्रेस कैसे निकालोगे अंडर रूट पहला स्ट्रेस प्लस थ्री क्यू स्क्वायर क्यू मेरा शेयर है और शियर के अलावा जो है यहाँ पे रख दो के अलावा जो भी है वहां पर रख दो ठीक है इससे तुम्हारा इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकल के आ जाएगा और हम यहाँ चाहते हैं

कैसे निकालेंगे जब हमारा वेल्ड में स्ट्रेस के अलावा और भी कोई स्ट्रेस लग रहा हो या तो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो ठीक है नॉर्मल स्ट्रेस के में कंप्रेशन या टेंशन लग रहा हो ठीक है कंप्रेशन या टेंशन लग रहा हो ओके सर क्वेश्चन बताइए तो हम चीजें समझ पाएंगे सर तो क्वेश्चन देखो एग्जाम में गेट में दो बार आया हुआ है ना गेट में सर दो बार आया हुआ जल्दी 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 कहा रहा सर है ना आओ बेटा जल्दी आओ जल्दी ठीक है सर ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सर देखिए बहुत ध्यान से सर ऐसा कीजिए प्लास्टिक एनालिसिस कल छः बजे करा दीजिएगा उससे पहले पहले सारा आराम से कराइए हमें भी यही लग रहा है बेटा चलो पहले तुम तो इसको करो यार इसको करो यार पता नहीं यही होता है बेटा जब तुम लोग शुरू में नहीं पढ़ते हो यही सब होता है समझ रहे हो ठीक है चलिए सर हमको जो है हमारे हाथ में उसको हम अम्बेस्ट करेंगे देखिए बेटा यहाँ नॉर्मल क्या दिया गया जल्दी बताओ तो? सर देखिए पैक्टर्ड नॉर्मल क्या दिया गया देखो नॉर्मल स्ट्रेस मेरे दो तरह के सर नॉर्मल स्ट्रेस मेरे दो तरह के एक तो टेंशन है दूसरा क्या है सर कंप्रेशन है ठीक है हमको चलिए नॉर्मल से मतलब है चाहे टेंशन हो चाहे हो हमको मतलब नहीं, आपने नहीं है आपने सर क्या सिखाया आज कि स्ट्रेस का फॉर्मला आपने सिखाया सर देखिए वेल्ड में जब भी मेरा फिलेट वेल्ड होगा उसमें अगर कंबाइंड स्ट्रेसिस लग रहे होंगे नॉर्मल के साथ साथ शेयर लग रहा है तो लगता ही है यार शेयर तो लगता ही है वो जो वहां पर थ्रोट कट गया है वो शेयर की वजह से ही गया है ठीक है बताइए सर इक्विल कैसे निकलेगा तो आपने क्या बोला हमको फॉर्मला क्या सिखाया आपने बोला कि भैया नॉर्मल स्ट्रेस को रख दो नॉर्मल स्ट्रेस का क्या सिंबल था एफ एफ क्या था यार जो भी था चलो प्लस थ्री टाइम्स टी एस का स्क्वायर है ना यहाँ पे नॉर्मल लिख दो नॉर्मल लिख दो जो भी लिखना ठीक है सोल्व करो जल्दी बताओ तो कितना आ रहा है सर यहाँ पे हम सोल्व करेंगे आंसर कितना आएगा देखिए सर नॉर्मल मेरा कितना दिया गया 120 का स्क्वायर वन ट्वेंटी का स्क्वायर ये गेट का क्वेश्चन बेटा दो हजार अठारह में क्वेश्चन आया ये गेट दो हजार अट्ठारह में क्वेश्चन आया सर उड़ा दिया सर हमने एक नंबर अपने आ गए ठीक है वन ट्वेंटी स्क्वायर प्लस थ्री इंटू क्यू बेटा कितना है मेरा सर क्यू कितना है फिफ्टी फिफ्टी का स्क्वायर बताओ बेटा कितना आ रहा है सर यह सॉल्व करने पर आ रहा है बताते कितना सर ये सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है बताओ बेटा कितना आ रहा है गेट में आया है और इसका तुम आंसर टू डेसिमल प्लेस से बताओ सारे बच्चे कमेंट में सर ये मेरा आ रहा है आपका आ, कितना आ रहा है या? जल्दी बता दो भाई 147 आ रहा है किसी का बताओ जल्दी 147.99 आ रहा है ये 147.99 आना चाहिए ठीक है सर एकदम समझ में आ गया इस तरह क्वेश्चन अगर हमको आज हम समझ गए गेट में इक्वलेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछा गया है ठीक है इक्वलेंट स्ट्रेस का फॉर्मुला पूछा गया हम लगा देंगे सिंपल से ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन अरे 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 कहां गया यार क्वेश्चन एक ही एक अगला क्वेश्चन देखो वेल्ड का क्वेश्चन देखेंगे सर वेल्ड का देखेंगे वेल्ड का ये देखो एंगल बेटा देखो यहाँ पे कितना दिया ये गेट का क्वेश्चन है गेट का क्वेश्चन है ये आया हुआ है सर अगर हम इसको जहां से देखें क्या आंसर हो जाएगा इसका देखो भाई यहाँ एंगल कितना दिया गया सर नाइन्टी नाइन आपने सर हमको आज क्या सिखा रखा है आपने आज हमको क्या सिखा रखा है पीछे देखेंगे जल्दी से सर वेल्ड के अंदर आपने बहुत सिस्टम सिखा रखा है हमको कहाँ गया बेटा वेल्ड वेल्ड गायब हो गया अब यहां था वेल्ड नहीं यहां वेल्ड नहीं है क्या वेल्ड यहां पे है हाँ यहीं पर वेल्ड है ये देखो दिख रहा है

अगर देखो सिक्सटी से बीच का एंगल होता तो हमारी जो इफेक्टिव होती कितनी होती इन टू एस ठीक है नाइनटी नाइन एंगल से हंड्रेड में तो कितना हो जाएगा सर पॉइंट हो जाएगा एंगल देख सकते हो ठीक है तो पहले दस डिग्री है फिर पांच छह डिग्री है फिर छह डिग्री है फिर पांच डिग्री है ठीक है इस तरह देख सकते हो सर बात समझ में आ गई है क्वेश्चन लाइए सर जल्दी उड़ाएं क्वेश्चन लाइए जल्दी से उड़ाते हो चले सर कहा पहुंच गए यार ले भैया हाँ ये क्वेश्चन था अपना सर ये क्वेश्चन था तो यहाँ पे हमने कितनी एंगल है तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा लेकिन इन जनरल देखो जनरली हमारा जो एंगल रहता है वो हमेशा नाइन डिग्री चलता है यार दोनों कितना चलता है नाइन डिग्री चलता है तो हमारा जो जनरल होता है वो पॉइंट सेवन एस रहता है ठीक है पॉइंट सेवन एस रहता है ओके okay, सर आगे बढ़िए अगले सर अगला ये बताओ बेटा रिवेट वैल्यू क्या है आज तुमको ये तो समझाया हमने है ना जल्दी बताओ रिवेट वैल्यू क्या होगी ये तुमको समझा चुके हैं जल्दी बताओ मेरे लाल रिवेट वैल्यू क्या होगी ट इज द रिवेट वैल्यूर रिवेट वैल्यूज कैसा जल्दी जिसने सही आंसर दिया बेटा निकल जाएगा गेट उसका रिवेट वैल्यू हमारा सिर्फ ये देखो तो प्लेट प्लेट कहां से आ गया यार ये बताओ यार रिवेट वैल्यू का प्लेट से क्या मतलब ये तो एकदम फालतू ऑप्शन दे रहा है यार एकदम देखते ही सर इसमें दिमाग खराब हो जा रहा है हम लोग का प्लेट कहां से आ गया प्लेट से कोई मतलब जहां प्लेट उसको हटाओ पहले रिवेट से रिवेट का मतलब से रिवेट से होगा ना प्लेट से क्या मतलब ये दोनों ऑप्शन देखो मतलब इसमें तो इन दोनों में कौन सा होगा ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा जल्दी बताओ जल्दी कमेंट नहीं दिख रहा है तुम लोग के दिखे भाई कमेंट वेरी वेरी गुड गुड ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रेटर नहीं हम देते हैं लेसर ऑफ बियरिंग एंड शेयरिंग ठीक है ये क्वेश्चन अपना गेट में है ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो आर भी अपना तुमको बता चुके हैं आज क्या है मिनिमम ऑफ शेयरिंग और बियरिंग ठीक है चलिए सर आगे बढ़िए जल्दी से अगला गेट क्वेश्चन इनमें यहाँ पे आइडियल बोर्ड दिए हैं सबसे एफिशिएंट कौन होगा एफिशिएंट कौन होगा बेटा इसको समझ लो ये तुम्हारा डायमंड सेक्शन सबसे एफिशिएंट होता है ठीक है इसमें जो अभी जानना ना नहीं है इसका बहुत लंबा कॉन्सेर्ट होता है आधे घंटे इसको समझाना पड़ता है तब तो समझ में आता है ये ठीक है इसको छोड़ दो जान लो डायमंड जहां बनता है सबसे एफिशिएंट हो जाएगा हटाओ अगला क्वेश्चन हाँ फेटिक लाइफ ऑफ वेल्डेड स्टील स्ट्रक्चर अपॉन फेटिक लाइफ ऑफ वेल्डेड रिबेटेड स्टील स्ट्रक्चर मैंने तुमको आज ही बताया था आज ही तुमको मैंने क्या समझाया है कि सर ये जो वेल्ड होता है ये वेल्ड हमारा फेटिक में बेकार होता है एज कंपेयर टू रिबेट ठीक है

इसका आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड क्या हो जाएगा सर एस फोर इंटू टाउ एस फोर इंटू टाउ हो जाएगा ठीक है चलिए ओके सर यार बेल्ट का क्वेश्चन कहां है ये आया बेल्ट का क्वेश्चन चलो भाई ये आ गया ओके okay, डी है बिल्कुल सही क्योंकि हमारा यहां पे थ्रोट है उसका उसकी थिकनेस कितनी एस फोर अब सुनो यहाँ पे देखिए सर आपने हमको सिखाया था कि अगर हमको डिजाइन एक्शन निकाले तो क्या फॉर्मूला है देखिए सर सर थिकनेस इंटू लेंथ सर थिकनेस इंटू लेंथ करेंगे सर थिकनेस मुझे दिख रही है ये कितना एस फोर अंदर गए वन मीटर सर अंदर कितना गए सर वन मीटर तो मैं क्या करूंगा यहां पे सर एस फोर एस फोर इंटू वन करूंगा एस फोर इंटू वन करूंगा इंटू इंटू परमिशिबल कितना दिया देखो अलाउबल शीर्षे कितना दिया गया है यहां पे हम डब्ल्यू एस एम लगा रहे हैं

मैं उधर पुल कर रहा हूँ ओके अब जल्दी देखो क्या बोल रहा है, अच्छा पहले तुम मुझे बताओ ये क्वेश्चन में आप देखिए मुझे, मुझे प्लेट में दिए गए है ना तो देखिए प्लेट का परमिशन स्ट्रेस कितना डेढ़ सौ और वेल्ड का परमिशबल एक सौ दस तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ यार है ना बताओ क्या करेंगे अब देखो यहां पे वेल्ड की टोटल लंबाई देखो सर सौ फिर पचास और फिर कितना सौ कुल मिला के सौ पचास सौ कितना होगा ढाई सौ सर यहां पे अगर मैं पूछूं यहां अगर मैं बोलूं कि कितनी है सर अपने वेल्ड की वेल्ड की लेंथ कितनी है सर टोटल लेंथ लेंथ ऑफ वेल्ड इज नथिंग बट पचास इधर सौ इधर इधर वेल्ड जितना लंबा चलेगा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ठीक है वेल्ड जितना लंबा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी इस पी फोर्स की वैल्यू आप उतनी ज्यादा ले सकते हैं ठीक है थीके? बहुत ध्यान सुनना सर आ... क्या करना है यहाँ पे हाँ सुनिए लेंथ ऑफ वेल्ड हमारी कितनी आ गई सर ढाई सौ में आ गई क्लियर है कहानी अच्छा देखो इस तरीके से देखो देखो साइज साइज लिखा लिखा जाता जाता है है इस तरीके से देखो, साइज जाता। बोल रहा है कि दिख रहा है कि नहीं सबको विजिबिलिटी पूरी बढ़िया चल रही है सर क्या लिखा है वेल्ड का साइज कितना, mm. mm थोड, के? के कितना लूंगा पॉइंट सेवन लूंगा पॉइंट सेवन इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि सर क्यों क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे जो एंगल है जो एंगल है उस प्लेट का और गसेट का वो उनके बीच का एंगल कितना नाइन्टी डिग्री ये नाइन्टी है तुम देख सकते हो यहाँ पे नाइनटी बन रहा होगा है ना नाइनटी बन रहा होगा तो यहाँ पे हम क्या वेल्ड साइज कितना सिक्स फोर पॉइंट टू और जो परमिशल स्ट्रेस वेल्ड का वो कितना एक सौ दस तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालू सर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालू तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेरा क्या आ जाएगा सर जी एल डब्ल्यू एल डब्ल्यू इंटू टी एल डब्ल्यू इंटू टी इन टू इन इंटू कहा गया इन टू वेल्ड का परमिशन कितना है एक सौ दस इंटू एक सौ दस न्यूटन पर एम एम है ना चलिए सर लेंथ ऑफ लेल्ड कितना आ रहा है सर बेटा फ्रोड की फोर पॉइंट टू इंटू एक सौ दस कितना आ रहा है जल्दी बता दो मुझे कितना आ रहा है मेरे भाई ये मैक्सिमम लोड जो वेल्ड ले सकता है उसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है जल्दी बता दो भाई सर फोर पॉइंट टू इंटू ढाई सौ इंटू एक सौ दस कितना आ गया वेरी गुड वेरी गुड कितना आ रहा है सर ये इसको सॉल्व करोगे आएगा 11555, 115500, मतलब और फिर थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा इतना किलो न्यूटन इतना किलो न्यूटन और नो बात सोन में आएगी नहीं आई आए? जल्दी बताओ यार बहुत लंबी क्लास हो गई आज अच्छा सर कोई बात नहीं एक बात और है सर एक दिक्कत और है सर क्या दिक्कत है देखो भाई सर ये जो वेल्ड है इसकी ताकत तो आपने निकाल दी लेकिन पूछा क्या यहाँ पे पूछा क्या यहाँ पे बोलो जल्दी से कि हाँ हमारा जो ये कनेक्शन है वहां पे पी फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम देखो होता क्या है देखो जब भी बेल्ट लगाओ तो दो चीज़ें होती हैं एक तो वेल्ड और दूसरा क्या है प्लेट मान लो मेरी प्लेट सॉफ्ट फोर्स पे टूट जा रही है मेरी जो प्लेट है वो सॉफ्ट फोर्स पे ईल्ड कर जा रही है तब तब तुम एक लगा पाओगे भाई वेल्ड मेरा मजबूत है मैंने मान लिया सर मुझे यहाँ पे प्लेट की स्ट्रेंथ भी निकालनी पड़ेगी यह सो बताओ पहले बिल्कुल सही बात सर मुझे यहाँ पे प्लेट की स्ट्रेंथ भी निकालनी पड़ेगी ठीक है चलिए तो सर प्लेट की स्ट्रेन से अब देखो बहुत सिंपल है सर अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालू सर अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालू सर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मेरी कितनी आएगी यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से देखो सर देखिए ये मेरी प्लेट है मैं सर क्रॉस सेक्शन ये लेने वाला रहा हूँ पहले मैं सर क्रॉस सेक्शन ले लूंगा ये सर मेरी प्लेट है ना

वन फिफ्टी न्यूटन पर एमएम का रखेंगे इंटू कर डाला तो भैया यहाँ पे क्या होगा 150 into, into 8 हो जाएगा तो कुल मिला कितना आ जाएगा ये सर कुल मिला कितना आ जाएगा सिक्सटी आ रहा है बेटा है ना कितना आ रहा है अब बताओ ये बताओ सर वेल्ड भले ही यहाँ पे इतना मजबूत लगाया आपने वेल्ड आपने एक न्यूटन का लोड ले सकता है प्लेट आपकी सर एकदम हल्की फुल्की है प्लेट आपकी यहाँ साठ न्यूटर लोड, लोड ले पाएगी तो अब ये बताओ हम यहाँ पे कितना लोड लगा सकते हैं एक्चुअल में सर एक्चुअल में यहाँ पे जो पी की वैक्सीम वैल्यू ले सकते हैं वो कित सकते हैं बस

थोड़ा और आगे देखा जाए कहीं वेल्ड वेल्ट का क्वेश्चन आया हो ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वेल्ड का बताओ भाई वेल्ड का एक और शानदार क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है दो प्लेट हमको दिखाई दे रही है सर स्क्रीन के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से दो सर प्लेट हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बताओ भाई ये गेट 2016 में आया हुआ है गेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है तो पहली पेट हमारी हंड्रेड एम एम ठीक है और दूसरी हमारी 150 सौ एम थीक है और दोनों में देखो साइड में दोनों तरफ तुमको क्या दिया गया है वेल्डिंग करके दी गई है बढ़िया तरीके से एकदम वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से दी गई है ठीक है बताओ भैया क्या करें यहाँ पे सर यहाँ पे क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखते हैं अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तो निकालना क्या देखो निकालना क्या है पे दो प्लेट है एक हमारी दस एम साइज है और इतना ढाई सौ दिया गया अल्टीमेट स्ट्रेस अपना दिया गया चार सो दस ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमको लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है मेरे भाई है ना हमको लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है सर बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है तो कुछ भी नहीं है जल्दी से इसको आते हैं देखिए सर क्या करेंगे यहां पे देखना पहले एक बात समझो ये लेंथ दिखाई दे रही वर्ल्ड की क्यों भाई वर्ल्ड की लेंथ दिखाई दे रही है ना अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर मुझसे बोल रहा है कितना टू सेवेंटी ये बताओ अगर तुम यहां पर टू सेवेंटी का फोर्स लगा रहे हो अगर तुम यहां पे टू सेवेंटी किलोमीटर में फोर्स लगा रहे हो तो ये बताओ ये जो टू सेवेंटी है आधा इस वर्ल्ड पे आएगा आधा इस वर्ल्ड पे आएगा क्यों अरे यार दो प्लेट जुड़ी थोड़ी थी जुड़ी नहीं थी वो वेल्ड लगाया दोनों तरफ आपने। एक इधर वेल्ड लगा, इधर वेल्ड लगाया। दो सत्तर का एक सौ पैंतीस कर देते हैं हम इसका क्या क्या करते हैं। तो मुझसे अगर पूछे कि इस वेल्ड में कितना फोर्स गया तो देखिए सर जो यहाँ पे फोर्स आधा फोर्स झेलेगा है ना तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा फोर्स इन ईच वेल्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा सर मेरा

वेल्ड का साइज बेटा कितना है हाँ ये देखो वेल्ड का साइज कितना दिया वेल्ड का साइज कितना दिया गया है फिलेट वेल्ड का साइज देखो लिखा है फिलेट वेल्ड ऑफ साइज ठीक है ओके okay, सर तो थ्रोट पता हैं। से क्या लिख सकते हैं? तो भाई हाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपना हाँ क्या क्या रख देंगे

ये फॉर्मला सब समझ पा रहे होंगे यार पीछे तुमको पढ़ाया था मैंने अभी ठीक है एलएसएम का फॉर्मला है सिंपल सा लगाइए सर फॉर्मुला यहाँ पे परमिसबल फोर्स हमको कितना दिया एक सौ पैतीस किलो न्यूटन यहाँ रखेंगे जल्दी रखते चलो बेटा यहाँ पे ध्यान से फटाफट सर यहाँ रखा हमने कितना एक सौ पैंतीस किलो का मतलब एक सौ एक हजार न्यूटन इक्वल टू लेंथ ऑफ बेट हमको निकालना है क्योंकि यही पूछा गया है लेंथ पूछा गया और बोला लेंथ आप बताइए नियरस्ट टू फाइव एम एम है ना लेंथ आप बताइए नियरेस्ट टू फाइव एम एम ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं लेंथ ऑफ बेल्ट निकालेंगे हम यहाँ पे इन टू थ्रोट कितना है चलो भाई के 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 कितना सर डिग्री लिए और साइज कितना है? रखेंगे यहाँ पे एफ यू कितना रखेंगे अल्टीमेट ट्रांसलेशन कितनी बोल रहा है ढाई सौ दिया है अल्टीमेट कितना बोला है चार सौ दस तो एफ यू कितना रखेंगे सर हम यहाँ चार सौ दस रखेंगे चार सौ दस रखेंगे अपॉन रूट थ्री रखेंगे और वेल्ड के केस में पार्शियल फैक्ट्री सेफ्टी कितना रखते चलिए तो कितनी आ गई से में लग भग लग भग कितना आ रहा है जल्दी बताओ कितना आ रहा है यार ये हाँ एक सौ एक आ रहा है लगभग ठीक लग है एक सौ एक के आसपास आ रहा है ले आंसर ले लो बेटा तुम एक सौ एक आ रहा है लगभग लगभग तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना कुछ भी आ रहा है एक सौ पॉइंट एट के आसपास तो अगर हम इसको नियरेस्ट फाइव में राउंड ऑफ नियरेस्ट फाइव में राउंड ऑफ करें तो नियरेस्ट फाइव तो इसका एक सौ पांच मतलब तो 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 सौ के, 105, मतलब 100 के पास है लेकिन सौ तो ऑप्शन में नहीं है ये यार उल्टे सीधे क्वेश्चन दे दे लग रहा है ना नाइनटी तो काफी दूर हो जाएगा एक सौ एक से काफी दूर है एक सौ पांच यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन है ठीक है 2016 में तो टफ पेपर आया ही था यार 2016 में काफी टफ पेपर आया था आई होप तुमको बात समझ में आई होगी यहाँ पे ठीक है बात तुमको यहाँ पे समझ में आई जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट बॉक्स में तैलका मचा दो ये तुम्हारी लेंथ निकल के आ गई एक साइड की ठीक है भाई ठीक है और तुमने एक बात समझो एक चीज और है तुमने यहाँ पे ये कैसा समझा कि तुमको एक ही साइड की लेंथ निकालनी है एक ही साइड की क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्या बोल रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ ईच वेल्ड ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच वेल्ड तो मैं तो इसी साइड की लेंथ निकाली ठीक है क्लियर है कहानी ओके okay. अगला एक क्वेश्चन लेते हैं और वेल्ड का वेल्ड के क्वेश्चन देखो बहुत आए हुए हैं सिद्ध कर ले रहे हैं इसको ठीक है अच्छे से कर ले रहे हैं ठीक है सर अब एक क्वेश्चन तुम्हारे तो लिए आ गया यहां पे तुम बताओ इसका आंसर दिख रहा है सबको विजिबिलिटी फुल क्वेश्चन देखो बेटा ये गेट 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2010 में क्वेश्चन आया यहां पे बोला है दो प्लेट है मेरी क्या हो गया बेटा अरे ब्लर हो गया है तो ब्लर हो गया है तो क्या हो रहा है इसको कैमरा परेशान हो गया हमारा रुक जो जरा कैमरा भी सही करें इतना झटका लग गया कैमरे को हैं भूत तो उत आ गया क्या यहाँ पे अरे यार जल्दी सही हो जाओ क्यों परेशान कर रहे हो आज वैसे स्टील पड़ रहे हैं ए यार हुआ 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 हुआ, हुआ।, हुआ? सही हो जाओ कैमरे जी कैमरे जी जल्दी सही, सही हो जाओ सही हो जाओ हो गए सही भाई सही हो गए अपने आप चलता है मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो अंदर गया था क्यों भूत गया कि कोई और गया था चलो सही हो गए क्वेश्चन विजिबल हो रहा है कि नहीं बताओ पहले पढ़ो भैया जल्दी पढ़ो क्वेश्चन यार क्वेश्चन करो यार कुछ यही सब एकाथ आ गया तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएंगे यार कहीं ना कहीं ठीक है हम सोचे तीन घंटे पूरी स्टील खत्म हो जाएगी यहाँ कल लो कल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है कल भी करेंगे चिंता ना करो चलो सुरेश ने देखो दिमाग लगा दिया कमेंट में सर दो प्लेट दी गई हमको यहाँ पे एकदम ध्यान से देख रहे हैं दो प्लेट यहां दी गई हैं डायरेक्ट टेंशन लगा हुआ है ठीक है देखते चलो डायरेक्ट टेंशन लगा है निकालना क्या है लेंथ ऑफ तो वेल्ड है ना लेंथ ऑफ तो वेल्ड निकालना है हमको बहुत आसान है यार बहुत आसान है जल्दी बताओ ये तुम्हें सॉल्व करना है सर नहीं कौन सॉल्व करेंगे फॉर्मू लगाओ बस आंसर निकल के आएगा सीधे से एकदम है ना दो में क्वेश्चन आए ये नहीं हो पाया तो बेकार है भाई इससे भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको सीखने को मिलेगा यार अच्छा इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलना है सर देखिए हमको लेंथ ऑफ वेल्ड निकालनी है ठीक है यहां पे देखो क्या करते हैं सर क्वेश्चन में हम लोग ये जो प्लेट देख रहे हो प्लेट सर इस प्लेट की स्ट्रेंथ को वेल्ड की स्ट्रेंथ के बराबर करते हैं प्लेट की स्ट्रेंथ को वेल्ड की स्ट्रेंथ बराबर करते हैं और लेंथ ऑफ बेल्ट निकाल देंगे ठीक है पहले जरा प्लेट की स्ट्रेंथ निकालो फटाफट सारे बच्चे सर प्लेट की स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी सर सौ इंटू थिकनेस कितनी है टेन सौ इंटू थिकनेस कितनी सर यहाँ पे टेन है ना इधर कर लो चलो इधर कर लो अरे यार सर ये अपना कितना हो जाएगा ओके बढ़िया सर ये अपना सौ इन थिकनेस कितनी सर हमारी थिकनेस कितनी हो जाएगी सर टेन यहाँ पे और इसका स्ट्रेस कितना दिया है प्लेट का हाँ इन प्लेट कितना दिया गया स्टील यहाँ पे दिया गया डेढ़ और वेल्ड का परमिशल permissible... अच्छा पहले बताओ ये क्वेश्चन मेरा डब्ल्यू एस एम ए कैल एस ए जल्दी बताओ क्वेश्चन मेरा डब्लू एस एम एल एस एम जल्दी सर ये क्वेश्चन मेरा डब्ल्यू एस ए क्योंकि यहाँ पे परमिसवल स्ट्रेस हमको दिए गए ठीक है चलो ओके okay. जल्दी बहुत ध्यान देंगे सारे बच्चे कि सर यहाँ पे अगर हमको स्टील का पहले स्ट्रेस निकालना है कि यहां पे प्लेट में कितना फोर्स जा सकता है तो प्लेट, प्लेट।, तो यार सीधी सी बात है, प्लेट में कितना फोर्स आएगा कितना देख लो एरिया कितना है सर हंड्रेड इंटू टेन हंड्रेड इंटू टेन ओके एरिया कितना है सर और, और जो अपना यहां पे स्ट्रेस है परमिशिबल कितना डेढ़ सौ ठीक है सॉल्व किया बेटा ये लगभग लगब कितना आ गया तुम्हारा डेढ़ सौ न्यूटन ओके ओके अब सर देखिए जो परमिशिबल स्ट्रेस हमारा स्टील प्लेट में है वही हम यहाँ पे वेल्ड मानेंगे वही बेटा हम यहाँ पे क्या माने वेल्ड मान लें ठीक है अब देखो वेल्डिंग मेरी कहा चलेगी, चलेगी यहां पे सर वेल्डिंग मेरी चलेगी यहाँ यहाँ पूरा यहां यहाँ चलेगी यहां, यहां यहां वेल्डिंग चलेगी देख पा रहे हो कि नहीं ठीक है यहां यहाँ वेल्डिंग चलेगी अब जरा ये तो वेल्डिंग का साइज कितना ले सर देखिए हमको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है वेल्डिंग का क्या निकाले? निकालना लेंथ हाँ। निकालना है ना हाँ लेंथ निकालना भाई निकाल देंगे सर लेंथ कोई दिक्कत नहीं बहुत आसान है सर सिंपल सी बात है एकदम अगर हम यहां परमिशिबल फोर्स इन वेल्ड निकालें तो देखिए परमिशिबल फोर्स इन वेल्ड का फॉर्मला क्या है सिंपल सी बात है सर क्या एक तो लेंथ अच्छा देखो एक बात समझो पूरे में तुमको करने की जरूरत नहीं है यार पूरे में तुमको करने की जरूरत नहीं पूरे में दो सौ सौ और सौ दो हो जाएगा ना हमको पूरे में जरूरत नहीं देखते हैं कितने की जरूरत पड़ रही है ठीक है तो लेंथ ऑफ बेल्ट सर हम निकालेंगे थ्रोट थिकनेस अपने मन से मानेंगे थ्रोट थिकनेस देखो निकल पाएगी कि नहीं कहीं पे साइज ऑफ बेल्ट दिया गया है साइज ऑफ सर हमको कहीं पे भी नहीं दिया गया कोई बात नहीं अच्छा ये तो साइज ऑफ बेल्ट अगर नहीं दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से पहले मुझे सर अगर साइज ऑफ बेल्ट मुझे नहीं दिया गया है तो देखिए अच्छा यहाँ नहीं था सर देखिए आपने आज मुझे सिखाया था एक बहुत अच्छी चीज आपने सिखाई थी हमको याद तो नहीं है लेकिन आपने कुछ अच्छा। ज्यादा जल्दी करो तो उड़ जाता है ना देखो यहाँ पे क्या हो रहा है चलो आ गया भाई ठीक है देखो यहाँ पे लाइन पड़ी क्या लाइन पढ़नी सर पे लिखा है कि अगर मेरा वेल्ड स्क्वायर है ना सर स्क्वायर भाई वो जो दो प्लेट थी वो मेरी स्क्वायर थी एक प्लेट दूसरी प्लेट स्क्वायर था हाँ तो मुझे अगर वेल्ड साइज नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा लिखा है एम लेस कर दूंगा सर जो मेरा वेल्ड का साइज होगा देखो लिखा है प्लेट में मैं minus कर दूंगा, तो वो मेरा वेल्ड साइज हो जाएगा मैक्सिमम वाला वो मेरा size जाएगा क्या ठीक है अच्छा सुनो ये दोनों मेरे maximum size है के कितने लेने और ये मेरे क्या है मिनिमम साइज अब जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चे जल्दी कमेंट करें सुनो सारे बच्चे सर जो मेरी ए, member थी, member. Member था वो मैं दस एम का था हाँ तो कम से कम मैं कितना साइज दूंगा सर तीन एम ठीक है बहुत ध्यान सुनो भाई सर मेरा जो मिनिमम साइज ऑफ़ बेट मुझे रखना अपने क्वेश्चन के अंदर वो रखना मुझे पे कितना? 3 क्यों? क्योंकि जो प्लेट की थिकनेस है कितनी दी गई मुझे स्क्वायर ये ये एज है? है, है तो हमारे जो साइज uh, रखते हैं मैक्सिमम वो कितना रखते हैं सर टी माइनस वन पॉइंट फाइव तो टेन माइनस हमने क्या करा, करा तो हमारा कितना इसका मतलब अपना क्वेश्चन से अब भैया क्वेश्चन कहां चला गया मेरा अब क्वेश्चन गायब हो गया है ठीक है सर तो ये जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन था कहा गया 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 बेटा जल्दी आओ तुम आज ये क्वेश्चन था सर अपना तो अब देखो यहां पे हमारा ये स्क्वायर था तो ये बताओ हम साइज ऑफ बेल्ट क्या रखें साइज ऑफ बेल्ट क्या रखें ज्यादा रख लो यार सेफ रहना ना सेफ रहना ज्यादा रखे चलो ठीक है ओके सर तो एक काम करते हैं यहां पे पहले जरा थोड़ा लिख दीजिए आप साइज ऑफ बेल्ट यहाँ पे क्या माने सर थिकनेस साइज uh, माने जो भी हमारी प्लेट की थिकनेस है कितनी है, प्लेट तो लिखी है? सब प्लेट की टेन तो हम इसमें डेढ़ माइनस कर देंगे ये अपना प्रोविजन है और ये हमारा मैक्सिमम साइज हमने करके चला हम यहाँ पे क्वेश्चन में हम एट पॉइंट फाइव ही रखेंगे ना। ही रखे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ये अपना साइज हो गया ठीक है तो अब तुम यहाँ पे देखो थ्रोट थिकनेस को क्या लिख सकते हो सर थ्रोट थिकनेस हम लिख सकते हैं इंटू एस और एस को तुमने कितना माना है क्वेश्चन में एट पॉइंट फाइव माना है ठीक है हमेशा मैक्सिमम वाली पुट कर दिया करो मिनिमम की लेने की कोई जरूरत है नहीं लेकिन हाँ तुम डिजाइनर हो तुमको ये तो पता ही है कि तुम तीन और साढ़े आठ के बीच में चुनोगे ठीक है तीन और साढ़े आठ के बीच में चुनेंगे सर कोई दिक्कत नहीं अगला आगे बढ़ते हैं जल्दी से आ, वेल्ड का स्ट्रेस परमिशन एक सौ दस होता है तो आप पहले बता चुके हैं हमको ये तो आप पहले बताते हैं कितना होता है एक सौ दस है ना तो रख दो यहाँ से अब सुनो इन दोनों को इक्वेट करो क्योंकि तुमको पता था प्लेट जो है उस प्लेट की जो क्षमता है जो प्लेट कहां टूटेगी सर प्लेट मेरी टूटेगी एक सौ डेढ़ सौ पे तो वेल्ड की स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं मैक्सिमम डेढ़ सौ ही कर देते हैं ठीक है वेल्ट किस तो तो लेंथ पर डिपेंड करती है लेकिन हमको कम से कम कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी अच्छा के कितना सर थिकनेस निकालना है तो पॉइंट यहाँ पे लेंथ ऑफ बेल्ट मेरी कितनी आ जाएगी सर लेंथ ऑफ बेल्ट कम से कम कितनी लेनी पड़ेगी जल्दी बताओ कमेंट करके बेटा कोरा नहीं आएगा कहां आ रहा है कोरा लेंथ आ रहा है कोरा लेंू ट्वेंटी नाइन आ रही है ना टू ट्वेंटी ना आ रही है तो अब तुम देखो वेल्ड के तुम हर तरह क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर चुके हो ठीक है कनेक्शन में वेल्ड सीख गए हैं बोल्ट सीख गए हैं रिवेट सीख गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से एकदम ठीक है कहानी समझ में आ रही होगी जल्दी से देखते चलो यार उड़ाते हो चलो भैया यहाँ पे फटाफट एकदम उड़ाते हो चलो ये क्वेश्चन देखो इन्होंने उड़ा दिया है ना चलिए सर ये देखिए हमने यहाँ पे चलो सर ये भी सीख गए ये भी सीख गए ये भी हो गया ये भी देखो निकाल लो यार है ना ये तुमको सिखा चुके हैं पूरा नहीं ये भी हमारा इंक्लेन कनेक्शन देखो गेट में आया कितनी बार सर रिपीट हुए कि नहीं कर लोगे सर बिल्कुल हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है ओके सर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये कौन है रिबेट है करो बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से रिपीट वाला क्वेश्चन करना है जल्दी चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा सारे बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से वेरी गुड इतनी कहां से तुम लोग कहानी सीख रहे हो बताओ जो इतना बड़ी कमेंट कर रहे हो तुम ने है? तीन घंटे का नहीं इतना समझ में आ गया हमको यार अपना तीन घंटे का नहीं है इतना आज फुल क्लियर हो चुका है चलो ये भी गेट का क्वेश्चन है जल्दी बताओ इसका आंसर यार तो तुम देख पा रहे हो यहां पे हमारी एक प्लेट है देख पा रही है सबको ट्वेल एम ठीक है ना ये टोल एम ये अपना आठ ये आठ पी बाई टू फोर्स लग रहा है कोई दिक्कत नहीं सर अपना और शेयर स्ट्रेस मुझे परमिशन दिया कितना नब्बे और परमिशन बेरिंग स्ट्रेस कितना दो सौ सत्तर और क्वेश्चन डब्ल्यू एस एम का ठीक है और ये सारी हमको क्या निकालना है सर कि रिवे डब्ल्यू निकालनी है ना रिवे डब्ल्यू तो बहुत सारे यार दोनों तुम सॉल्व कर दो फटाफट है ना रिवे डब्ल्यू सर यहाँ पे सॉल्व कर देंगे सर हमको पहले शेयरिंग और बेरिंग दोनों में निकालना पड़ेगा बस ठीक है तो पहले शेयरिंग निकाल दो फिर बेरिंग में निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी सर आराम से आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है बहुत देखो सिंपल सा अच्छा तो अब जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सर देखिए पहले हम बात करने आ रहे हैं किसकी शेयरिंग की पहले हम यहाँ पे शेयरिंग की बात करेंगे अच्छा ये बताओ पहले जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पे शेयरिंग कितनी हो रही है डबल की सिंगल सब लोग जरा कमेंट कर देंगे सर यहाँ पे शेयरिंग सिंगल और डबल कमेंट करो यार कमेंट करो जल्दी जग जाओ बेटा जल्दी जग जाओ फटाफट जरा शेयरिंग निकालो सर ऑब्वियस यहाँ पे डबल शेयरिंग है डबल शेयरिंग है तो हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे निकालेंगे सर टू इन टू टू इंटू फाइव बाई फोर इंटू डायमीटर जरा बताओ रिवेट का ग्रॉस डायमीटर कितना है सर रिवेट का डायमीटर कितना दिया यहां पे कितना सिक्सटी दिया है तो सिक्सटीन में क्या करो 1.5 जोड़ दो 16 में क्या करो वन पॉइंट फाइव जोड़ दोन में मैं जोड़ कितना हो जाएगा सर ग्रॉस डायमीटर मेरा क्या हो जाएगा ग्रॉस डायमीटर मेरा कितना हो जाएगा सर्टी? सर जी सर ग्रॉस डायमीटर कितना होगा जल्दी बताइए सर होगा हमारा जो नॉर्मल डायमीटर था उसमें हम 1.5 जोड़ देंगे तो 16 में बेटा हमने 1.5 जोड़ दिया कितना हो गया साढ़े सत्रह तो टू इंटू फाइव फोर इंटू हम यहाँ लिखेंगे सर साढ़े सत्रह का होल स्क्वायर और इनटू ठीक है इनटू क्या कर देंगे सर 90 इससे हमको क्या मिल जाएगा इससे हमको क्या मिल जाएगा कि अपना शीयर स्ट्रेंथ कितनी है ना शीयर स्ट्रेंथ अपनी कितनी है अपने रिवेट की ठीक है तो निकाल दो भाई इसको सॉल्व करो कितना आएगा लगभग लगभग ये इसको सॉल्व करने में लगभग लगभग आ रहा है ये भैया कहां गया नहीं बताओगे तुम लोग हैं सर ये आ रहा है 43.29 सर ये इसको सॉल्व करने पे आ रहा कितना 43.29 किलो न्यूटन ओके अच्छा ये तो शेयर में हो गई बात अब हम बात करेंगे सर किसमें अब हम बात करेंगे सर किस में बियरिंग में बियरिंग बात कर लो मेरे भाई बियरिंग में बात करेंगे तो देखो दो सत्तर है बियरिंग का फॉर्म तुमको क्या है बेरिंग क्या सिखाया तुमको डी इंटू टी डी ग्रॉस डायमीटर इंटू टी इंटू अपना तो ग्रॉस डायमीटर मेरा कितना साढ़े सत्रह साढ़े सत्रह इंटू थिकनेस कितना है अच्छा सुनो थिकनेस जो यहाँ पे रखी जाएगी देखो थिकनेस जो रखी जाती है वो समझो दो रखी जाती है या तो तुमको मैंने पीछे सिखाया था भूल गया हो गया तुम लोग यार एक बार जल्दी बता देते हैं इसमें और सम ऑफ कवर प्लेट में जो कम हो ठीक है इसमें और सम ऑफ कवर प्लेट में जो कम हो तो देखो इन दोनों का सम करा, तो कितना आया? इनका करा तो बारह ठीक है और कितनी आठ और आठ सोलह तो सोलह और बारह में कम कौन है सर बारह तो यहां पे मैं बारह लूंगा ठीक है तो ये क्या मेरा क्या यह डायमी लेंगे बारह बारह इन टू इन टू जो अपनी बेयरिंग स्ट्रेंथ है बेरिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है 270 मेगापास्कल न्यूटन एम स्क्वायर सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा लग लग? लग है लगभग लगभग ये लगभग लगभग सर आया मेरा अह कितना आ रहा है कितना 56.7 ठीक है तो ऑबवियसली रिवेटली क्या होगी इनका मिनिमम रिवर्ट वैल्यू इज मिनिमम ऑफ PS और PV और बियरिंग में जो कम वैल्यू होगी वो आंसर तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा मेरा फोर्टी थ्री पॉइंट सही हो जाएगा ठीक है चलो जल्दी होता में आया सब कुछ समझ में आया मेरे लाल सर बिल्कुल कनेक्शन है चैंपियन दीजिए देखो इसको याद कर लो इसको याद कर लो कि दो फोर्स मेरे यहाँ पे लग रहे हैं एक तो लग रहा है सर क्या शियर ये बेटा शेयर है और ये मेरा क्या है टेंसाइल ये तुमने कैलकुलेट करके लगवाया और ये तुम्हारा क्या है जो लग रहा था मैक्सिमम जो मैक्सिमम लग सकता है इनका रेशियो करके प्लस करोगे तो ये हमारी वैल्यू 1.4 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए ये हमारा प्रोविजन है ये हमारा सिंपल सा प्रोविजन है याद रखो इसको ठीक है एक क्वेश्चन अपना बन सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो तुम लोग कर लोगे यार मैक्सिमम फोर्स वेड क्वेश्चन करो जल्दी से निकालो जल्दी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर देंगे सारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जल्दी बता दो मेरे भाई जल्दी से बता दो इसका आंसर फटाफट सर को ठीक है अब तो इसका आंसर बता सकते हो सेफ लोड एफ की वैल्यू जो ट्रांसफर कर सकते हैं यहां से क्या होगी जल्दी बताओ इसको यार फिर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बचा हुआ स्टील अपना टेंशन कंप्रेशन और प्लास्टिक कल देख लिया जाएगा यार है ना बहुत हो गया आज का जल्दी इसको सॉल्व करो आंसर निकालो देखो क्या आ रहा है गेट में आया हुआ क्वेश्चन है सिंपल सा एकदम अच्छा यहाँ परमिश्वर स्टेस हमारी कितनी दी गई है यहाँ परमिश स्ट्रेस हमारा 108 दिया गया समझ रहे हो ओके सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कोई है हमारे बीच कोई बालक जो इसका आंसर निकालेंगे सर जल्दी सॉल्व करते हैं कुछ नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे हमको क्या करना है सर शुरू किया जाए सेफ लोड निकालना है ना सेफ लोड निकालना है चलिए सर निकाल जल्दी से सर सेफ लोड हमारा क्या होता है या तो आप लेंथ ऑफ वेल्ड की स्ट्रेंथ निकाल दीजिए या तो प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल लीजिए चलो सारे से से निकाला बिल्कुल पहले तो सर हम देखें क्या करेंगे परमिशल स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं तो हमारा जो फोर्स एफ uh, है पे सॉरी एफ लिखा है इन्होंने एफ दिया तो एफ लिखेंगे तो लेंथ ऑफ वेल्ड सर देखिए कितनी है देखो फॉर्मुला हमको पता है सर लेंथ ऑफ वेल्ड थ्रोट थिकनेस परमिशिबल स्ट्रेस परमिशिबल स्ट्रेस कितना सर यहाँ पे एक सौ दिया ठीक है परमिशिबल स्ट्रेस मेरा कितना एक सौ अगर यहाँ हमारा डब्ल्यू एस एम होता तो क्या करते हैं एफ अपॉन रूट थ्री गामा एमडब्ल्यू है ना ये रखते लेकिन फिलहाल यहाँ पे एलएसएम है नहीं है ना चलो भाई लेंथ कितनी सर यहाँ पे सौ 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 और सौ मतलब कुल मिला कितना हो गया ढाई सौ यहाँ रख देंगे कितना ढाई सौ थिकनेस की बात करेंगे देखिए साइज कितना दिया भैया हाँ साइज कितना दिया सिक्स और एंगल दे रहा है सिक्सटी से नाइनटी मतलब पॉइंट सिक्सटी से नाइनटी मतलब पॉइंट सेवन पीछे लिखा हुआ है ठीक है तो पॉइंट सेवन इंटू पॉइंट सेवन इंटू कितना सिक्स कर देंगे इंटू एक सौ आठ कर देंगे कितना आ रहा है ये ये कितना आ रहा है भाई जल्दी से बता दो एक सौ तेरह पॉइंट चार एक सौ तेरह पॉइंट चार ठीक है लेकिन हाँ सर एक बात और आपने आज सिखाई दी हमको कि हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लेट की टेंद निकालना चाहते हैं लेकिन प्लेट की टेंट तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेट का परमिशनल ट्रांसलेशन दिया है नहीं है तो छोड़ दो फिर यही अपना आंसर हो जाएगा ठीक है तो फिर यही अपना आंसर निकल जाएगा ठीक है क्लियर है कहानी बिल्कुल यार इंपॉर्टेंट तो है यार तो एक काम करते हैं चलो हम लोग यार सेशन को अमेंडमेंट करते हैं बाकी देखो यार आज कहानी तो मैंने सोचा था तो तुम लोग बहुत सारी बताएंगे तुमको देखो पता है आज मैंने पूरे दिन भर जो है मेहनत करी है कि भाई जितना कंटेंट हम लिखा लिखा है ले जाए देखो सारे स्टील क्वेश्चन यहां हैं सारे स्टील के मतलब वाले क्वेश्चन ले आए और जितने भी तुम्हारे स्टील स्ट्रक्चर है पीपीटी देखो ब्लैक में भी है और देखो पीपीटी तुम्हारी वाइट में भी है जल्दी से एक कोई ओवरव्यू लेते हैं भाई है ना कोई लेते हैं कि भाई अपना क्या क्या बच रहा है थोड़ा सा देख लिया जाए देखो प्रॉपर्टी ऑफ स्टील हमने देखा रिवेट देखा देखते ध्यान से नॉमिनल ग्रॉस ये सब बातें हुई थी सर अपना उसके देखो पूरी पीपीटी देखो थोड़ा आइडिया लग जाएगा मैक्सिमम परमेश्वर स्ट्रेस हो गया अच्छा सुनो जिनको पीबीटी चाहिए पीपीटी चाहिए कि नहीं जरा कमेंट करना एक बार यार जल्दी हो तो पीपीटी चाहिए कि नहीं जल्दी बताओ पीपीटी चाहिए तो तुमको आज ये डाल देंगे उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है सारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना चेतन सर सी स्टैंड पे तो ये अपना हो गया सर देखिए परमेश्वर स्ट्रेस हमने याद कर लिए बहुत अच्छे से एकदम याद रहेंगे पैटर्न बताया सर आपने इसेंडिक कनेक्शन का बेसिक फॉर्मला आपने बताया डायरेक्ट और टेंसाइल के बारे में बताया डायरेक्ट और टॉर्जन डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट सियर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बारे में बताया ठीक है और हम लोग निकाल लेंगे इसका रिजल्टेंट ये क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं एग्जाम में है ना कनेक्शन से फिर एल में सर आपने हमको बताया फैक्टर्ड लोड लोड कॉम्बिनेशन का बताया लोड को बढ़ा देते हैं स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं एम गामा एम के बारे में समझा दिया सर आपने हमको अच्छे से एकदम और फिर आपने लिमिटेड शीट्स के बारे में बताया बोल्ट बताया गया है आज है ना टाइप्स ऑफ रिवेट बोल्ट इनकी स्पेसिफिकेशन कितनी होती है मिनिमम मैक्सिमम पिच कितनी होती है ठीक है बाकी देखो बोल्ट यार काफी लंबा टॉपिक है क्वेश्चन इससे ज्यादा बने बने हैं नहीं गेट में ये सब इतना डिटेल में आएगा नहीं है ना ये देखो नेट एरिया हम लोग को सीखना है यार ये नेट एरिया ब्लॉक फेल ये सब सीखना पड़ेगा कल कल सीख लेंगे बाकी सर वेल्ड के देखो वेल्ड के क्वेश्चन ज्यादा है तो मैंने तुमको पहले वेल्ड करा दिया यार है ना जिससे क्वेश्चन ज्यादा है पहले सोचा भाई उड़ा दिया जाए तो देखो वेल्ड तुम्हारा पूरा हो गया है अब अपना बच क्या रहा है सर देखिए हाँ देखो इससे भी तुम्हारा फॉर्मूला आया हुआ है एग्जाम में तुम्हारा यार देखो अपना ये क्या नाम है इफेक्टिव क्या था ये अपना इफेक्टिव शेयर इफेक्टिव स्ट्रेस है ना तुमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने को बोल सकते हैं तो निकाल देंगे इससे है ना अब टेंशन नंबर में सर देखो हमने टेंशन नंबर क्या होता है हम लोग यहाँ पे नेट एरिया लेते हैं टेंशन नंबर के अंदर और ये सब सिलेंडरनेस रेशियो होते हैं जो याद रखने तुम लोग को इससे क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे ठीक है नेट एरिया जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है एफ अपॉन सिग्मा एटी अब सिग्मा एटी क्या होता है पॉइंट सिक्स एफ फाइव आज बता चुके हैं भाई ये परमिसबल स्ट्रेस इन टेंशन ठीक है तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो इस तरह से निकल के आ जाएगा बाकी नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं इस टाइगर केस में कल बात करेंगे ठीक है बाकी एंगल ज्यादा मतलब है नहीं एंगल अपना आएगा नहीं प्लेट्स के लिए हम लोग ये फॉर्मले लगा के सीख लेंगे चाहो तो ठीक है इतना फिलहाल नहीं आने वाला एंगल तो चलो बहुत लंबा हटा दो इसको एंगल भूल जाओ कंप्रेशन नंबर है ने तुम्हारे यहाँ पे देखो इफेक्टिव लेंथ आती है सिलेंडर रेशियो के फॉर्मले बनते हैं थोड़े बहुत ठीक है मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो क्या हो सकती है कंप्रेशन वो थोड़ा सा देख लेना यार वन वगैरह ढाई सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ ये सब याद रहना चाहिए डेड लोड लाइव लोड में अपना वन होता है पढ़ा होगा तुमने यार ये सब पढ़ा होगा मेरे भाई ठीक है ये सब तुमने पढ़ रखा होगा बाकी देखो लेसिंग के कुछ फॉमले हमले होते हैं लेसिंग में जो अपना एंगल होता है लेसिंग का ये वर्टिकल से हम लोग फोर्टी सेवेंटी डिग्री रखते हैं ठीक है ये सब पढ़ लेना एक बार पूरी पीपीटी में तुमको डाल दूंगा यार पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है बाकी चलो लेसिंग वेसिंग इतना मत जानो अभी लेसिंग बैटर्न क्वेश्चन तो ज़्यादा आते नहीं है ना हटा दो इसको फिर अपना कॉलम कॉलम बेस पर थोड़ा सा सोचा था बताएंगे तुमको पूरा अच्छे से ठीक है तीन तरह के होते हैं स्लैब बेस गडेड बेस और ग्रेलेस फाउंडेशन ग्रेलेस फाउंडेशन क्वेश्चन भी नहीं आ सकते लेकिन हाँ स्लैब बेस का एक टाइप क्वेश्चन बन सकता है तुमको तो तो कल करा दूंगा ठीक है कल करा देंगे थिकनेस वगैरह कैसे निकलती है फॉर्मुल यहाँ देखो लिखे हैं सारे थिकनेस के कैसे निकलती है बात कर लेंगे थोड़ा सा ठीक है लंबा है यार स्टील देखो छोटा नहीं है स्टील बहुत लंबा है हर एक चीज में थोड़ा सा डेप्थ है एक एक चीज के अंदर डेप्थ है तो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास में कवर कर लिया जाए ठीक है लेकिन हाँ तुम थ्योरी ओरी कवर कर लो और प्रीवियसर क्वेश्चन लगा लो थोड़ा बहुत और कल यार एक काम करेंगे कल देखो कल जो मेरे क्वेश्चन है ना फिर प्लास्टिक यार प्लास्टिक का बेसिक एनालिसिस कैसा होता है एक्जम्पन वगैरह क्या है प्लास्टिक मोमेंट निकलता कैसे है ना ये बहुत बेसिक फॉर्मला है जितने भी मेन पॉइंट सारे यहाँ लिखे हैं शेफ फैक्टर लोड फैक्टर स्ट्रेंथ और तुम्हारा लोड फैक्टर क्या होता है सारे सेक्शंस का हमारा शे फैक्टर क्या होता है सर तुमको याद रखना चाहिए रेक्टेंगुलर सेक्शन का सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का ट्राइंग सेक्शन का हॉलो का ठीक है सब तुमको पता होना चाहिए सारी वैल्यूज तुमको याद होनी चाहिए एज इट इज क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं तो कुछ नया सेक्शन देखे तुमको निकलना निकलवा सकते हैं शेफ फैक्टर ठीक है factor, और याद रखना लोड फैक्टर हमारा क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेफ फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बाकी लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज के क्वेश्चन ही बनते हैं यार लेंथ ऑफ प्लास्टिक याद करके जाना ठीक है इंपॉर्टेंट है ये भी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक में क्या है कोलैप्स लोड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्लास्टिक कोलैप्स लोड उनको पता है सिंपली सपोर्टेड प्रॉब्ड और फिक्स्ड तीन बीम होती हैं तीन, है। तीन बीम होती है उसमें लोड हमारा क्या क्या लग सकता है सर पॉइंट लोड लग सकता है या तो पॉइंट लोड या तो कौन अपना यूडीएल है ना पॉइंट लोड या यूडीएल लग सकता है और उसके हमारे कोलैप्स लोड क्या होते हैं वो हमको याद करने होते हैं ठीक है गेट में बहुत क्वेश्चन इससे बने हैं अच्छा कल यार हम लोग बचे हुए क्लास टॉपिक जो है थोड़ा सा देख लेंगे और प्रवियस क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करेंगे कल ठीक है तो आई होप तुम लोग को बढ़िया समझ में आएंगे और ये सब दो थ्योरम होते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड अच्छा सर देखिए कल कर कल हम लोग काम करेंगे जितने क्वेश्चन है ना अपने गेट के यार ये सब इंपॉर्टेंट वाले ये सब कल उड़ा देंगे दो घंटे में जितना हो पाएगा जितना हो पाएगा कल इसको उड़ाएंगे कल का शेड्यूल सब लोग सुन लेंगे यार सर कल का शेड्यूल हम को पता है कोई दिक्कत नहीं है कल का शेड्यूल सर आपने हमको बताया था आज एक बार बात कर लेते हैं फिर सेशन को हम लोग जल्दी एंड करते हैं ना आज बहुत टाइम हो गया है कोई बात नहीं चलना चाहिए सब ओके okay. सुमन ने पूछा है सर सीपीएम क्रैशिंग पेंडिंग था कब होगा स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी बेटा अब स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी तभी काम हो पाएगा यार बहुत कंटेंट है यार कैसे तुम लोग को दो तीन दिन के अंदर खत्म कराते समझ नहीं आ रहा है चलो कोई नहीं बेटा चलने दो तो अब जितना हो गया है उतना ही सीख के जाओ कुछ ना कुछ तो करके आओगे चार छह तारीख को तो भैया देखो कल अपना चार तारीख है सर कल देखिए दस से बारह मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट बीस क्वेश्चन ठीक है कल कोई थ्योरी वाली कुछ नहीं होने वाली है ठीक है आज मैंने एक दिक्कत ये कर दी कि थ्योरी और क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं यार देखो होता क्या है ना बच्चों को थ्योरी क्वेश्चन दोनों एक साथ दिखाया जाए तो ज्यादा समझ में आता है इसलिए मैंने कोशिश करा कि दोनों पीपीटी बन जाए पूरी बढ़िया से और तुम लोगों को दिखा दिया जाए लेकिन कल मैथ्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेट में आ सकते हैं जैसे कि थोड़ा बता देता तो उनको लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन में रखना है जैसे आइगन वैल्यूज रैंक और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उसके बाद कैलकुलस में बेसिक इंटीग्रल्स एरिया ऑफ जो एप्लीकेशन होता है पूरा एरिया एरिया निकालना ठीक है वेक्टर कैलकुलस के बेसिक क्वेश्चन ये सब हम लोग देखेंगे उसके बाद अपना कैलकुलस के क्वेश्चन लेंगे इंपॉर्टेंट फिर प्रॉबर्टी के देख लेंगे बेसिक प्रॉबर्टी के और पी के है ना प्रॉबर्टी फंक्शन वो क्वेश्चन देख लेंगे और फिर क्या अपना न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग देख लेंगे बेसिक न्यूटन ऑप्शन बाई सेक्शन मेथड ठीक है ट्रेपेजॉयडल सिमसन वनथर्ड ये सब देख लिया जाएगा और अपना इसमें क्या नाम है और मेरे भाई क्या नाम है ये डिफरेंशियल हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया और कौन सा बच रहा है डिफरेंशियल प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल और डिफरेंशियल के अंदर देख लिया जाएगा ऑर्डनरी और, और पार्शियल दोनों के ठीक है डिफरेंशियल में डिफ्रेंशियल और, और पार्शियल दोनों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख देखे जाएंगे सुबह कितने बजे दस से बारह कोशिश करेंगे दस से बार हम लोग तीस चालीस क्वेश्चन उड़ा दें जितना मैक्सिमम हो पाएगा जल्दी जल्दी उड़ाएंगे ठीक है मैथ्स तो तुम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है मुझसे और छे से नौ में देखो शाम को छह से नौ सर आएंगे और वहां पर स्टील बी एम सी और सीपीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे ठीक है स्टील तुम्हारा ये चल ही रहा है देखो क्वेश्चन कराएंगे ठीक है और क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे एटलीस्ट हम क्वेश्चन लगा के तुम्हें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है और जहां तुमको थ्योरी जरूरत होगी तुम पूछ लेना कमेंट बॉक्स में

अरे कुछ नहीं सुमन यार पढ़ाई करते जाओ बस पढ़ाई करते जाओ एकदम शिद्दत से और धीमे धीमे सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप है ना अब देखो तुम आज जो भी सर लोग हैं या मान लो और भी रैंकर लोग हैं तो वो लोग एक दिन में कोई भी नहीं बना है सब लोग को काफी टाइम लगा हुआ पूरा अभी तो मुझे मुझसे पूछो सिविल सी सर आपने कितने टाइम पढ़ लिया तो देखो मैंने डेडिकेटली तीन साल पढ़ी हुई लगभग तीन चार साल हो गए तो तीन चार साल से जब आदमी पढ़ ही रहा लगातार एक ही काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो तुम्हें रिजल्ट दिखाई देगा है ना किसी भी फील्ड में बेटा सुमन तुम अगर बहुत सारे घंटे इन्वेस्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली उसमें तुम्हारी तो महारत हासिल हो जाएगी और बहुत ज्यादा घंटे दे दोगे तो तुम वर्ल्ड क्लास हो जाओगे बस यही सी बात होती है सिंपल सी ठीक है तो हाँ यूट्यूब पर होगा ये तुमको कल ब... हाँ ये यूट्यूब का बेटा है ये यूट्यूब का है चार फरवरी को यूट्यूब देखो कल अपना ब्रह्मा सेशन टू है आज अच्छा कितने को पता था कि आज ब्रह्मा सेशन था यार आज हम लोगों ने ब्रह्मा सेशन रखा था उसमें क्या था सुबह से क्लास चल रही शाम तक और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं ठीक है तो कल भी देखो ब्रह्मा सेशन लेकिन कल की जो ब्रह्मा सेशन की ओपनिंग वो सर करेंगे और 10 से 12 पहले मैथ्स होगा फिर 12 से 2 कोई सब्जेक्ट चलेगा फिर 2 से 4 फिर 4 से 6 और 6 से 9 में अपना स्टील्स बीएमसी और सी बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है ये सब यूट्यूब पे चल रहा है और अगर तुम बोलोगे बीच में तो इन्वायरमेंट की स्पेशल क्लास सर रख देंगे ठीक है टेलीग्राम में जरा कमेंट कर देना तो बीच में कहीं की स्पेशल कास्ट रखेंगे या नौ बजे के बाद रख लेंगे ठीक है क्योंकि अभी देखो छः तारीख तक हम लोग तो बिल्कुल सो नहीं रहे हैं दिन भर या तो हम पीपीटी बना रहे हैं या तो तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो पाए हम लोग कवर कर दें है ना तो चलो यार ठीक है भाई हाँ कल ज़रूर मिलेंगे बिल्कुल कल बिल्कुल मिलेंगे यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं अरे क्यों नहीं मिलेंगे कैसी बात कर रहे हो बिल्कुल मिलना है कल तो ये अपना कल का शेड्यूल होने वाला है ठीक है तो चलो अब यार बढ़िया शो हो जाओ हाँ। टेक केयर एवरीवन अपना ख्याल रखो बढ़िया तरीके से एकदम और फॉलो लो करते रहो सबको पता है पे और आ, हाँ सारे बच्चे देख लो सुनो एक इंपॉर्टेंट बात तुमको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो तुमको टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे यार कल सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल चेतन सर सी फॉलो कर लो ठीक है टेलीग्राम चैनल चेतन सर सी फॉलो कर लो उस पर सारी पीडीएफ और सारी वीडियो की लिंक अच्छे से भेज दूंगा चलो भाई

An Academy Combat is the most competitive gamified contest for date till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge Unacademy Academy Combat. Register now.